लग रहे हो, तुमको हाँ वो लगेगा सिर्फ अकेली तुम मेकअप करके आई। आई लाइक इट। तुम भी कुछ ओढ़ लो, ओढ़नी, तुम भी कुछ ओढ़ हाँ लो, तुमको ठंड नहीं लगते पुलुमी? प्रॉम में मैं तुम्हें तुम्हारे साथ जैकेट ही जाऊँ। पहनी है? नहीं वाह मोदी जी वाह। वेलकम जी वेलकम। क्या बात है बिग बॉस, तो एक्चुअली आज से लग रहा है कि शुरू हुआ है फाइनली, कुछ ना कुछ तो एक्चुअली हुआ फाइनली। बट क्या हुआ, क्या अच्छा था क्या सही था, वो तो पता चलेगा जब हम चुगली गैंग से चर्चा करेंगे, फिर ही समझ में आएगा क्या किसको सही लगा किसको गलत लगा। बट आज मैं अपनी राय यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहले तो जब कैजो जी जो आए हैं, वो एक गाना जो खुद ही उनकी मूवी का गाना है सच्चा हार्ट थ्रॉब जी, वो उस पे एंट्री करे हैं। क्या वो एक हार्ट थ्रॉब है? हो सकता है, इट्स अ क्वेश्चन नॉट एन आंसर। एंड उनको क्यों करवाते हैं ये कैमरा से बातें, जब उनको ह्युंडई करके ह्युंडई करना है उंगलियों के साथ। आई मीन यू नो एवरीबॉडी हैज देयर टैलेंट्स, एंड उनकी टैलेंट्स है बहुत अमेजिंग फिल्में बनाना, शोज को जज करना, पर शायद कैमरा से बातें करना और वो भी इंटरनेशनल लिंक्स करना शायद उनका काम नहीं है। पर मे बी मेरी आंखों में खटक रहा है क्योंकि ये मेरा काम है। जस्ट सेइंग, जस्ट सेइंग। एनीवे बट टेक्स वन टू नो वन। एनीवे तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स व्हाट एल्स हैपेंड। हाँ तो सीधा हम आते हैं मनारा की बैशिंग के ऊपर। मनारा को आज बैश करा गया, करण जौहर ने उसको छोड़ा, पर जो जो बैशिंग हमें दिखाई थी एडवर्टाइजमेंट्स में यानी प्रोमोज में, उससे आगे नहीं बढ़े, उतनी ही थी वो, उतनी इतने में इतने ही मिलेगा। मतलब सब इतने खुश हो गए थे, चुगली गैंग भी मतलब कहीं ना कहीं करके हाँ हाँ फाइनली फाइनली मनारा को कुछ बोले जाएगा फाइनली। पर जितना मनारा को बोला गया उतना ही बोला गया, उतना ही था, उतने ही मतलब जितना प्रोमो बन सकते थे 30 सेकंड का उतना ही हुआ है शो के अंदर, जो मैं मुझे तो लगता है गलत है, क्योंकि देखो सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अगर बैशिंग होती है तो सबकी इक्वली होनी ही चाहिए, ये सच बात है। तो ये जो मुनव्वर की दोस्तियों को जो आज गिनवाया गया, आज मुनव्वर की दोस्तियों को उसको बेचारा ठहराया गया, बेचारा इस दोस्ती का मारा, कहीं अंकिता है तो कहीं मनारा, वाह 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 क्या बात है। बट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि उसको ये बोलना मनारा को, ये जीनियस मूव कि तुम कभी दोस्ती में खड़ी नहीं उतरती, पर तुम एक्सपेक्टेशन रखती हो कि दूसरे तुम्हारे ऊपर आके तुम्हारी बातें करें, तुम्हारे साथ दोस्ती रखें, पर भाई मनारा इज मनारा, तो क्या है आपका इशारा? आई डिडंट अंडरस्टैंड। बट खास करके आई एम हैप्पी के एक पॉइंट पे जहां पे मनारा ऐसे सांसें ले रही थी, मुझे लगा अभी 5 4 3 2 1 रोने वाली है, पर वो नहीं रोई क्योंकि ये करण जौहर है एंड कहीं ना कहीं उसके सामने उसको नहीं रोना था, वो स्ट्रांग दिखना चाहती थी। तो शायद कभी फ्यूचर में उनको कोई मूवी शूवी करनी होगी उनके साथ, तो वो रोना नहीं चाहती थी, शी वांटेड टू बी ऑन अ बेस्ट बिहेवियर एंड आई हैव टू से शी डिड इट। पर ये थोड़ा फोर्स नहीं लग रहा था कि अनुराग का नॉमिनेशन मुनव्वर के लिए पूरे सीजन वाला जो सिर्फ एक सजेशन था वो हुआ नहीं था, मुनव्वर नॉमिनेटेड भी नहीं था, पर क्या ये फोर्स नहीं था कि आपको क्यों, आप क्यों नहीं गई मुनव्वर के पास जब आपके दोस्त ने जिक्र किया उसका नॉमिनेशन के लिए? पर वो जब आपको मुनव्वर जब आपको हुआ था नॉमिनेशन, मुनव्वर तो आपके पास नहीं आया। Cancel that point, me on her. तो आप क्लियर नहीं अपने दोस्तों के लिए, आई थिंक शी इज प्रीटी क्लियर, शी इज प्रीटी क्लियर कि ये मेरे दोस्त हैं और कोई उनका दोस्त ना बने तो बेहतर होगा, और जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त लोगों से बात करें वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रो दूंगी, ये मनारा है तो। बट इट्स क्लियर, इसमें क्लियर कहाँ क्लियर नहीं है, ये क्लियर है। एंड तो आज अंकिता को बोला गया कि देखो अंकिता, मतलब विकी के तो पोल खोलते हैं वहां पे आएंगे, पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट ये अंकिता की दोस्ती मुनव्वर के साथ, पता नहीं कभी नहीं इतनी अटूट बन गई,
इतनी पवित्र रिश्ता बन गया, इतना अमेजिंग मुनव्वर और अंकिता की दोस्ती बन गई, ये दोस्ती मतलब जय और वीरू से ज्यादा बन गई बिग बॉस की आंख से देखो तो ऐसा शायद उसको ही लगेगा, क्योंकि हमें तो इतनी वो यू नो संगीन रिश्ता तो नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पति हैं उनके साथ और उनके पति की वजह से वो किसी और के साथ इतना ज्यादा बड़ी बड़ी दोस्ती नहीं रखेगी। वो कहती मैं रिश्ते रखती हूँ, मैं रिश्ते रखती हूँ, और आज उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं रिश्तों को लेके पजेसिव हूँ। तो क्या ये प्रोजेक्शन नहीं था जो मनारा के लिए बोला जा रहा था बार बार कि ये पजेसिव है अपनी दोस्तों के लेगी ये तो इट टेक्स वन टू नो वन, क्योंकि इसका मतलब है आप इसलिए पहचानती हैं मनारा में ये ट्रेट क्योंकि वही ट्रेट आप में भी है अंकिता। और आज तो सारे जो अंकिता के फैंस हैं, जो अंकिता के मतलब वेल विशेस हैं, जो अंकिता के इतने मतलब सपोर्टर्स हैं, उनको भी मानना पड़ेगा ना ये बात जो हम कितने बार बोलते हैं कि ऐसे है वैसा है, आज तो उन्होंने खुद बोला, तो इसका भी कुछ अदर वे ऑफ देखिंग क्यों होगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। बट एनीवे आई एम पजेसिव, तो ठीक है भाई तुम पजेसिव हो। और अगर आप नोटिस करा होगा जब ये अभिषेक ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के बैठा हुआ था उस समय अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनके तो रिश्ते में रहती थी, मैं इमोशनल में रिश्ते में। अच्छा अगर ऐसा है तो अगर अभिषेक वहां पे अपनी छाती पीट पीट के रो रहा है और ऐसे एक्चुअली रो नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था अपने अंदर की आवाज, गटरल स्क्रीम्स, वो वाला जो था वो सीन जो था वहां पे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो इमोशनल हो रहा है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बोलते मिशनल है ना तुम दूसरे के लिए, तो क्या हुआ अंकिता आप बाहर तो आपने अपनी बात चलाई हुई थी मुनव्वर के बारे में, मनारा के बारे में, आप तो गेम के बारे में बात कर रही थी जैसे आप अक्सर करती हो, तो प्रटेंड क्यों कर रही हो। यस वर्ड ड्रीमा, वर्ड ड्रीमा तो वर्ड ड्रीमर नहीं पता करेगा तो किसको पता चलेगा कि वो अल्फाज कौन सा है जो इस्तेमाल करना चाहिए। चिंगार रहा था, थैंक यू अभिषेक, चिंगार रहा था वर्ड ड्रीमा, आपका वर्ड वेल डन, आई लव इट। तो ये हिपोक्रेसी है अपने फ्रेंड्स को ग्रांटेड लेना मनारा, डबल स्टैंडर्ड है मनारा। ओके एंड अनुराग वहां पे अपनी मुंडी हिला रहा था, क्या वो मुंडी हिला रहा था क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा था बात, या फिर वो मुंडी हिला रहा था क्योंकि वो मुंडी उसकी हिलती रहती है, सॉरी वो तो समर्थ है, सॉरी कंफ्यूज। एनीवे सो चलो फिर ये आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मुन्ना की जो प्रायोरिटी है वो मनारा है, इसलिए अंकिता जो भी है, समझ में आ गया ना क्या था, तो हम पता चल गया। तो ये पूरा जो तिगड़ी है या ड्यूएट्स हैं, दोस्तियां अब क्लैरिफाई होंगी तभी जाके ग्रुपिज्म होगा, तभी जाके मंडलियां बनेंगी, पर यहाँ पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं विकी तो चाहता ही है, और उसकी गेम इतनी बुरी तरह से बिग बॉस वाले छन्नी छन्नी करके उसकी गेम छोड़ी, ये क्या बात है, क्या बात है। अगर कोई ऑन द लो गेम खेल रहा है, ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बुरा कैसे है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसको क्यों आप एक्सपोज कर रहे हो। आप डंकी की चोट पे, जंकी की चोट पे, जंकी की क्यों डंकी के चोट के बच्चे करे, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पॉइंट है आपका। जब डंके की चोट पे गेम रखने का टाइम आएगा तो शायद वहां पे आ जाएंगे ना, जब आमने सामने सब यू नो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे, तब आएगा ना कि आमने सामने खेलने का समय। जरूरी नहीं है कि क्योंकि 5 हफ्ते हुए, ये सीजन थोड़ा अलग है, यहाँ पे किसी, ये सीजन शायद इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे किसी का असली रिश्ता जो बाहर से नहीं लेके घर के अंदर बना नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता इस घर के अंदर जो बना था वो भी आज तोड़ा गया, कोई और इस घर के अंदर अगर बाहर से लेके आए रिश्ता, यानी कि जो शादीशुदा है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके रिश्ते चलो ठीक ठाक है, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी थोड़ा लोचा है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो एक्स है और एक एक्स होने वाला है नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स में, तो ये बॉयफ्रेंड वाली सीन छोड़ देते हैं, पर हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को जानते हैं, पर वहां पर भी कहीं ना कहीं आज तो अंकिता ने भी बोल दिया कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ती हूँ, वो तो फिर मुझे यू नो जबरदस्ती है, वहां पर मेरा चॉइस नहीं है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, इसलिए इसके साथ मैं जबरदस्ती लड़ रहती हूँ, पर मुझे रहना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है भैया, आपकी लाइफ है, आपकी शादी है, जिस तरीके से आप पूरे दुनिया के सामने ये बातें कर रहे हैं, क्या यह शोभा देता है। और फिर ये बात जो ईशा की बात जो आज अच्छी तरह से समझाई गई,
कि आपकी पत्नी आपके लिए कमोडिटी है, छी 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 थू 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 जो हुआ। बट एक्चुअली अगर आप पूरी बात जब ईशा की आपने देखी होगी वहां पे, तो इतना बुरे तरह से नहीं समझ में पड़ी वो बात, क्योंकि वो कह रहा कि हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। जब पूरी बात आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हाँ, तो मैं तो कभी अपने पार्टनर को कमोडिटी की वे में नजर नहीं रखूंगा, क्योंकि वो एक इंसान है। एंड अगर इंसानों को आप कमोडिटी की या इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो उनको, तो यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग दैट पर्सन, यानी कि दैट्स व्हाट यू यूज्ड टू डू इन द स्लेव ट्रेड। तो आई डोंट नो, ये थिंकिंग मेरी नहीं है, दूसरों की हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे अंकिता को होलियर देन दाउ बोला गया, तो ये सारी चीजें शायद अंकिता को समझ नहीं आ रही कि ये क्या मतलब है क्या नहीं, क्योंकि अगर कोई मुझे होलियर देन दाउ कहे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैं आप सबसे सुपीरियर हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो अच्छा है और मैं आपसे बेहतर हूँ, होलियर देन दाउ। सो एग्जैक्टली, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं करी गई थी। बट एनीवे, तो अभिषेक के ऊपर आते हैं, ऐसी नहीं, ये जो फिर से इन्होंने दिखाया, तो ईशा और अरुण की लड़ाई हुई और वो सोने के ऊपर हुई कि पूरा कमरा जो दिल का कमरा वो सो रहा था और वहां पे कुकड़कू हुआ और उसके बाद वो उठे, फिर से सो गए। और फिर अरुण विकी को ले गया और बोला कि अपनी पत्नी को तुम उठाओ और मैं ईशा को उठाऊंगा। और समर से बात करके ईशा से उसने बात करी और फिर उसने अपना काम किया जो उसका काम है। उसके बाद ईशा बिगड़ी और ईशा अपनी गलती ना मानते हुए सारा बकवास बकना शुरू कर दिया अरुण के ऊपर। और ये यहां से ईशा गलत है, ईशा का यहाँ पे कहीं पे सही नहीं है। और जिस तरीके से वो बात कर रही थी अरुण से, जवाब ऐसा ही आ रहा था वापस, एंड क्यों ना आए। पर आपने नोटिस करा होगा, अभिषेक जो बाहर बैठा था, ना उसकी कोई बात है, ना उसका लेना देना है, ना उसका कोई भी सीन है इसमें, उसको यहाँ पे टपकना था, क्योंकि उसको हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन, खास करके लड़ाइयों में उसको अपना जलवा दिखाना होता है, क्योंकि उसको पता है कैमरे अभी यहीं पे लगे होंगे, मुझे वहां पे घुसना है और इन बिटवीन जाके मुझे बीच में घुस के वहां पे वो पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अपने आप को बनाना है। एंड यही वो बंदा करता है, बार बार करता है, आज भी उसने 3 बार ऐसे किया, उसको भी हम गिरेंगे। पर पॉइंट ये है कि ईशा की लड़ाई में ये आकूदा, ठीक है, ये आकूदा और इसने सारी वो चीजें हदे पार वहां पर भी की अरुण और क्या कहते हैं इसके साथ, सनी के साथ, और जहां पे उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनकी फिर वो इतने डरे हुए थे अरुण और सनी से, ये अभिषेक का कहना है, वो इतने डरे हुए थे कि वो बार बार चार्ज करके अरुण के पास जाते थे, चार्ज करके सनी के ऊपर जाते थे और वहां पे उनको उकसाते थे, इंस्टिगेट करते थे। और यही अभिषेक की गेम रही है फ्रॉम डे वन, वो चाहता है लोगों को उकसाना और उनको ऐसे घर से निकालना। और क्योंकि इसको वार्निंग मिली थी पहले 2 हफ्तों में, अब जब इसने पूरा अपना ये करा, उसके बाद फिर सनी को इविक्शन मिली, और सिर्फ अभिषेक की वजह से नहीं मिली है, क्योंकि सनी की वजह से भी इविक्शन मिली, मुझे सच बोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सनी दूध का दूल्हा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने कितनी बार चीजें फेंकी, हाँ मतलब 5-6 बार उन्होंने गिना दिया था ना कि आपने ऐसे ऐसे चीजें की, आपने रूल ब्रेक कितनी बार किया। पर अगर ऐसा है तो फिर अनुराग ने भी रूल ब्रेक किया, अभिषेक ने भी रूल ब्रेक किया, तो अगर हम गिने कितनी बार छाती मारी थी अरुण के ऊपर पहले हफ्ते में अभिषेक ने, कितनी बार उसके बाबूजीत वार्निंग के वो फिर से उसने किया, कितनी बार उसने भी अपना हाथ इधर उधर मारा। तो अगर आप सनी के गिनना चाहते थे पूरे के पूरे, चलो ठीक है, उसको निकाल दिया आपने, आप बिल्कुल सही है, आपके रूल ब्रेक हुए हैं, पर जो अभी शेख बैठा है घर के अंदर उसको भी निकालते, फिर दोनों को साथ में निकालो ना, फेयरनेस बनो, अनुराग को भी लाइन में रखो, ये सारे जो एक साथ जो कर रहे थे ये गलतियां, ये रूल ब्रेक, तो सबको निकालो भाई, सनी को क्यों, क्योंकि आपको रिंकू और विकी को बिचाना है, क्योंकि सबसे कम वोट्स किसको मिले रिंकू को, रिंकू जो कठपुतली है बहुत अच्छी तरह से, जो बिग बॉस चाहता है वो ही बोलती है, और विकी
क्योंकि विकी को तो अभी नहीं निकाल सकते, वो हम समय बाद निकालेंगे यार, और रिंकू को तो हमें त्यागना पड़ेगा विकी के लिए, तो रिंकू को रखना है तो सनी को निकाल देता हूँ, तो कुछ कर नहीं रहा, और अगर वो उसको निकालेंगे तो अरुण भी छेती ही निकल जाएगा, बिस्तरे बॉयज रवाना हो जाएंगे बेसिकली। तो प्लान तो बड़ा अच्छा है बिग बॉस, बट पॉइंट है कि जब आप फिर ये हल्ला मचाते हैं कि हम तो फेयर हैं, हम रूल सबके लिए इक्वल हैं, हम तो अपने रूल्स ब्रेक होने नहीं देंगे, पर फिर आप कर क्यों रहे हैं, पर आप ब्रेक करने देते हैं कि अगर जिसने ब्रेक किया और आपके पसंद में नहीं है फिर वो निकल जाएगा, पर अगर आपके गेम के लिए आपको किसी को रखना वो नहीं निकालेंगे रूल एज पर रूल्स। ये प्रॉब्लम है एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और यहाँ पे लोग कहते हैं बिग बॉस बायस्ड है, एंड मैं नहीं चाहता कि कोई बिग बॉस को बायस्ड बोले, क्योंकि मुझे भी पता कि ये कितना मुश्किल होता है इस शो को हिट करना, वो टीम बहुत मुश्किलों से गुजरती है और बहुत हार्ड वर्क करती है, मतलब 18-18 घंटे तक उनकी शिफ्ट होती है, तो मैं ये नहीं कह, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू बी फेयर, दैट्स ऑल, आई बिलीव इन फेयरनेस। चलो फिर आते हैं सना के ऊपर, सना के ऊपर भी बकवास सा, मतलब उन्होंने बना के बोल दिया कि सना तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो, तुम कैसे लड़कियों की दुआई कर सकते हो, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, तुम लड़की हो, तुम फेमिनिन हो, तुम फेमिनिन सेक्सुअल में तुम फीमेल हो, पर मैं तुमसे बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, तुम कम हो मेरे से। अच्छा, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो एक सेकंड, तो सना ने ऐसा क्या किया? अच्छा, उसने लड़कियों, मैं मुझे लगा वहां पे सना को बोलने वाले थे कि आपने जो लड़की को गालियां दी हैं बेडरूम में, याद है वो, अगर आप गालियां लड़की को देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि लड़का आपको वो गालियां ना दे, वहां पे मैं मान लेता, पर यहाँ पे तो इन्होंने क्या बोला कि सना जब विकी ने आपको बोला कि उसके ऊपर तुम सड्यूस करो, जब विकी गलत नहीं था, वो तो टास्क में था, अगर विकी टास्क में था सना टास्क में नहीं थी, अगर सना गलत है कि उसने विकी को टोका नहीं क्योंकि उसने ऐसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए, तो अकेली सना को ब्लेम नहीं कर सकते ना, तो दिस इज लाइक व्हाट इज दिस कनेक्शन, आई वाज सो कंफ्यूज, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये क्या हुआ ये? वहां पे जब मैंने वो सीन देखा था, ये सडक्शन का सीन, आप अपना शर्ट उतारो, लड़के ये पसंद करते हैं, मुझे वो कॉम्पोजिशन बिल्कुल नहीं हजम हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला भी था अपने रिव्यू में, बट आप अकेली लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते वो कॉम्पोजिशन के लिए, वो आइडियोलॉजी तो किसी और से आया था, जो एक लड़का है लड़की को बोल रहा था, तो एक्चुअली अगर गलत है तो वो दोनों है, एक नहीं, कांट ब्लेम द वुमन एवरी टाइम, इट डजंट मेक सेंस, स्पेशली इफ यू आर फेमिनिस्ट, Just saying. तो आते हैं हम अभिषेक की चिंगारी पे। अभिषेक पूरी तरह से एक फेक इंसान है, और आई थिंक इतना ही कह सकते हैं अभिषेक के बारे में, इतना उसने एक्टिंग की है आज, इतनी उसके पूरे इंटेंशंस एंड मोटिव्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहे थे। पहले जब वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है बिग बॉस, गलत हो रहा है बिग बॉस, किसी की याद आई, एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट आर यू डूइंग यू फेक इंसान, एंड मतलब ये आसिम बनना चाहता, आसिम और द लेट सिद्धार्थ की जो लड़ाइयां होती थी, क्या उन्होंने कभी भी बिग बॉस को कंप्लेन की थी कि बिग बॉस ऐसा हो गया मेरे साथ, आप कैसे मेरे साथ गलत होने, तो वो तो आसिम की गेम नहीं थी, वो ना वो सिद्धार्थ की गेम थी। तो यहाँ पे अगर आप सिद्धार्थ सिद्धार्थ को छोड़ो, आप दूर की बात है, अगर आप आसिम बनने आए हो यहाँ पे, तो आप आसिम का ना ऐस भी नहीं हो, ओ एक सेकंड, आप आसिम का ऐस ही हो। हाँ, तो इसको जरूर ट्रेंड करा जाए, मैंने ट्विटर पे रखा हुआ है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि क्या, अगर मेरा ट्विटर अकाउंट पे आप जाएंगे आपको दिखेगा ट्वीट जो सबसे पहले है, और वहां पे मैंने लिखा है शुड वी ट्रेंड अभिषेक इज एन एस, तो अगर आपको उसके साथ ट्रेंड में मिलना है, तो अगर आपको उसको ट्रेंड करवाना है, इट्स अप टू यू, बट गो टू माई ट्विटर अकाउंट, माई ट्विटर अकाउंट है आई एम बी जे एंडी, जैसे ये अकाउंट है आई एम बी जे एंडी, वहां पर भी मेरे ट्विटर पे आई एम बी जे एंडी का अकाउंट है, वहां पर भी जाके आप कर सकते हैं उसको ट्रेंड, इट्स अप टू यू,
It's not a want or a need, but you can do it if you think it's indeed. Okay, so let's continue. तो मुझे तो वो पूरी तरह से fake लगा. पहले fake था. पहले तो वो जब कह रहा था Big Boss मैं डर रहा हूँ और तुम ही जाके उनके ऊपर बार बार चार्ज कर रहे थे. और अगर तुम इतने डरे हुए थे तो जब वो तुम्हें कह रहे थे कि यहाँ से चल तू गया क्यों नहीं, तू वहां पे जब वो खड़े हुए थे ऊपर तुम उनके ऊपर क्यों चढ़ रहा था, तुम उनके पैरों के ऊपर जाके कोई खड़ा हो रहा था, तो तुम भी अग्रेशन कर रहे थे ना, तुम भी अग्रेशन कर रहे थे, तुम भी इंस्टिगेट कर रहे थे और तुम्हारी यही गेम थी, तो तुम बिल्कुल फेक हो भाई, इतना बड़ा फेक. और मैं इतना खुश हूं कि खानजादी ने उसको आर्ग्यूमेंट में भी बोल दिया कि तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इधर से निकल. थैंक गॉड खानजादी ने ऐसे किया. और फिर उसके बाद चलो ठीक है, मैं भी मानूंगा सनी ने गलत किया. उसने जिस तरीके से वो पुश कर रहा था वो अच्छा नहीं था, उसको नहीं करना चाहिए था, पर इतनी बड़ी बात नहीं थी. बिग बॉस में तो बहुत पहले, मतलब अगर आप कह सकते करण कुंद्रा अगर WWE के पटक साख कर सकता है किसी को, तो यहाँ पर किसी को ऐसे वैसे धक्का में क्या हो गया भाई. और अगर उसने उनका गिरेबान पकड़ भी लिया था, उसने दो बार तो मांगा था ना मेरा गिरेबान पकड़, तो उसका तो दैट्स परमिशन. जब उसने खुद ही बोला था मेरा गिरेबान पकड़, उसने पकड़ा, उसने उसको मारा नहीं था, उसने पकड़ा था और उसने ही बोला था पकड़ने के लिए, तो हाउ कैन यू से दैट्स रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग. आई डोंट नो, अगर मेरा कोई गिरेबान पकड़ा मैं तो कभी नहीं जाता उसके पास और बोलता गिरेबान पकड़ पकड़, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसा हो. और जब उसका प्लान वो कामयाब हो गया, जब करण जौहर ने बोल दिया कि भाई इनको हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं, ये एडिक्ट होते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा रूल ब्रेक किया है, वहां पर जहां पे अरुण और सनी तहलका का जो दोस्ती है वो एक ही ऐसी पक्की दोस्ती, असली दोस्ती जो घर के बाहर बहुत लंबे समय तक चलेगी, एक असली रिश्ता जो पवित्र रिश्ता अगर किसका है तो इन दोनों का था, और वो ही टूटा. और इस वजह से जब अरुण और मुझे तो रोना आ गया यार, सच में रोना आ गया था मुझे, बहुत मतलब यू नो सर भारी हो गया था, लाइक माय गॉड इन दोनों को ऐसे बिछड़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है. एंड बहुत इमोशनल सीन था. और वहां पर फिर अभिषेक को लगा ये तो, अरे ये दोनों ले गए हैं, मुझे बुरा बना दिया इन्होंने, मैं कैसे बुरा बन सकता हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ था, अब पर ये ले गए सारी संपत्ति, मैं क्या करूं. अरे कोई झापड़ सच में मारे इसके मुंह के ऊपर. अगर वो जा रहा है तो उनको अपना मोमेंट लेने दो, एटलीस्ट गुड बाय कहने दो उसको अच्छी तरह से, तुम बीच में टपके. और मुझे वहीं से समझ आ गया भाई कि क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है ऐसे, क्योंकि उसको बुरा नहीं दिखना, क्योंकि उसने कह भी दिया था जो उसकी असलियत थी, उसने बोल दिया था वहां पे. अगर आप एपिसोड रिपोर्ट रिवाइंड करके देखें आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर भी अभिषेक ने ये क्या बोला, ही सेड एग्जैक्टली द वर्ड्स मेरे पास हैं, मैंने मुझ पे ब्लेम आ जाएगा, ऐसे वर्ड्स उसने बोले, मुझ पे ब्लेम आ जाएगा, ऐसे बिग बॉस इसको मत भेजो, मुझ पे ब्लेम आ जाएगा. तो उसको ये प्रॉब्लम है कि ये विलन ना दिखे, पर विलन तो तुम बन चुके हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने एक्ट किया, जिस तरीके से तुमने इंस्टिगेट किया, तुम विलन हो भाई, तुम इसके हीरो नहीं बन रहे, यू आर नॉट द हीरो माय डार्लिंग. एनीवे आगे बढ़ते हैं. पॉइंट है कि एक और पॉइंट, मम्मी मैं इतना बुरा नहीं हूं, मम्मी मैं इतना बुरा नहीं. तो प्रॉब्लम आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि अभिषेक को अभी अपनी व्हाइट वॉशिंग करनी है कि भाई मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छे साथ हुआ था ये, अब मैं नहीं चाहता था कि इनको भेजना, तो फिर तुम क्यों टपक रहे थे, क्यों बंदर की तरह अपनी दुम हिला रहे थे, क्योंकि तुम्हें यही करना था, पर बुरा भी नहीं बनना, सिंपथी भी चाहिए, पर आपको सब कुछ तो मिल नहीं सकता ना भाई, यू कांट पिक एंड चूज व्हाट यू गेट, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. तो सनी चले जाता है एंड इट्स अ वेरी सैड मोमेंट, बट मुझे बहुत बुरा लगा जब अरुण ने जाके अभिषेक को हग किया, ही शुड नेवर हैव डन दैट, एब्सोल्युटली नॉट. चलो आते हैं स्पॉटलाइट के टारगेट के ऊपर, वहां पे खानजादी कहती है ईशा को पता नहीं क्यों मुझसे कोई दुश्मनी है. भाई तुम अगर उसके पीठ पीछे बातें करोगी तो फिर ऐसे होगा ना. नील अंकिता को कहता कि इसका बिहेवियर पैटर्न है, टोन है, फिर अटैकिंग करती है, एब्सोल्युटली राइट है, ही सेड राइट, बट वो भी ऐसे करता है, तुम भी ऐसे करते थे और ऐसे कर रहे हो उसके साथ, तुमने खानजादी के साथ भी किया और अंकिता के साथ भी किया, तो अभी आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप भी वही कर रहे हो. ऐश्वर्या, व्हाट वाज दिस नॉनसेंस, ऐश्वर्या नील को अंकिता से बात नहीं करने देती, दिस इज नॉनसेंस. एंड फिर उसका जो
क्या उदाहरण बताया कि क्योंकि आप उछल रही थी क्योंकि आपके मकान में खाना आया था, राशन? व्हाट व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद अंकिता एंड नील्स रिलेशनशिप? नथिंग बेसिकली. वहां पे फिर आपने फिर ऐसे किया वैसे किया, बट अंकिता कहाँ आ गई बीच में? नील और अंकिता, ऐश्वर्य उसको रोक रही है, वो दैट मेक एनी सेंस? जीरो सेंस. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. मनारा, अंकिता, नथिंग अगेंस्ट हर, बीएस. अंकिता हर दो सेकंड के बाद मनारा के अगेंस्ट अटैक्स लॉन्च करती है, उसके दोस्तों को उससे छीनना चाहती है क्योंकि वो पजेसिव है, जैसे वो कह चुकी है, और वो बनना चाहती है होलियर देन थाउ, करण जौहर वर्ड्स नॉट माइन, कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो देवी हूँ साक्षात, मैं तो मनारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, पर मैं तो उसकी लाइफ रुइन करना चाहती हूँ शो के दौरान, पर मैं बिल्कुल सही हूँ. नो, वी सी व्हाट यू आर डूइंग एंड योर हस्बैंड. एनीवे, आई डोंट नो कि जब करण जौहर मनारा को, जब मनारा स्पॉटलाइट का कर रही थी तो वहां पे ऐसे रिएक्शन दे रहे थे, बट आई लाइक, आपको तो मनारा तो बड़ी अच्छी लगनी चाहिए, वो तो मतलब यू नो, आप तो यू मस्ट नो पीपल लाइक मनारा अराउंड यू. आई मीन दिस नॉट न्यू टू यू, गेज यू, सो व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग अबाउट इट. चलो फिर आते हैं एकता कपूर के मैसेज के ऊपर. और आई लव द फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन एकता कपूर, एमी विनर बनना बहुत बड़ी बात है, एंड कंग्रेचुलेशन टू यू, यू डिजर्व इट. You worked really hard for many, many years, and that's a fact. So, yahan pe we are, so ye bhi announced ho gaya ke Dharma aur Ekta Kapoor film bana rahe hain. So, there you go, wait for it. And I'm sure it's going to be excellent. So, ultimate couple, Ankita. Par yahan pe to Ankita, I have to say, Ekta ne bahut achhi tarah se har ek situation ka bahut achha decode kiya. She is very good at this, I have to say. क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि विकी प्लीज उसको लव के साथ ट्रीट करो क्योंकि उसका दिल बहुत बार टूटा है, एंड दैट वॉज बैंग ऑन. मुन्ना, आप रियलिटी विनर होके भी यू आर टू बोरिंग. एब्सोल्युटली अग्रीड विद हर. नील, ऐश्वर्या, यू आर प्लेइंग वेल, मे बी नॉट सो मच बट बेटर देन बिफोर, लेट्स पुट इट दैट वे. और मनारा, दोस्ती, what is dosti khaki and all, I was like true, and what is this love triangle, boys against the girl, 100% agree with her. Abhishek, Sam, get along, and iska matlab all sare Isha ke khulenge, and aisa hi hone wala, I think agar Isha abhi Samarth ko chhod deti hai, jaise ki abhi news aayi hain ki unhone kaise bhi abhi chhod diya hai Samarth ko show pe, matlab breakup kar diya hai, to aise ho sakta hai kyunki ab to fir khulle mein Sam aur Abhishek ek saath aayenge aur ईशा के पोल खोलेंगे, हो सकता है. सो आई जस्ट थिंक दैट जब उन्होंने आज बोला कि बॉटम टू रिंकू और विकी थे, तो पता था कि कोई नहीं जा रहा, तो इट वाज़न्ट अ बिग सरप्राइज. तो आपने नोटिस किया, ऐश्वर्या और नील, अंकिता और विकी, उन्होंने एक दूसरे को हग किया और हंसते खेलते रहे, तो क्या इन लोगों का भी कोई ना कोई प्लान चल रहा है? क्योंकि इतनी यू नो, इतनी बदतमीजी से एक दूसरे से बात करना, दुश्मनी रखना, फिर उसके बाद तुरंत बाद वीकेंड के बाहर पे फिर एक हो जाना, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अब मैं पूछूंगा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस टू आर चुगली गैंग? चुगली गैंग, हो जाओ तैयार. आ गए हैं सांझ, समृद्धि, अरु एंड रमीसा. रमीसा के साथ है फोलमी और हमसा. वेलकम टू द चुगली गैंग, आप सबको स्वागत है यहाँ पे. Thank you for joining. And अभी हम सांझ से शुरू करते हैं. सांझ, आज का वार का क्या समझा? Hi Andy. आज बहुत कुछ हुआ Andy. पहले तो मैं थोड़ा irrelevant बात करूंगा क्योंकि मैं कल से बहुत खुश हूँ. होता ना कि कई बार आप बहुत खुश होते हो किसी वजह से. कल मैंने शायद messages में भी बोला था कि मुझे animal movie review मतलब वो बहुत अच्छी लगी, तो मैं कल बहुत खुश था. पर मैं उतना ही upset हो गया था जब मनारा की कल क्लास नहीं लगी, क्योंकि मुझे वो ना कल से एक वेटिंग चल रही थी मेरी कि भी कब उसकी क्लास लगेगी, कब उसको बोला जाएगा, चाहे थोड़ा बोला. मुझे ना बस वो एक संतुष्टि सी चाहिए थी उसका. वो जब फेस ऐसे होता ना, मुझे बहुत खुशी होती, पता नहीं क्यों, मेरे को वो तसल्ली वाला होता मेरा एक मोमेंट. अब बात आती है एंडी, आपने एक बीच में बात बोली ना कि हर दो सेकंड में उसको वो पजेसिव होती है. आई एग्री विद यू, पर हर एक सेकंड में मनारा होती है उससे. अगर वो दो सेकंड में होती है ना अंकिता मनारा से, तो मनारा अंकिता से हर एक सेकंड में जाके पजेसिव होती है कि वो क्या है, कैसी है, वो खुश भी क्यों है, वो रो भी क्यों रही है, मतलब कहने का वो बात भी क्यों कर रही है.
तो मुझे वो मनारा में ज्यादा वो इश्यूज नजर आते हैं, पर चलो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मुझे सबसे पहले बोलना है विकी के टॉपिक को लेके। आज मुझे मुझे एक चीज बोलनी है आपसे पहले कि आप आगे बढ़ें और अपनी स्पीड पकड़ें। यहाँ पे मैं एक समाचार देना चाहता हूँ आप सब ब्यूटीफुल दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एवरी नाइट। आई सुपर अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। पर आप याद से प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू दैट, और आज के लिए प्लीज लाइक कर देना क्योंकि आज हमारा टारगेट 500 लाइक्स है। क्या हम 500 लाइक्स पर पहुंच पाएंगे जब तक हमजा आएगा? हमारे पास देखो कितने रिव्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रिव्यूज हैं। एक एक रिव्यू पे अगर 100-100 लाइक्स आएंगे तो फिर हमजा की रिव्यू नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, नहीं तो उसको बेचारे को वेट करना पड़ेगा। आप उसका दिल ना तोड़ें और 500 लाइक्स का हम टारगेट फोड़ें। कम ऑन गाइज, लेट्स डू इट, लेट्स गो सांझ। हाँ जी, तो एंडी मुझे पहले विकी में शुरू करना है। जिस वे में उसको रोका जा रहा है ना, मतलब हर चीज करने से, खासकर मुझे ना मतलब उस पॉइंट पे मुझे ज्यादा बुरा लगा जब करण जौहर ने ये बात बोला था कि ये बाहर आके ना अवार्ड वाली बात कर रहा था। वहां पे उस बात का करने का कोई सेंस नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था। आप वैसे भी कह सकते थे कि ये बात है, पर वहां पे ना विक्की को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। हर विक्की के एक्शंस को वहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विक्की कितना गलत जा रहा है या मतलब विक्की कितना विलन है। एंड हम रिव्यू करते हैं, आई एग्री, लोग यहाँ पे जो मतलब आके देखते हैं वो भी ये चीजों को ना, ये इनकी मेकर्स की चोरियों को समझते होंगे। पर आप ये सोचो ना, जो लोग रिव्यू नहीं देखते या फिर वो इतना डीपली नहीं जाते, नॉर्मल जस्ट बिग बॉस देखते हैं, उनके दिमाग में तो बिग बॉस पूरी तरह से ये फीड कर रहे हैं ना कि विक्की बहुत घटिया इंसान है, वो गेम खेल रहा है। उसको आप गेम खेलने नहीं दे रहे हो, इतनी बुरी गेम भी नहीं वो खेल रहा है कि ना तो आपके अदर कंटेस्टेंट के जैसे हाथापाई कर रहा है, ना वो कोई बुरी लैंग्वेज जैसे आगे यूज की जाती थी ना वो कर रहा है। सिर्फ अपने ग्रुप बना के बड़े आराम से चलने की कोशिश कर रहा है, पर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको ये अपनी बहुओं को आगे लेके आना है। मैं फिर एंडी बोल रहा हूँ, लोग ना मुझे अभी आके फिर बोलेंगे सांझ अब नहीं तुझे रिवर्स साइकोलॉजी नजर आ रही। नहीं, मुझे अभी इस टाइम पे नहीं आ रही क्योंकि मुझे लास्ट, मैं 3 सीजन से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ। पहला अभिनव था इसका विक्टिम, देन अंकित बना, अब वो बन रहा है विकी, क्योंकि इनको अपनी बहू को हर हाल में मतलब आगे लेके जाना है। मुझे उस चीज से बहुत एंडी इशू होता है कि आपको जो करना है। फिर एंडी आपने एक बात बोली कि मेकर्स के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा शो बनाने के लिए। सॉरी एंडी, पर मैं इस चीज से बहुत डिसएग्री करता हूँ क्योंकि शो इनको बनाना ही नहीं आता। होता क्या है ना, अगर आप उस चीज को शो बनाने जा रहे हो ना, इनकी एक तो अपनी यारियां दोस्तियां बहुत बीच में आ जाती है, एमजी लेके आने वाले कंटेस्टेंट बहुत बीच में आ जाते हैं। आप एक सिंपल, आपके पास बेस्ट फॉर्मेट है, मतलब बिग बॉस का जो फॉर्मेट है ना बहुत अच्छा है, उसमें आप नॉर्मल कंटेस्टेंट को रखो। जैसे एंडी आपके सीजन में होता था, इवन की वो भी छोड़ दो, 11 सीजन जब नॉर्मल आम लोग आए थे वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे राज कर ही गए थे ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट है ना, बस उनको पुश करना चाहते हैं क्योंकि आपने ना उनको पर वीक के लिए 20-25 लाख रुपए देने हैं। तो आपको क्या है कि भाई हमें इससे वो निकलवानी है। ये वो नहीं होता एंडी मल्टीनेशनल कंपनीज की पॉलिसीज भी अगर हमने कोई मैनेजर हायर किया है या कोई सेल मैनेजर हायर किया है, भाई उससे तो हमें वो वसूली करानी, हमने भाई तेरे ट्रेनिंग में इतने पैसे लगा दिए, वो लगा दिए। यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ये एंटरटेनमेंट वाली चीज है भाई। अगर आपको लगता है कोई इंसान सही कर रहा है उसको उस हिसाब से, तो एमजी वाले चक्रों में पड़े क्यों हो? फिर उसके बाद आप अपने खुद के ही शो की ऐसी की तैसी करवा लेते हो, और ये हो रहा है एंडी। और ये मेकर्स ही इसके रिस्पॉन्सिबल है जो कि पिछले आई गेस 3 या 4 सीजन से लगातार चल रहा है। बहुत लकी है कि वो 13 सीजन हिट हो गया, उसका मैं सारा क्रेडिट उनके कंटेस्टेंट, बाय चांस इनके पास अच्छे आगे थे, अदरवाइज फॉर्मेट इन्होंने भी वहां पे यही रखना था, पर वो सीजन ही में कंटेस्टेंट ही इतने इन्वॉल्व थे। और ऐसा नहीं है ये फोर्सफुली हो रहा है, वहां पे नेचुरली हो रहा था। यही बात है कि 13 सीजन के बाद सब इसी चीज को कॉपी करने में लगे हुए, आज मैं ये बन जू, आज मैं वो बन जू। एंड अभिषेक वाला भी एंटी इसी वजह से इंसिडेंट हुआ। अभिषेक को लेंगे एंडी, मुझे ना ना कोई फील नहीं आ रहा, पर मुझे ना बहुत घटिया सा फील हो रहा है उसको देख के। मतलब कैसे बताऊं, मुझे ना चिड़ मच रही है कि वो इंसान होना भी नहीं चाहिए। एक होता है ना कि मुझे ना एंडी उस टाइम में सच में कह रहा हूँ, वो चाहे वो कर रहा था, वो फेक कर रहा था, सही कर रहा था, मेरे ना दिमाग में, मैंने चैट में भी बोला था, मुझे ना उस टाइम पे ईशा की हालत समझ आ रही थी कि वो उस बंदी ने इसके साथ क्या क्या सहा होगा जब वो ये कह रही थी सलमान को कि इसने मेरे साथ ये बोला, और सलमान ने बोला था नहीं ऐसा नहीं, तुम बहुत बड़ा क्लेम कर रही हो। एंड एंडी इसको लेके मुझे ना एक और कमेंट भी बोलना है,
अभिषेक ना एक अपरिचित वाला है ना, वो लेके आता है करेक्टर जब ये कंटेस्टेंट के साथ होता है। जब सलमान आता है तो अंबी बन जाता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो बड़ा साहू बच्चा हूँ, मेरे को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो काइंड ऑफ ना ये वो वाली चीज में रहता है। तो मुझे ऐसा होता है कि भाई आप ऐसे कंटेस्टेंट को झेल कैसे रहे हो, फिर आप उसको प्रेज भी कर रहे हो, मतलब ये सलमान वगैरह, तो उस चीज से है। और एंडी मुझे आज करण जौहर ने फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि उसने किसी की बैशिंग नहीं की है। हाँ आप ये टाइम्स में आपको लेके बोल सकते हो कि किसी को 10 मिनट बोला, किसी को 5 मिनट बोला, बोला उसने सबको है, जिस जिसकी जो गलतियां है ना सबको आईना उसने दिखा दिया कि तुम यहाँ पे ये चीज को लेके चल रहे हो। एंड इसी बीच में एंडी बोलना है सब फेक है, सब गंदे जा रहे हैं, मुनव्वर भी फेक गेम खेल रहा है, पर मुझे वो अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी गंदी गेम नहीं खेल रहा है, एटलीस्ट उसके पास इतना तो दिमाग है कि भाई अगर सब फेक कर ही रहे हैं तो मुझे इतने गंद में नहीं घुसना अपनी। मैं कहता हूँ आज ये सीजन एंड हो जाए ना तो सिर्फ इकलौता मुनव्वर होगा एंडी जिसके पास रिस्पेक्ट होगी, किसी और के पास नहीं है। ये पूरे सीजन में सबने इतनी भर भर के गलतियां की हुई हैं, और जिन्होंने नहीं भी की हुई हैं मेकर्स ने उनसे जबरदस्ती करवाई हुई है। ये तो मैं इस चीज को लेके चलूंगा कि भाई ये मेरे लिए यहाँ तक का था। एंड वो लास्ट वाला एंडी आपसे मैं पॉइंट बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुझे भी बहुत ओड लगा कि जब तुम सेफ हो गए नॉमिनेशन से, एविक्शन से, जाके हग कर रहे हैं अंकिता एंड ऐश्वर्या एंड विक्की, उसी वही पर्सन को जिनको आप अभी जस्ट 10 मिनट पहले, मतलब वो तो एक ही दिन का शूट है ना, उस टाइम पे आप उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, जिस तरीके से वो उनकी बातों पे हंसते हैं ये वो दिखाने के लिए कैमरा पे, पर आप साथ ही साथ खुश हो गए कि भाई हम बच गए हैं। तो मुझे भी एंडी वो बहुत ऑर्डर लगा कि भाई तो ये सारी आपकी पीछे से प्लानिंग होके आई हुई है, वो चल रही है, तो वो थोड़ा लगा मुझे। बाकी जो जो याद आएगा एंडी बोल दूंगा बस। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। अभी हम आते हैं समृद्धि के पास। समृद्धि बताइए, आज क्या आपको लग रहा है कि क्या सही हुआ गलत हुआ, बताइए। मेरे को एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मेरे को करण जौहर, एक्चुअली मेरे को दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे, कल और आज। इट वाज वेरी बैलेंस्ड, मेरे को लगा कि जिसको बोलना चाहिए था सबको बोला एक्चुअली, एंड किसी को नहीं बख्शा, जिसको जो डिजर्व करता था सुनना वो उन सबने सुना। एंड करण जौहर वॉज राइट, उसने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे थे, बट ही डिडंट लूज हिज कूल, वो फिर भी तमीज में आगे बात कर रहा था। एंड उसने सबको आईना बहुत, जैसे साज ने बोला, बिल्कुल सही दिखाया। मनारा को जब आज डांट रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फिर बाद में लोग बोलते हैं ना कि मनारा को तो प्यार से बोल के निकल जाते हैं, ये है वो है, तो उससे देखने के लिए कि करण जौहर प्रॉपरली उसको डांट वाली डांट रहा था, विच वॉज वेरी वेल। बस एक पॉइंट मिसिंग था करण जौहर की उस डांट में, कि आप मनारा को जो वो कॉन्स्टेंटली लोगों की बॉडी पे कॉमेंट करती है ना, जैसे कि एज पे या बॉडी पे, उस पे एक बार और बोल देते, क्योंकि वो डिस्टेस्टफुल होते हैं उसके कॉमेंट्स फॉर श्योर। जैसे वो कभी अंकिता के लिए बोल देती है, कभी विक्की के लिए बोल देती है कि इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ये वो ऐसे, क्योंकि तुम भी सिमिलर एज ग्रुप में हो, तो शी शुड से थिंग्स लाइक दैट। या फिर जैसे वो लोगों को बड़ा बुरा लगा था जब उसने मुनव्वर के लिए बोला था, तो उसको एक बार वो भी पॉइंट आउट कर देते तो मेरे को और अच्छा लगता। अब दूसरी बात आते हैं एंडी, मुझे एक चीज पूछनी है, ये विक्की लास्ट टू में कैसे आया, मेरे को हजम नहीं हुई ये बात। मतलब विक्की को तो लोग वोट डाल रहे होंगे भर भर के, जितना मैं सोशल मीडिया ये देखती हूँ एवरीबडी इज प्रेजिंग विक्की, क्योंकि वो रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है ना, बिग बॉस उसे दबा रहे हैं तो वो बाहर उठ रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आया विक्की लास्ट टू में अरुण से ज्यादा वोट विक्की को, मतलब वियर्ड। एंड हाँ, दूसरी चीज, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब अंकिता और विक्की की डांट पड़ रही थी, और सबकी पड़ी, बट अंकिता और विक्की में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो डिजर्व करते थे वो डांट। और जैसे करण जौहर ने क्लियरली, जैसे वो सना वाला इशू भी सामने रख दिया, और बाद में एकता कपूर ने भी आके वो क्लियर हिंट दे दिया, अगर अंकिता को अभी भी वो समझ नहीं आ रहा है ना, तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ है वो, कि मतलब कि क्या चल रहा है उसके पीछे से, कि उसका पति क्या, जो भी एक बार हुआ है दो बार हुआ है हमें नहीं पता, बट कुछ तो चल रहा है ना, वाइब है, कुछ तो केमिस्ट्री है, तभी तो। अरे जब एकता ने ये बोला था ना कि जब बोला था कि यू नो समटाइम्स यू नो टू थ्री इज नॉट बेटर देन टू, एग्जैक्टली, लिसन अंकिता लिसन। हाँ, क्योंकि अंकिता सखियां बनाए घूम रही है सना को हर जगह जगह जगह। देखो कुछ भी कहो, एक बात नोटिस तो मैंने की है, लोग मेरे को गाली देंगे इस बात में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अंकिता एक्चुअली मनारा की दोस्त जा जाके चुरा रही है। मनारा सना से क्लोज थी, अंकिता उसको जाके बेस्ट फ्रेंड बनाया, मनारा मुनव्वर से क्लोज थी, मुनव्वर तो दोनों का शुरू से था। अब मनारा यूके के क्लोज थी, तो उसने यूके को भी अपना यू नो एक प्लस वन बना के रखा हुआ विक्की ने आजकल, जैसे इंटर्न उसे बोला, तो कर तो रही है अंकिता, दोनों ये कर रहे हैं, तो वो चिढ़ेगी तो है ही ऑब्वियसली, बट वो जिस तरीके से चिढ़ती है और जो आगे से बोल देती है ना, वो गलत होता है, वो अपना पॉइंट ठीक से नहीं रखती, वो बड़ी ज्यादा इमोशनल फूल लड़की है, मुझे ऐसे लगता है। और एंडी देखो, मैंने तो कल भी बोला था, पहलका को जो निकाला बिल्कुल सही निकाला, क्योंकि एक बार नहीं हुआ, कई बार कर चुका, कभी चेयर उठाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, बट साथ साथ अभिषेक और अरुण को भी या तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करते,
या उनको वार्निंग कुछ तो देते हैं, उनको 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट करते, 3 हफ्ते के लिए नॉमिनेट करते, क्योंकि एक्चुअली अभिषेक जा जाके उसे अपनी बनैन पकड़ा रहा था, मतलब लिटरली ऐसे लग रहा था कि ले पकड़ ले भाई, मुझे पता मैं सारे बिग बॉस देख के आया हूँ, वो ऐसे कर रहा था लिटरली, ये नहीं किया बस ऐसे तो कर ही रहा था कि मैं सारे बिग बॉस देख के आया हूँ, मैंने पिछला सीजन भी देखा है, अर्चना और शिव ने ऐसे किया था, वो शिव हाथ पीछे करके अर्चना ने उसका गला पकड़ लिया था तो उसे निकाला गया था, मैं वो सेम टेक्निक अपनाता था, उसे पता कैसे निकालेगा, वो एक्चुअली प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, उसने पहले मनारा वाली फाइट में भी ये किया था, उसके माँ बाप को लाया था कि तुम अपने माँ बाप को ऐसे बोलोगी क्या, यू आर एन एस, मनारा वहां पे इंस्टिगेट हुई नहीं थी, पर उसे सेम आज इन दोनों के साथ किया, उनकी बीवी और बच्चों के नाम बार बार बोल बोल के बीवी बच्चा और वो दोनों तो हैं, वो इंस्टिगेट होने वाले हैं, वो हो गए, उनकी भी 100% गलती है कि वो तहलका को कोई मतलब नहीं था उसको जा जाके ये करना और ये करना, वो कम्प्लीटली गलत था उसको धक्के देना, बट दोनों तरफ से मेरे को इक्वल लगा, पॉइंट इज दैट कि तीनों को, तहलका को तो निकाला, उन दोनों को भी वार्निंग मिलनी चाहिए थी, उन दोनों को इतना फ्रीली छोड़ नहीं देना चाहिए था कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, और अभिषेक का वो रोना धोना, भैया एक तो एक्टिंग ढंग की कर ले, एक एक्टिंग भी तू इतनी बेकार कर रहा है कि मुझे यार एंडी, जब कोई असली में सैड होता है एंग्री होता है आप देखो बंदे की ना आंखें थोड़ी छोटी होती है, आपकी आंखों में दिखता है कि वो इमोशन, अभिषेक की तो आंखें से फाड़, मुझे कोई इमोशन नहीं दिख रहा था उसकी आंखों में, बिल्कुल ब्लैंक थी आंखें और बस फेस पे वो यहाँ इमोशन ला रहा था, तो यही होता है कि यू नो पता चलता है कि कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग है, तो उसकी रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं थी, इतना इरिटेटिंग लग रहा था, इतना इरिटेटिंग लग रहा था, ओ माय गॉड नहीं झेला जाता वो स्क्रीन पे, प्लीज एक्चुअली नहीं झेला जाता, और ईशा की भी टॉक्सिसिटी पूरी बाहर निकली, वो एक्चुअली यही करती है हर फाइट में, वो यही करती है, अभिषेक को आगे कर देती है, लड़ भिड़ के अभिषेक को आगे करती है, समर्थ सुमड़ी से निकल जाता है, समर्थ को कोई लेना देना नहीं है, पर ईशा अभिषेक को, अभिषेक ए, मेरी ईशा को मैंने कुछ बोला, पहले उसने खानजादी से लड़ चुका है, कितने लोगों से इन बातों पर लड़ चुका है, और क्या था एपिसोड में, यही था मेरे लिए तो मेन हाइलाइट्स, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। चलो आते हैं हम अरु के पास, अरु कैसी हो बताइए, अब ठीक हो? हाँ एंडी मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, मैं थोड़ी रोई भी थी, बट इट्स फाइन, अब मैं बेटर हूँ, मैंने पानी वानी पी लिया, वो नहीं कर रही हो कि जो अभिषेक कर रहा था पूरा अटेंशन उनका अपने ऊपर लेना, जस्ट सेइंग अभिषेक के लिए रोई थी ये, अच्छा सुपर फैन है उसकी, बहुत अच्छा लगता है मुझे अभिषेक, प्लीज एनीवे मैं अपना रिव्यू दे दूं सांच, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ तो मुझे स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, कि जो इसको अपने केजो को वो जो एक स्टेप वाला डांस उन्होंने किया था आने के टाइम पे सच अ हार्ड थ्रॉब जी पे, तो वो मुझे, और उसके बाद फिर उन्होंने रैंप वॉक किया, तो मुझे याद आया जो उन्होंने सना के लिए कमेंट किया था कि तुम्हारे पास 2 टैलेंट है डांसिंग का और रैंप वॉक का, तो वो उन पे भी सूट कर ही रहा था, वो जिस तरह से उन्होंने डांस करके रैंप वॉक करके सेंटर स्टेज में आए थे, तो वो मुझे बोलना था। और मनारा के उस पे बैशिंग तो खैर क्या ही बोले उसको, जो भी उसको समझाया गया है, मुझे ऐसा लगा ना एंडी उन लोगों के पास कोई पॉइंट नहीं, वो ऐसा कोई पॉइंट देना नहीं चाह रहे थे कि जिससे मनारा को एक्चुअली वो जो सेल्फिशनेस वाला पॉइंट है वो साबित हो। ये क्या मतलब है कि उसने अनुराग ने मुनव्वर का नाम सजेस्ट कर दिया तो इस बात पे जाके वो अनुराग से लड़ने लग जाती जबकि वो नॉमिनेट हुआ भी नहीं है, तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि अगर आपको उसको सेल्फिश सिद्ध करना था तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ला के दे सकते थे पर आपने वो नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता मनारा को कुछ समझ भी आया होगा उस कॉन्वर्सेशन से, तो मेरे लिए वो कम्प्लीटली पॉइंटलेस थी। कमिंग टू अंकिता, वो वाला भी मुझे कुछ पॉइंट समझ नहीं आया कि आपको मतलब उनको मेंशन करना चाहिए था कि उसको कहाँ पे स्टैंड लेना था मुनव्वर का, उसने नहीं लिया और वो वन साइडेड वाला चीज, बट उसके अंदर वो ऐसा कोई पॉइंट लेके ही नहीं आया कि आप स्टेप बैक कर रही है, तो हाँ ठीक है वो स्टेप बैक कर रही है अगर वो अपने जो भी मेंटल अपना सैनिटी बचाने के लिए, तो उसमें वो अपने लिए लुकआउट कर रही है, तो इसमें सेल्फिश मतलब आपने मुनव्वर के लिए स्टैंड नहीं लिया ये कहीं से सिद्ध नहीं होता, तो वो भी मेरे लिए कोई ऐसा कोई खास वो नहीं था, तो जो 2 चीजों से मुझे आज एक्सपेक्टेशन थी आज के एपिसोड में वो दोनों चीजें नहीं हुई, तो काफी डिसअपॉइंटेड थी मैं। विकी को बोला गया कि आप मंडली बना रहे हो पर डंके की चोट पे बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्ट्रेटेजी बना के खेलो या लोगों को लेके खेलो, पर आप डंके की चोट पे बोलो। अरे डंके की चोट पे वो कैसे बोलेगा कि मैं तुम लोगों को अपने साथ टीम में इकट्ठा कर रहा हूँ मंडली बनाने के लिए, तो फिर वो गेम कैसे रहेगा, तो वो मुझे पॉइंट ही समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला गया, मतलब वो बहुत ही स्टूपिड पॉइंट था वो जो बोला गया था विकी को, एंड आई अग्री मतलब अब थोड़ा ओवर हो रहा है मतलब विकी को लेके, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहा है तभी भी उसको कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे बोलते रहते हैं। मेरे को हाँ अपकमिंग टू द फाइट, तो ये जो अभिषेक है
इसने खुद ने बताया अरुण को कि अंकिता और ईशा सो रहे हैं, ठीक है। अब जब उस ईशा के साथ उन उसकी वो बहस होने लग गई, क्योंकि ईशा जी तो अब ईशा जी हैं, वो चुपचाप ये तो नहीं कि उठ जाएंगी, उनको बहस भी करनी है वहां पे। तो वो चीज ना मेरे को देख के ऐसा समझ आया कि इंसान को अपने ना रिएक्शंस या जो आप करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपने जो एक छोटी सी चीज करी होती ना, मतलब अगर उस टाइम पे ईशा उठ गई होती एंड वो पूरा सीन नहीं होता, तो ये जो पूरा एस्केलेशन हुआ ये होता ही नहीं। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग ईशा, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके एक छोटे से एक्शन का कहाँ पे जाके रेपरकशन होता है, ये मुझे लगता है कि सबके लिए लर्निंग वाला चीज, मेरे को अपने लिए एटलीस्ट लर्निंग वाली चीज लगी है। और ये पूरी फाइट के अंदर एंडी मेरे लिए तीनों ही रॉन्ग थे। अभिषेक कंटिन्यूअसली इंस्टिगेट किए जा रहा था अरुण को, कॉन्स्टेंटली बोले जा रहा था। अरुण भी काम डाउन नहीं हो रहा था, वो भी पूरा चढ़ के आ रहा था। सनी ने जब पूरी चीज शांत हो गई उसने फिर जाके एस्केलेट करी, वो जो एप्पल छीनना या मुंह पे वो थपड़ाना एंड वो दैट, वो सब बहुत ही गलत था मेरे हिसाब से। तो ये अभिषेक को और अरुण को सनी को दोनों को निकालना चाहिए था, बट हाँ ठीक है, मतलब सनी रिपीट ऑफेंडर है तो निकालना जरूरी था, या मतलब वो एक्शन जरूरी था, बट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा एंडी अरुण और तेलका को देखकर। वो जिस तरह से अरुण रो रहा था और जिस तरह से वो ब्रेक डाउन हो रहा था ना उस टाइम पे, इवन द रिएक्शन फ्रॉम तेलका वाज जस्ट लिटिल बिट, मतलब वो मेरे को तो उस टाइम पे आंखों में आंसू आ गए थे वो लोग को देख के। अभिषेक का मुझे आंटी बोलना, मुझे ऐसा लग रहा है उसको थोड़ा इमोशनल रेगुलेशन का इशू है, मतलब आई थिंक वो कुछ अगर होता है तो वो बहुत ही, इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर जिस तरह से वो करता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो ड्रामा कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा लेवल पे कोई ड्रामा कर सकता है ऐसा, मैं अब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ है उसका, क्योंकि ये बार बार हुआ हुआ, ये सेम कंसिस्टेंटली उसने सेम चीज करी हुई है। ईशा वाले सीन के अंदर जब समर्थ आया था, आज भी उसने जब वो अंदर जब ये चीज डिस्कस नहीं हो रही थी तभी भी सेम चीज करी थी, जब तहलका जा रहा था तभी भी सेम चीज करी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ है, लाइक देयर इज समथिंग देयर, बट ये बात से मैं कंप्लीटली अग्री कर रही हूँ कि उसने ये बोला था कि ये सब ब्लेम मुझ पर आ जाएगा तो इसको मत निकालो, तो हो सकता है कि वो अपने आप को उस जोन में लेकर आना चाहता था कि वो मैं अपने आप को क्लियर कर ले। लास्ट मेरे को पॉइंट बोलना है ये विक्की सना वाली बात पे आंडी, कि ये जो वो सिड्यूस वाला जो ओरी के टाइम पे जो बात हो रही थी, मतलब मेरे हिसाब से तो विक्की की गलती है ना कि आप किसी लड़की को ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए। मतलब मैं सना की कहीं से भी उसके अंदर गलती नहीं लेकर आऊंगी, क्योंकि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन एज अ वुमन आपको कुछ चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं, बट आप उन चीजों को वॉइस आउट नहीं करते हो बिकॉज आपको लगता है कि अरे यार ऐसा ना लगे कि मैं किसी बात को बढ़ा रही हूँ या मैं बेफालतू में किसी चीज को तवज्जो दे रही हूँ। आई डोंट वांट एनी नेगेटिव थिंग टू कम ऑन मी, आई एम टॉकिंग दैट एज अ वुमन सांस, तो मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल बट मैं बोल नहीं पाती बिकॉज मुझे नहीं चाहिए वो चीज एस्केलेट हो। बट ये बोलना कि अरे सना विकी ने तो जो बोला उसको मैंने क्लीन, उसको केजो ने क्लीन चिट दे दी, और सना को बोला कि आप पैसे कैसे नहीं बोल पाए और आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, तो वो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब अगर किसी को बोलना चाहिए था तो वो विक्की को बोलना चाहिए था कि आप ऐसी बकवास बातें कर कैसे सकते हैं। हाँ जी, बस इतना ही बोलना है मुझे। अच्छा, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी तक सिर्फ 248 लाइक्स हुए हैं, और देखो तीन लोग हो गए, अभी तक 300 हो लेने चाहिए थे, अभी हम 50 पीछे हैं, तो अभी से ज्यादा आप जोर लगाएं, अपना दम लगाएं और लाइक करें ताकि हम बेचारे हमजा को वेट ना कराएं। हाँ जी, तो क्या हो रहा है, सांझ की उंगली क्यों खड़ी है जब इतने लोग बात करने वाले हैं, पर बताइए। हाँ बताइए। मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना है जो अभी अरुण ने बोला, हो सकता है घर पे बैठ के किसी को कोई भी चीज बुरी लग सकती है, कोई भी किसी चीज से ट्रिगर हो सकता है, पर जो उस टाइम पे मोमेंट था ना, मुझे कहीं से भी सना अनकंफर्टेबल नहीं लगी, बहुत आराम से नॉर्मल एक प्रोफेशनली एक्ट को लेके कन्वर्सेशन चल रही थी। अब मेकर्स ने उसको मुद्दा बनाना था, उन्होंने बना लिया। लाइक मैं जैसे बोले जा रहा हूँ कि विक्की की हर छोटी सी बात को बहुत बड़ा किया जा रहा है कि ग्रुप बनाई, अरे ये बनाई। अब वो बुरा लगने वाली जिसको लगनी चाहिए उसने तो कुछ नहीं बोला, वो तो उसके साथ अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अगर वो होता तो उसके साथ वो बात भी ना करती। तो मुझे वहां पे उसको लेके नहीं हुआ, यहाँ पर घर पे बैठ के कभी भी किसी की कोई भी बात बुरी लग सकती है, बस इतना बोलना है।
थैंक यू. हां जी वेलकम मनीषा. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आ चुकी हूँ. तो देखो, पहली बार तो मुझे ये बोलना है एंडी कि ये जो पति पत्नी का डुओ है ना, विकी और अंकिता, दे आर प्लेइंग अ वेरी नेस्टी एंड अ मीन गेम. ये जो उन लोगों का होलियर देन दाव एटीट्यूड है ना, कि कुछ होता नहीं कि विकी पहुंच जाता है सबको संभालने के लिए, कुछ होता नहीं अंकिता उधर महिला मंडल में सरपंच बनी बैठी है, दे हैव दिस अंडर कंट्रोल. द अंकिता इज ट्राइंग टू बी लाइक the head of the girls in the house and Vicky is trying to be the head of the boys and I'm like, y'all are playing such mean games. क्योंकि ये लोग जितना backbiting करते हैं ना, वो कितना कोई नहीं करता घर में. वो जो गोट वाला भैया करता था, ये Vicky तो गोट वाला भैया से भी गए गुजरा है. और कैसे पहुंच जाता है कि हाँ तुमको अगर problem है, मैं इनको वो उधर से आके लेके आती हूँ and we'll sort it out. But the point is, every time they try to sort it out, उसके पास हर वक्त हाजिर जवाब ही रहती है कि you know, he always has an excuse to make himself look good. And I was like, this is very nasty. और अंकिता कैसे एकदम भोली बन रही है. I swear, Andy, I know for a fact that Ankita is aware कि सना और उसके पति के बीच का ये जो है ना, I think she understood it from day one, but she's pretending so when she gets out of the house, it won't come her like, you know, she won't get questioned for it. Or won't aisa nahi hoga ki hai mera pati to bhagwan hai, mera pati to parameshwar hai. I think that's basically Ankita's entire outlook from what I'm seeing, because ye itni to bewakoof nahi hai. Kyunki agar ye aisi itni bholi, itni bewakoof hoti, itni saal tak itne sare kaam nahi karte. And she's friends with Kangana Ranaut, one of the most cunning people that we have seen in recent times. So there's a reason why they're friends. Like attracts, like, well, no, I was not going to... Just, can I just come in quickly? Ye sirf Ramisa ka opinion hai, Kangana ke baare mein, not the channel. Hanji, continue. Hanji. Yeah, that's my personal view on Kangana again. Thanks for clarifying that, Andy. But yeah, so they have this, you know, you attract the kind of people you are, and that's what's happening in the show right now. So isiliye wo goat wala bhaiya abhi Ankita aur Vicky ke sath ek jut ho chuke hai. Khanzadi has become Ankita's pet, and I'm very surprised because Khanzadi is one of, again, a very rude woman in general. So mujhe, I was like, oh wow, this is now, we are having a clear, like, good versus evil jo group ho raha hai, that's forming very clearly. Ki udhar Ankita, Vicky, Khanzadi, those guys are Gotwala bhaiya, they're becoming one team. Aur aaj Karan Johar ne aake Munawar ko jo muh pe bola na ke tu boring hai, I loved it, because I think this is the reality check that Munawar needed for fact. And iske baad jo Munawar ko aaj, I won't say whitewashing, lekin Munawar ko jo आईना दिखाया गया ना कि तू जो ये अपना ग्रुप बना रहा है, तू एक नंबर का गधा है, गधा. I loved it, cuz क्योंकि I think after this it's gonna be a straight like good versus evil, but the problem is a lot of people don't like Munawar. So then from the audience point of view, it's gonna be again a very gray zone where a lot of people will be like pro Ankita while the showmakers are trying to make them look evil, and then Munawar ko wo log acche dikhane wale hai, lekin audience se backlash milega. So that's basically where I'm seeing this game heading. Abhishek ek number ka phaltu hai. Agar kisi se 50 rupaye ka overacting ka kaatna hai, usse 100 zyada mang lo koi. Kyunki ye, I laughed the entire time. I was like, bhai tu itna kyun overacting karta, aur kya baat baat mein apna shirt utar deta hai, are aisa kaisa, mujhe hame malum hai tune body banaya hai steroids veraj dal ke, lekin itna to nanga mat hoya kar. Okay, again another disclaimer, hame nahi pata ki usne steroids khaye hain ki nahi, and na hum uske upar comment karna chahenge. Thank you, continue. Okay. और फिर अभिषेक खुद भी कितना चुगलखोर है, लाइक ऑल ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट कि अभिषेक ने बोला था कि अरुण आप जाके उसको उठा लो, एंड इट स्टार्टेड आउट एज अ वेरी इनोसेंट थिंग वेयर अरुण डिडंट इवन इंटरैक्ट विद ईशा. अरुण ने वो संपत को बोला था कि अरे अपने बंदी को उठा ले, लेकिन इट वॉज लाइक सो ईशा वॉज लाइक ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर पीपल लाइक Isha gets over possessive, but that's like Isha is another conversation. Ek aakhri baat mujhe jo bolna hai ke when Kejo attacked Sana, right, ke tum ye feminist wagera,
I thought the point Kejo was going around was, how is it that, you know, this person has, you know, he's married to somebody and you're still going around flirting with him and all of that. I thought that was the point Kejo was going towards. Lekin ye ekdam ek baat mein unhone jazbaat badal diye, halat badal diye. I was like, this is the bashing that Vicky should get. So that's basically, like, I thought that was like an unexpected turn for me. But I really enjoyed today's episode. हम सब इतने शॉक में आ गए हैं कि अर्नब का चेहरा हमें देखने के लिए मिल गया है. वंडरफुल जी, वंडरफुल. उससे पहले कि हम कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू फोन, वी हैव टू सेकंड थिंग आईफोन, कब तक चलेगा पता नहीं. एमटीजी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मनारा इज नॉट अ सेंट बट शी हैज डिकोडेड अंकिताज गेम. टन टन टन. श्यामली मिश्रा, वेलकम बैक, हाउ आर यू. मनारा वाज अमेजिंग टुडे. अंकिता हैड इट कमिंग. सो मच एरोगेंस फॉर व्हाट. She made faces when Kejo spoke. Embarrassing. I get she's on the anti-Bollywood bandwagon, but as a side chick, not the main. Smile, wink. Thank you very much for that. Appreciate. No, you don't get to jawab. Arnav, aapko nahi wo pooch rahe the. It's just a statement. NSY, thank you for the super chat. I'm being neutral. I feel Ankita's reactions is humane, and Manara is serial trust and sense offender. Anyways, each to its own opinion, but this time truly feel I am right. Okay, thank you very much. Appreciate it. And Aparna ji, thank you for your super chat and for being a member. The way Manara talks in tasks and her expressions seem like she is always auditioning for a role. It's a little extra. Main oops main mean lead in Mean Girls 2. She could be Mean Girls 2. Why not? We could do an Indian version with her. But I think she's too old for that now, because Mean Girls is a college film, right? So I don't think she can do a college film. And she probably might not want to also. But anyway, moving on. Thank you again for all the super chats. I super appreciate everyone being here. Just another reminder, everybody. Hamara target tha, Hamza ko nahi wait karana hai. Toh matlab hame, abhi tak hame 287 kiye hain. Hum chauthe reviewer pe paas ja rahe hain. Aur abhi tak 400 ho jane chahiye the. We thode late ho rahe hain. इसका मतलब है जितना आप नहीं क्रिएट कराओगे बेचारे को वेट करना पड़ेगा. हमजा तुम्हें सुन रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे पास इतने फायरी पॉइंट्स हैं आज. फायरी पॉइंट सुनने के लिए आपको जल्दी ही लाइक करना पड़ेगा, तो प्लीज लाइक करें. उसके बाद अर्नव भी है, अर्नव के पास आई एम श्योर उससे भी ज्यादा बेहतरीन फायरी पॉइंट होंगे. ऐसे तीर होंगे जो सबको शन्नी कर देंगे. चलो देखते हैं क्या होता है, क्या लाइक्स होंगे. जितनी बैशिंग प्रोमो में दिखाई है उसके अलावा एक लाइन और नहीं बोली जाएगी. और उन्होंने तो वो भी गलत साबित कर दी, क्योंकि उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अरे मनारा, ये हम मुनव्वर के कॉन्टेक्स्ट में तो बातें नहीं कर रहे, आपको बता रहे कि आप सेल्फिश बनिए, आपको मुनव्वर चाहिए ना गेम में, तो आप सेल्फिश बनिए. अरे कितना सेल्फिश, वो एक के साथ बैठ के दूसरे दो दोस्त है उसके घर में. समृद्धि ने पॉइंट बोला था, उसके सारे दोस्त ने अंकिता ने चुरा लिए. एक तो इस घर में रूम शफल होते रहते हैं ये. आज अगर दिखे है इतना ज्यादा तहलका और अरुण, तो वो विक्की घर में गया है, उसने उनको जगाया थोड़ा, तो आजकल वो एक्टिव भी बहुत है. तो दोस्ती यारी तो इधर उधर बनती रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता. पहले जैसा सिस्टम है नहीं कि एक घर में सब लोग रह रहे हैं. पर मनारा करती क्या है, एक दोस्त बनाती है उसको दो दिन बाद छोड़ देती है, फिर दूसरा बनाती है उसको दो दिन बाद छोड़ देती है, अगला बनाएगी फिर छोड़ देगी, तो बाकी लोग फिर आ जाएंगे उसके साथ दोस्तियां करने, करेंगे ही. अब बंदा सिर्फ ये एक्सक्लूसिविटी तो नहीं है ना कि मनारा का दोस्त हूं, भाई मेरे पास टाइटल है, मैं सिर्फ मनारा का दोस्त हूं और किसी का नहीं बन सकता. तो वो मुनव्वर कर सकते हैं, क्योंकि मुनव्वर तो बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं वो कैरेक्टर जिसमें वो आए हैं. बट बाकी लोगों का तो ऐसा नहीं है ना. तो उनको बोला गया कि आप ना सेल्फिश बनिए मनारा, आप सेल्फिश नहीं, आप इतनी सेल्फलेस लग रही है ना मनारा, जब आप बैठ के मुनव्वर की बॉडी शेमिंग करती है, जब आप अंकिता की एज शेमिंग करती है, आप यूके के साथ बैठ के मुनव्वर की बुराई और मुनव्वर के साथ बैठ के यूके की बुराई करती है, आप बहुत सेल्फलेस लगती है, एकदम आस्था चैनल वाली फीलिंग आती है. तो आप थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, क्योंकि मीन गर्ल्स के लिए आपको कास्ट करना है हमने. तो उनको टीचिंग्स दी गई है बेसिकली आज. बैशिंग का तो कुछ भी नहीं बोला गया, उनको टीचिंग्स दी गई है उल्टा. करण जोहर कह रहे मुनव्वर के साथ जो ये हो रहा है ना, कि एक तरफ अंकिता एक तरफ मन्नारा, ये इनह्यूमन है.
करण जौहर आप तो इनह्यूमैनिटी की बात करिए ही मत, क्योंकि कल हमने आपका एपिसोड देखा था, इनह्यूमैनिटी क्या होती वो हमने कल देख लिया आपका, तो आप तो इनह्यूमैनिटी की बात, आपके मुंह से अच्छा भी नहीं लग रहा ये शब्द। उसके बाद मुनव्वर को बताया जा रहा है कि किसी को मनाना नहीं तुमने मुनव्वर, अब से तुमने किसी को मनाया ना तो फिर तुम्हारा हम बाहर निकाल के चेकअप करा लेंगे। मुनव्वर मतलब ये बताया गया उनको कि मुनव्वर आपने तो मनारा के साथ रहना है, क्योंकि आप जो मनारा के साथ रह रहे हो उसमें तो आप अच्छे दिख रहे हो। मुनव्वर को ये दिखाया गया कि आप तो अच्छे दिख रहे हो, मनारा थोड़ा बहुत इधर उधर जा रही है तो देखो हम मनारा को खींच के आपकी तरफ ला रहे हैं, आप यहाँ पे तो सही हो, लेकिन जो आप अंकिता के साथ बैठ के उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो आपने नहीं देना है। तो आप मुनव्वर को आज साफ साफ बताया गया कि मुनव्वर आप अंकिता से पूरी तरह कट लीजिए, आपने सिर्फ मनारा के साथ रहना है क्योंकि हमने आपकी गेम बिगाड़नी, तो मनारा के साथ रहोगे तभी तो लिखोगे तभी तुम्हारी गेम खराब होगी, तो वैसे रहना है तुमने। उसके बाद मन्नारा मैडम को जैसे बच्ची वर्ड से प्रॉब्लम हुआ था, एंडी मैं पहले बोल, थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्लीज आज थोड़ा सा लीवे दे देना। तो मुनव्वर आज मैं डू एज मच एज वी कैन डू, जब तक सब्र होगा तब तक करेंगे, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि यहां पे बहुत सारे एंड हमें बाद में डिस्कशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। बहुत हां ओके, तो कट कर देना जब आपको लगे तो। हाँ जी आप बोलते रहिए कट, ठीक आप नहीं एंडी बताएंगे। ये सांझ बड़ा को-होस्ट बना रहता है। हाँ सांझ म्यूट करो अपना माइक, ओके मेरे पास टाइम पार्शियलिटी है यहाँ पे। सीजी का बच्चा है क्यों इसके पीछे पड़े हो तुम लोग, सिर्फ मॉडरेटर अपना माइक ऑन रखेंगे बाकी सब बंद। एंडी मेरा टाइम खोटी हुआ ये नहीं माना जाएगा, मैं बोलना चाहती हूँ प्लीज। तो मन्नारा को जैसे बच्ची वर्ड से प्रॉब्लम हुआ था, आज उनको पजेसिव वर्ड से भी प्रॉब्लम हो गई है, पर वो उनको वो कैरेक्टरलेस बोल सकती हैं, उसके लिए वो सही वर्ड है, वो तो कितना अच्छा वर्ड है, पावन शब्द है वो, लेकिन आप पजेसिव नहीं बोल सकते, बच्ची नहीं बोल सकते आप किसी को ऐसे। तो मन्नारा की प्रॉब्लम्स है ये इनको दिक्कतें होती है, बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है उनकी। जो बैशिंग हुई है आज एक्चुअल में, जिसका तो प्रोमो क्या, जिसका तो टीजर बनाना चाहिए था करण जौहर की मूवी के लैंग्वेज में, तो उसकी वो तो आज अंकिता और विक्की की हुई है। विक्की की तो खैर बैशिंग नहीं होती, विक्की को तो बदनाम करा जाता है, उसको तो कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है उसका, बट अंकिता की आज बैशिंग हुई है जिस तरीके से उससे बात की गई, साफ पता चल रहा था कि करण जौहर को हैज किसी का इग्नोर है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशखबरी, आज मैं एक जूम लिंक शेयर करने वाला हूँ, जूम लिंक पे आज हमारी आफ्टर पार्टी होगी और वो हमारे मेंबर्स को मिलेगा चांस आने के लिए, और जूम पे तो आपको पता ही है वहां पे 100 लोग तक आ सकते हैं, तो अगर क्योंकि आज कल यू नो हमारे मेंबर्स बढ़ चुके हैं तो मुझे लगा कि सबको चांस कहीं ना कहीं हमें देना चाहिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके हमें, तो हम जूम लिंक मेंबर्स के क्या कहते हैं कम्युनिटी बोर्ड पे छोड़ेंगे, तो द जुबली इनवाइट विल बी देयर एंड इट विल बी अ जूम लिंक, तो वहां पे आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो तो एलेक्सा गर्ल अगर आप भी ज्वाइन करेंगी आई एम श्योर शी विल, क्योंकि शी इज अ सीरियल अटेंडर। अर्णव के मुंह दिखाई के सेलिब्रेशन होगा आज, वंडरफुल जी वंडरफुल। Harjot Kaur, thank you for being a member and super chat. I think the point with Sana was she always says Arun is rude with girls, so why she didn't point out other people or Vicky's action or words. Loved Kaja. I actually liked Kaja too, if I'm honest, because he did a really good job. Come on, guys, let's give Kaja a clap. He did a really good job. Matlab usko links to nahi aate karna, but that's a particular part of the job. Maybe he can outsource to somebody else. But the rest of it was excellent. You know, he was really good. NSY, again, thank you for super chat. Sensibility makes Ankita and Munna likable because they're real and ain't playing games. Munara is damaged kid with rosy exterior, but I am sure she can't dwell with anyone in real life if she behaves like this. Okay, thank you for your opinion. Appreciate it. Okay, continue. Follow me. Okay.
बिग बॉस ने एक्सपोज करे कि विक्की, अंकिता और यूके साथ में बैठते हैं रात को और मन्नारा को मैनेज करने की बात करते हैं। तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि मन्नारा को मैनेज करने की कोई बात हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट फर्म तो चला नहीं रखा उन्होंने, बट उन्होंने ये, अंकिता ने ये कहा था कि तू उसको संभाल लिया कर, क्योंकि अंकिता मेरे को ऐसा लगता है वो दिल में चाहती थी कि यूके और मन्नारा क्लोज फ्रेंड्स बने रहें ताकि मुनव्वर उसको मिल जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि अंकिता का ये थॉट प्रोसेस था, वो यूके और उसको साथ करना चाहती थी, इसलिए वो यूके को बोलती थी कि तू उसके साथ रहे वो तो चाहिए। मुझे लगता है अंकिता ने वहां पे कुछ गलत नहीं बोला, मैनेज वैनेज तो कोई बात हुई ही नहीं थी और विकी ने तो कुछ कहा भी नहीं था, बट वहां पे ऐसा बोला गया। मुझे ये बोलना पड़ेगा यार, ये थोड़ा दूर तक नहीं पर चल रहा ये, जैसे कि यू नो रात को बैठ के वो ये वो यूक नहीं करते, वैसे ही कभी अंकिता ने ये नहीं सोचा है या कहा है कि तुम उसके दोस्त बन जाओ ताकि मुझे वो नंबर मिल जाए, ऐसे हुआ नहीं। यू मेड दिस अप योरसेल्फ, दिस इज अ फुल योर ओन, हां तो मुझे ही लगता है, एंड हेलुसिनेशन, कि दिस नेवर हैपेंड इन द शो। मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता चाहती है कि मुनव्वर, ऐसा मुझे लगता है कि अंकिता शायद ऐसा सोच रही होगी कि यूके और मन्नारा अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं और मुनव्वर का पीछा छूटे तो उसको मिल जाए, शायद ऐसा चाह रही है वो। तो ऐसा मुझे लगता है एंडी, ऐसा सब दिखाया नहीं, ये सब थोड़ी दिखाएंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। बट वहां पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मन्नारा को मैनेज करना, ऐसी बात नहीं हुई थी, बट उसको ऐसा बोला गया है ना कि बात हुई थी। तो इन्होंने ये तीन चार लोग साथ बैठे थे वो बिग बॉस ने एक्सपोज कर दिया, जो कल रात को मुनव्वर बाबा बैठे थे अपनी पूरी भक्तजनों की वो लेकर, मंडली लेकर, जब वो बता रहे थे कि कौन कितने हफ्ते यहाँ टिकने वाला है, वो क्यों नहीं एक्सपोज करते बिग बॉस आप? जो ईशा, मन्नारा, समर्थ, अभिषेक बैठ के रात को सारी चुगलियां करते, वो क्यों नहीं एक्सपोज करते बिग बॉस आप? आपको सिर्फ विक्की अगर सांस भी ले ले, बिग बॉस का बस चले, बिग बॉस लाइव में विक्की की सांस काउंट भी दिखाता रहे, विक्की ने अभी चार सांस ले भी पांच कर दिए, अभी वो ब्रश कर रहा है, देखो वो ब्रश कैसे कर सकता है, ये भी गलत है। तो बिग बॉस का प्रॉब्लम है, कुछ तो पर्सनल है शायद, कुछ जानते वानते होंगे, बट कुछ तो दिक्कत है क्योंकि बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मन्नारा हाथ पकड़ सकती है मुनव्वर का, मुनव्वर इज अ कमिटेड पर्सन, ठीक है, मैरिड भी है, हैज अ किड, उसका हाथ पकड़ सकती मन्नारा, बट विक्की और सना ने प्लेफुली जो उंगलियां उनकी उलझ गई थी, अब तो बहुत दो, मतलब यू नो च्युइंगम इतने खींचो कि वो टूट गए और कपड़े खराब हो गए, ये तो यू नो आपका रिव्यू सरांखों पर, हाँ तो मेरा ज्यादा है खत्म, क्योंकि अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि कितने लाइक्स हुए हैं, 340 मैं नहीं मानती, 60 लाइक्स होने बाकी है, सारा वेट करना पड़ेगा, जमीन पे लेट जा रोल रोल कर, मैं नहीं मानूंगी, ये मुझे टोका है, ये तो गया गया, इसको मनारा मिल गया, यार लाइक कर दो, तो अभी देखो लाइक तो 47 मतलब 53 लाइक्स बाकी है गाइस, 53 जब तक मैं बोलूं बाकी है, कर दो और फिर हम आगे तो मैं भी बोलूंगी, तो फिर हम पोलोमी को फिर से चालू कर लेंगे, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, पोलोमी स्टार्टिंग 5-4 देखो किसने करने हैं, आ गए हैं कि नहीं, वी गॉट 48 लाइक्स लेफ्ट, 48 लाइक्स दे दो रे 48 लाइक्स दे दो रे यहाँ पे गाने की रिक्वेस्ट सारी बार बार जिन है, व्हाट यू सेड सर अर्णव, मेरा पेस्ट्री किधर है? यू नो समथिंग गाइस, ऑल द वे सून ट्रीज एंड व्हाटएवर यू वांट, बट नॉट राइट नाउ, सो थैंक्स, दैट मेक्स नो सेंस टू मी एंड आई डोंट केयर। Yeah, so what am I just saying? Let's go back to this. We've got Rinku ji ka. Look, yahan pe ji kehte hain, Andy, aapka smile remembered the song. Toh maine ek gana banaya hoga Anita madam ke liye, jab maine koi khana banaya hoga. Aur wahan pe, sach mein mujhe gana yaad nahi, par mujhe iske upar hansi aa rahi thi ke main aisa hi karta hoon. Main logon ke upar gaane banata hoon khane ka banane ke waqt. Toh that's what I was laughing at. Toh mujhe agar Rinku ke liye koi gana banana hoga, toh आज तो मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी वो घाघरे में, आई हैव टू सी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, आई वाज लाइक इसको तो सास बनाया जाए नेक्स्ट बड़े सीरियल में, क्योंकि आजकल तो ये सुधा चंद्रन का शो चल रहा है ना बच्ची के साथ, देखो रिव्यू बंद हो चुका है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया जितने करने चाहिए थे, अभी तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप हम हमजा के बेचारे को वेट करवाओ, आपकी को बोलने दो इतने जितने 40 लाइक बचे हैं, तो ये मेरा शो है तो मैं वो करूँ जो मुझे करना है, आई एम जस्ट आस्किंग, मैं ऐसा करूं या
समृद्धि व्हाट डू यू थिंक, आपसे पूछ रहा हूँ, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप मुझे माफ कीजिए, मैंने सोचा कि मैं माफ कीजिए, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो पोलमी को बोलने देते हैं, पोलमी आप बोलिए। ओके, तो मतलब विक्की की जो भी उंगलियां पकड़ने हाथ, चलो गलती होगी वो, लेकिन मनारा की उंगलियां पकड़ना भी फिर सही नहीं है ना, फिर अगर उंगलियां पकड़ना गलत है तो कमिटेड इंसान अगर विक्की है तो कमिटेड इंसान मुनव्वर भी है, तो उसकी भी उंगलियां ना पकड़ी जाए, फिर मनारा दूर रहे उनसे भी, बट ये सब कॉल आउट नहीं होगा क्योंकि वो मनारा चोपड़ा है। उसके बाद ये हाँ वही की मुझे मेरा फ्लो टूट गया आंटी, मेरे से हो नहीं रहा, ऐसे थोड़ा ना होता है, अब देखो जिसके हाथ बने जो भी है ये करण जौहर ये कह रहे हैं कि आप ना बोल के खेलो, बोल के बनाओ मंडली, तो उसको वो घर से सोच कर आया है कि मैंने ये मंडली बनानी है या यही कमरा मिलने वाला है मुझे, इसमें यही लोग होंगे और फिर मैं इनका मंडली बनाऊंगा, ऐसा सोच के तो नहीं आया ना, जैसा आप दे रहे हो सिचुएशन उस हिसाब से वो एक्ट कर रहा है, अभी तो वो मंडली भी नहीं बना रहा, अगर दो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक बंदा आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत कैसे है, आप बाकियों को बोलो ना यार कि हमसे हम आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपका कोई गेम नहीं दिख रहा, विक्की का तो गेम दिख रहा है, लेकिन आप उसको बोलोगे जो गेम खेल रहा है उसकी गेम की धज्जियां उड़ा दो आप, और कह रहे बोल के खेलो, मतलब कल अगर लोग चेस खेल रहे हैं तो पहले अपनी मूव बता दे कि भाई हम ये करने वाले, फिर हम खेले आगे, तो बिग बॉस ने तो अपने गेम टास्क ये सब उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, मुझे लगता है आज उन्होंने विक्की को लिटरली कैरेक्टर असैसिनेट किया है, जिस तरीके से चीजें बोली गई कि ये तो मतलब इस तरीके का बंदा है कि ये लड़कियों को ऐसी चीजें बोलता है, बेसिकली ये बताया गया वहां पे, उन सब बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं था, विक्की ने वहां पे ये स्टेटमेंट, आपको पता है हम कौन से सिचुएशन की बात करें, वो जहां पे विक्की ने वो वाली बात करी थी ना, वो तो ऐसे करके बिग बॉस बताना चाह रहे कि विक्की एक धीरे धीरे करके कि विक्की ने ये भी बोला, विक्की ने ये भी बोला, तो इस तरह से, तो आप एक मैं आई होप कि विक्की सीधा बिस्तर पकड़ ले अरुण के साथ और कुछ ना करे, ये दोनों कोई कंटेंट ना दे, तब से मैं वो देखना चाहती हूँ कि फिर कौन सा बिग बॉस, तो नील आपका फेवरेट स्टूडेंट है, नील को बना दो फिर विनर। इन्वेस्टमेंट वाली बात को लेकर मुझे अच्छा लगा कि अंकिता ने उस टाइम पे उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, उसको पता होगा कि विक्की कौन सी बातें कैसे बोलता है, क्या मीन कर रहा होगा, मैंने पहले भी बोला था ये उसका लिंगो होगा, वो एक बिजनेसमैन है, हमें नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, पर ईशा तो है ही चुगलखोर आंटी, चुगलखोर दीदी, वो सब जगह जाके चुगलियां लगा के आ जाती है, तो वो उन्होंने इस तरह से चुगलियां लगा दी, बिग बॉस ने सुन ली और कर दिया उसका बेड़ा गर्क। टास्क के नाम पे तो टास्क तो है ही नहीं, टास्क कुछ नहीं होता, टास्क में अगर वो टास्क में था, अगर विक्की टास्क में था तो सना भी टास्क में थी, सना उस टाइम पे मोर्चा उठा ले, नहीं तुमने ऐसी बात क्यों करी, तो वहां पे आप गलत मतलब आपने ऐसा टास्क देना और फिर उसमें लोगों के एक्शंस को फिर आप मॉरल पुलिसिंग करने लग जाते हो, तो आपके जो टास्क होते थे उसमें कोई मॉरल पुलिसिंग होती ही नहीं थी पहले, कि आप कुछ भी करो आपको टास्क जीतना है। एक और बात भी है कि ये सिलेक्टिव मॉरल पुलिसिंग होती है और जिसके ऊपर वो करना चाहते हैं, करेक्ट, वही सेम बात ना, जैसे मनारा उंगलियां पकड़े तो उसको नहीं बोला जाएगा, लेकिन विक्की ने उंगलियां पता नहीं कब पकड़ी थी, उसका अभी तक चले जा रहा है वो, तो वो उनका वही है कि हमको वही ना, विक्की सांस भी ले तो हमने उसको कॉल आउट करना है, लेकिन मनारा या ऐश्वर्या करे तो हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभिषेक मुझे लगा कि आज उसने बहुत ही ज्यादा कर दिया, मतलब लिटरली हंसी ही आ रही थी जिस तरीके से वो कर रहा था, पर मुझे लगा कि वो हाँ वो डर गया था, वो अपने उसमें आ गया था कि मैं जो कंटेंट इसमें से निकालना चाह रहा था वो कंटेंट नहीं निकला। और एक और चीज आज मैंने नोटिस की अभिषेक के बारे में, आप देखो उसको कितना गुस्सा आता है ना, हमने आज देखा जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उसका एक ही गुस्सा बहुत कंट्रोल्ड है, क्योंकि उसका हाथ कभी नहीं उठता है। जो अरुण था ना वो रियल था आज, उसका हाथ उठ जाता है जब बंदे को इतना गुस्सा आता है, हो जाता है लड़कों में स्पेशली, उनका हो जाता है यार, उनका मैस्कुलिनिटी जो भी फोर्स है उससे उनकी हो जाती है कि हाथ उठ जाए सीधे। वैसे अभिषेक कर रहा था ना वो टच ऐसे ऐसे करके मार रहा था, मुझे लगता वो किसी भी लड़के के लिए दूसरे लड़के से बहुत प्रोवोकिंग होता, पर अभिषेक बहुत चुपचाप बैठा है विद अ स्माइल, तो उसका जो गुस्सा है वो इतना कंट्रोल्ड है, वो ऐसा लगता वो कैलकुलेट करके आया है, वो प्योरली वो वाली चीजें कर रहा था कि हाँ वो हाथ फेक कहते हैं, ही इज अ फेकोजॉइड, यू कैन सी इट हाफ हाफ फार अवे, वो गुस्से में होगा ना, यू एब्सोल्युटली राइट, जो आप कह रहे बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो बंदा इतना कैलकुलेटेड है वो गुस्से में नहीं है,
गुस्से में जो होता है ना वो फारा जो फट जाता है बंदा वो अलग होता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए जो सनी और अरुण भी कहीं ना कहीं कंट्रोल थे, क्योंकि नहीं तो उसका तो क्या हशर करते नॉर्मली अगर वो पूरी तरह से पागल हो जाते, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लिसन आई एम गोना मूव ऑन नाउ बिकॉज़ आई नीड टू गेट टू रश्मि पांडे जो कह रही है मुनव्वर जो बिग बॉस बोलेगा वो मैं करेगा साहब जी। एंड दैट्स नॉट अ बैड गेम गाइस, वो बैड नहीं है मतलब अंडर द रेडर बट वो दूर तक जाएगा। बट आई थिंक एंड में आके ही लेट्स स्टार्ट डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। NSY, thank you for the super chat. If the super chat questions are just read and not discussed, then there's no point, right? I'm just asking like question, Andy. I like the discussion, but as chat, don't feel inclusive. You are, it's your show, your decision. Now, NSY, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो ये जो show हमारा चलता है, शायद किसी भी review अगर आप YouTube पे जाएंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा inclusive होता है audience के लिए, क्योंकि मैं इतने सारे comments जो होते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के एंड हमारे क्या कहते हैं मेंबर्स के, वो मैं दिखाता रहता हूँ ऑन स्क्रीन। ऑफ कोर्स आप जो सुपर चैट्स आते हैं मैं वो पढ़ता हूँ, ये हमारा चलता आया है एटलीस्ट 3 साल से मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर हम सारे पॉइंट्स जो सुपर चैट्स पे आएंगे अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो जो हमारे पॉइंट्स है यहाँ पे वो कभी पूरे नहीं होंगे और हमारा डिविएट हो जाएगा और वो टेंडेंस में हम चले जाएंगे और कभी भी हम एंड नहीं कर पाएंगे हमारा रिव्यू और हम अपने चुगली गैंग के पूरे डिस्कशन पे नहीं आ पाएंगे। एंड मैंने एक और भी एक चीज मैंने बनाई थी कि अगर आप अपने सुपर चैट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सुपर चैट्स डिस्कस हो तो प्लीज आप ऐसे करिए, दिस इज आई वुड लव टू डिस्कस देम बट मैं वो एंड पे करता हूँ। तो अगर आप सुपर चैट पे क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप क्वेश्चन लिखो और उसके नीचे फिर आप कुछ लिख दो और वो फिर मैं एंड ऑफ जब हम हमारे नेचुरल एंड पे आएंगे रिव्यू पे फिर मैं वहां पे आपका क्वेश्चन ले लूंगा और उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। आई होप दैट्स अ फेयर आंसर फॉर यू बिकॉज़ आई डू अप्रिशिएट सुपर चैट्स एंड अप्रिशिएट यू बीइंग हियर। गुरप्रीत कौर स्टार्टेड वॉचिंग डीबी एज अंकिता फैन बट शी इज कमिंग अक्रॉस रियली अनोइंग, शी इज नॉट अ लिसनर एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, शी वॉन्ट्स थिंग्स टू गो हर वे ओनली। Thank you for that. Appreciate that. I super appreciate all of you guys. And thank you for all the members. जिन्होंने subscribe किया है. Thank you for being a member and subscriber and all the likers. You guys are really making everything good. Because guys, honestly, जितना मुझे पता है कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि please like करो, पर मैं एक और बहुत बात बोलना चाहूंगा कि please do like, क्योंकि जितना भी आप like करेंगे उतनी हमारी reach बढ़ सकती है। YouTube जो algorithm है जो भी है वो लाइक्स देखते हैं और जितने लाइक्स हैं उतना ही उसको बढ़ावा देंगे और हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आई होप आप भी थोड़ी सी मेहनत अपनी उंगली से करवाएंगे और लाइक करेंगे ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और हम भी उन चैनलों में से आए जो आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आए। सो वी हैव द रीजन एंड द विल टू डू इट। आई होप यू कैन हेल्प अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर इवन बेटर। ओके गाइस Let's continue. Now we've got Hamza ki bari hai, par hamare paas do haath, teen haath kare hain. Aur Hamza, tumhe wait karna padega kyunki Sanj bolega, uske baad Arnav, uske baad Samriddhi. Arnav apna review nahi karega, apna point rakhega is waqt. Arnav, I know you sneaky. He'll do one point then go into a full review. I know. सांझ बताइए। ओके मुझे एंडी सर छोटे से पॉइंट पे बात करनी, जो रमी सर ने कंगना को लेके, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कंगना हो चाहे वो तापसी हो मुझे उनको लेके रिस्पेक्ट है। ये अलग बात है कि आप किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो राइट और लेफ्ट, एटलीस्ट उनमें स्पाइन है, वो बोलती हैं जो बोलना है। जो इस इंडस्ट्री में इतने लोग ये चुप करके बैठ जाते, बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं होती है, एटलीस्ट वो लड़कियों ने एक वो आपको क्या कहते हैं मतलब दिखाया है कि अपनी मतलब वॉइस कैसे रेज करनी है, रखनी है, प्लेटफॉर्म है वहां पे आप बोलो। बाकी जैसे सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ा के ना वो सिर्फ पिक्चर्स डालने के लिए मत करो, मतलब एंड लोगों को चीज एटलीस्ट वो पता चलती है। तो मुझे वो दोनों, ये अलग बात आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो राइट वो अलग चीज है, पर मुझे वो तापसी हो चाहे कंगना हो चाहे ऐसी कोई भी हो मुझे सब सही लगते हैं। एटलीस्ट कोई मतलब मेल एक्टर भी होगा ना कुछ भी होगा तो मुझे सब सही लगते हैं। तो अगर वो ये चीज कर रही है कंगना की कोई भी हिस्ट्री हो, और सबसे बड़ी चीज है एंडी इतनी उनकी हिस्ट्री रही, इवन की वो सलमान खान को कितना वो बोल चुकी है, अभी आई ना इसी सीजन में आके सलमान से उसने बात भी की, हग भी किया, शायद इसी में आई थी पता नहीं OTT2 में आई थी जो भी आई थी उसने आके सबसे हग भी किया, सबसे सही भी हुई, वो उनका प्रोफेशनल अलग चल रहा है, पर जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो कर रहे हैं, तो मुझे वो सही लगती है।
Thank you for that. Let's go to Arnav's point only. Thank you, Andy. Hello, everyone. Please like, share, subscribe. So I will first start with the self-proclaimed feminist Karan Johar. Karan Johar is such a wonderful feminist who said ki mere movie ek tha Ranbir, A Dil Hai Mushkil, usme Anushka Sharma ke character ko marna hi tha kyunki Anushka Sharma ke character ne Ranbir Kapoor ke character ko reject kiya. वो है उसका फेमिनिज्म. ये इतना बड़ा फेमिनिस्ट है करण जौहर जो बोलता है. मैंने तो फोन करके बोला था रानी मुखर्जी के हस्बैंड, आई फॉरगॉट हिज नेम सॉरी, कि अनुष्का को क्यों ले रहे हो मूवी में, वो तो दिखती भी अच्छी नहीं है, मेरी फेवरेट आलिया को ले लो. ये है उसका वो फेमिनिज्म. ये वही फेमिनिस्ट है जो अपने गाने में गॉड्स को वर्शिप करने वाले के लोगों को, राधा को भी सेक्सी बना देता है और उसके कमर के ऊपर फोकस करता है जैसे साउथ इंडियन मूवीज में फोकस करते हैं नेवल के ऊपर. ये है वंडरफुल पॉइंट, बट वी आर गोना कम बैक टू दीस पॉइंट्स. आई एम श्योर यू आर गोना start this point later on also, but we've got to go to Hamza because it's not fair on Hamza, it's Hamza's turn. And 400 ho gaya, jaldi aapke to 500 mein hi honga, aapka to 500 karayenge pehle, so you will also wait. Yeah, ha Samriddhi, ek point jaldi se. Ha ki wo Sana aur Vicky wala bar bar isliye bolte hain kyunki dekho unki itni close friend Ekta bhi aake bol ke gayi hai, to obviously koi underlying current hoga na ki jo logo ko dikh raha hai ya piche se unko dikh raha hoga show mein, jo shayad unhone screen pe zyada nahi dikhaya, तभी एकता से भी हिंट दिलवाया, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उसको हाईलाइट किया गया है. क्या हाईलाइट किया, क्या विक्की और सना वाली बात, वो पॉलिटिक्स की बात मैंने बोला. नो, वो तो फिर लोगों को बुरा लगा है ना कि वो, देखो यू नो गुड टच बैड टच, वी ऑल नो दैट. हाँ जी फॉलो मी, आपके पास हम बाद में आएंगे, अभी 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 आपने छोड़ा अपना रिव्यू ना, तो मुझे बेचारे हमजा को मुझे फील हो रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बट आई एम श्योर ही इज क्राइंग इनसाइड. सो वी हैव गॉट टू गो टू हिम. अभिषेक जैसे रो रहा है वो अंदर. यस. No. Word Dreamer says, member for 4 months. Congratulations. Thank you so much for that. Looked like Abhi was giving birth. All that screaming. Shayad usko kab jisa. Kya bata? It's possible. Hamza, bataiye aapke bamze mein ki kya, kitna dam hai? Kitna dam laga chillane mein? Kya usko, he was giving birth or was he giving a tatti? सबसे पहले मैं अपनी इंटरनेट से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज ना जाना क्योंकि आज इंटरनेट बड़ा इशू कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद मैं आज पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे करण जौहर आज जहर लगा है, जहर से भी बुरा लगा है, तो मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला है, सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन इतना भी कुछ नहीं निकलेगा. सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, करण जौहर जी आज आप बोल क्या रहे थे, आपके दिमाग में था क्या, भूसा था क्या, था आपको कुछ समझ नहीं आती क्या, बात क्या कर रहे हो, कहते आज आके पिछले बार मंडली थी, एमसी स्टैन और शिव को हमने इतना बैश किया इसलिए वो टॉप टू बन गए. सीरियसली, हम अपने जूते निकाल के अपने सरों पे मारे क्या करें हम, किस दिन तुम लोगों ने उनको बैश किया था, हमें वो दिन याद करवाओ, हमने वो एपिसोड ही नहीं देखी यार. पूरा हम सीजन 16 में रोते रहे, इनको भी कुछ कहो, एमसी स्टैन को भी कुछ बोलो, और कहता है हमने तो पूरा सीजन उसको बैश किया. आप तो कहते थे ये जो आपका घोंसले जैसे बाल है ना, ये खूबसूरत बाल, इसको भी प्रेज किया जाता था, तो कहते हैं हमने तो उनको इतना बैश किया था इसलिए वो टॉप टू बन गए थे. सीरियसली, हम कोई और बिग बॉस देखते रहे हैं? तुम पहले जाके ना अपने 3600 कैमरा चेक करो, जो तुम बोलते हो ना कि 3600 कैमराज हैं, 3600 कैमराज, लगता है उन 3600 कैमराज के आगे ना कुछ लगा हुआ है, कोई ना ऊपर वो अगला पीस नहीं उतार सके. उन 3600 कैमरा को चलाओ भी, उन 3600 कैमरा की फुटेज भी देखो, फिर आगे बात किया करो. फिर आज जो विकी जैन तो इनके लिए पता नहीं क्या है. एक तो मैं विकी जैन को भी सलूट करना चाहता हूँ, उसके हौसले को, उसके जर्फ को, अभी तक उसकी इतनी बिस्ती करते हैं, इतनी बिस्ती करते हैं, लेकिन अभी भी वो स्टैंड है. वो कहता करी जाओ बिस्ती, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जितनी बिस्ती करनी है करो, मैं भी इधर हूँ, देख लेते हैं फिर आज आप जीतते हो या मैं जीतता हूँ. आज हर पॉइंट लाया गया, इसने परसों ये किया, इसने एक हफ्ते पहले ये किया, इसने एक महीने पहले ये किया, तो एक महीने पहले क्या कर रहे थे तुम लोग, तुम लोग कोई मलोक खा रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे, हगने गए हुए थे, क्या कर रहे थे तुम, जब उसने ये चीज बोली थी तब तुम लोग कहाँ थे, क्यों नहीं तब स्टैंड लिया, तब जब ये सना वाला इशू हुआ था तब तुम लोग नींद की गोलियां खा के सो रहे थे, बोलते फिर कि ये देखो ये तुमने गलत किया है. आज क्योंकि विकी टारगेट था, क्योंकि एजेंडा विकी के खिलाफ चलाना था, विकी ने ये कर दिया, विकी वो करता है, विकी ये क्यों नहीं करता है, विकी कैसे कर सकता है, पर भाई आप भी थोड़ा सा अपने स्टैंड अप में रहो, अपनी बातों को तब बोलो जब चीजें हुई होती हैं. आपका सलमान खान ही बोलता था ना, तनीषा मुखर्जी जब आई थी
तो गौहर खान जब उसका पुराना पॉइंट उठाती थी तो कहता था चुप रहिए गौहर खान, ये परसों तरसों का पॉइंट है, रात गई बात गई, बातें छोड़ दीजिए, नए वक्त पर आइए, वो बात बीत गई तो आप भी आगे बढ़िए। आपकी गलती है ना जब आपने चीजों के ऊपर बहस नहीं किया, हमने कहा था ना बहस करो, करते तब बहस। फिर आज जी यूके राइडर अंकिता और विकी जैन को बोला गया, तुम तीनों मनारा के खिलाफ बातें कर रहे थे, मनारा को कौन मनाएगा, कौन उसको बुसलाएगा? तो अंकिता और विकी तो ये बोल सकते हैं ना, वो तो उसके कोई दोस्त नहीं है ना, गलत तो यहाँ पे यूके राइडर है ना जो अपने दोस्त के खिलाफ बैक बिचिंग कर रहे हैं। इसमें अंकिता और विकी जैन कैसे गलत है? क्या मनारा बैक बिचिंग नहीं करती अंकिता के खिलाफ? कभी नहीं उसने कुछ बोला अंकिता के खिलाफ, कैसे नहीं वो बोल सकती? वो अपना पॉइंट कैसे नहीं रख सकती? वो कुछ भी बोले, जब मनारा जी इतना कुछ बोल सकती हैं तो उसके पास भी राइट है कि वो कुछ भी बोले, तो उसके ऊपर रोका ना जाए। यहाँ पर अगर कोई गलत था तो वो यूके राइडर था। उसके बाद ये जो आज मनारा की हमें बैशिंग मिली, सच में ये बैशिंग थी? मेरे ख्याल में आज तक सलमान खान ने इतना उसको पैम्पर नहीं किया जितना करण करके गया है। सबसे ज्यादा जितनी आज खुश थी कभी वीकेंड के बार पे खुश नहीं हुई, जितना उस पे पैम्पर किया गया। और जोन से पॉइंट पे उसको बैशिंग मिली, सीरियसली वो कोई पॉइंटों में से पॉइंट था? ये तो कुछ भी नहीं था, इसके को पॉइंट तो पकड़ते, अगर पॉइंट रखना ही था, ये जो दोस्ती वाला पॉइंट था ये भी तो रख सकते थे ना, कि यूके राइडर आपका दोस्त मनवर जो है उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की चीजें जब उसने आपके साथ शेयर की, वो आपने जाके यूके को बताई और यूके ने आगे पूरे घर में नशर की, ये पॉइंट बनता था? ये बोलते उसको कि अपने दोस्त अगर तुम्हें कोई ट्रस्ट करके बातें बता रहा है उसको अपने तक रखो, उसको बिखराओ मत, उसको पूरे जमाने में नशर ना करो। इसके ऊपर बैशिंग करते तो हमें समझ भी आता कि सच में कोई बैशिंग चल रही है, किसी को कोई चीज बोली जा रही है, उसकी कोई सेंस भी बनती। ऐवें वो विकी जैन को और अंकिता को सुनाई जा रहे थे, आप यहाँ पे गलत हो, आप वहां पे गलत हो, गलत फिर सारे ही है, इनमें से कोई अच्छा अंडा नहीं है, सारे के सारे गंदे अंडे हैं, एक अंडे को सिर्फ गंदा ना कहा जाए। उसके बाद ये जो हमारा अभिषेक जी है, वो एक कमीज उतार के कौन सा इंसाफ मिलता है, कौन सा शर्ट उतार के इंसाफ मिलता है? मुझे उस अदालत का नाम चाहिए ताकि हम भी अपनी कमीजें उतारें और जाएं अदालत में, हमें भी इंसाफ दो। इस बंदे ने कहते हैं ना कि गिरगट को भी पीछे छोड़ दिया, इतने रंग एक मिनट में बदल जाता है। पहले रो रहा था मुझे इंसाफ दो, इंसाफ मिला तो रो रहा है मुझे इंसाफ ना दो। तुम करना और कहना क्या चाहते हो पहले हमें ये तो बताओ। पहले चीख चीख के, छाती पीट पीट के मुझे इंसाफ दो, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मुझे मारा गया है, मेरे साथ ये किया गया है। जब करण जौहर ने इंसाफ दे दिया, उसने कहा ये लो फिटे मुंह, ये तुम्हारा इंसाफ है, लेके यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर कहता है मुझे तो ये इंसाफ चाहिए नहीं, हर कैमराज के सामने प्लीज इसको वापिस बुला लो, प्लीज इसको वापिस बुला लो। करना क्या था तुम्हारा, मैं तो खुश हूँ, सीरियसली अच्छी दोस्ती थी खत्म होगी, ठीक है, तहलका ने खुद को खुद ही एलिमिनेट कर दिया, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। थैंक यू सो मच तहलका, आई लव यू, मैं तुम्हें अब फॉलो जरूर करूंगा। तुमने हमारे ऊपर थोड़ा ना वो किया है, क्या पता अभी अरुण कुछ कर ले। जो बिस्तर बॉयज का आज नाता टूटा है ना, तो वो बिस्तर बॉयज का एक बिस्तर बॉय रह गया, वो भी किसी तरीके निकल जाए, लेकिन यार कुछ कर ले। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम निकल गए, दोस्ती अच्छी थी, समझ आ गया, प्रेज कर लेंगे बाद में, लेकिन तुम दोनों ने सुस्ती की भी एक लिमिट पार कर दी है। सुस्त सुस्त रह के तो पूरा वो सुस्ती को भी बदनाम कर दिया है। आए बिग बॉस के घर में सो सो के उठते हैं तो विकी का वो गूटी पी लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। आज बोला फिर करण जी ने, करण जी कहते हैं पिछले हफ्ते भी तो सलमान खान बोलकर गए थे ना यही चीजें, तो क्या फर्क पड़ा? करण को फर्क पड़ा, 3600 कैमरा जाके चेक तो करो, क्या फर्क पड़ा? जो सलमान खान बोल के गया था ना, इसी बाबा से तुमने बूटियां लेनी है, वही हुआ और अभी भी ये होना है, देख लेना, इसी बाबा से सबने बूटियां लेनी है। तुम लोगों का कुछ नहीं इसका प्रॉफिट, ये सबके सब उल्लू हैं। आपको क्या लगता है कोई अभिषेक गेम खेलेगा? आपको क्या लगता है सना कोई गेम खेलेगी? ये नील ऐश्वर्या लोग कोई गेम खेलेंगे? इनकी कोई गेम नहीं है, ये नील की तो सिर्फ गेम है बस विकी से बदला लेना है, हमें सिर्फ बदला मिल जाए विकी से, और कुछ नहीं है इनकी गेम। तो ये भी जो एक हमारे दिमाग में ये चीज डाली गई थी। उसके बाद अभिषेक को भी बोला गया, कहते हैं जी अभिषेक आपका तो यही पैटर्न रहा है पहले दिन से, आप चढ़ते हो, लड़ाइयां करवाते हो, सब कुछ हो जाता है, आपकी गलती है। तो करण जी ये पिछले हफ्तों में क्यों नहीं बोलते थे? पिछले हफ्तों पे तो ईशा गलत थी, पिछले हफ्तों में तो ये मजनू मासूम था, ये आशिक मासूम था, सलमान तो तारीफे करता था इसकी, बेचारा अभिषेक, बेचारा अभिषेक,
अभी कहते हैं तुम तो पहले दिन से यही कर रहे हो, तो पहले दिन से इसको बताया क्यों नहीं, आज क्यों बताया? जिस दिन इसने ये हरकतें शुरू की थी, विकी बाबा के नारे तो हर रोज लगते हैं, हाय हाय विकी बाबा होता है, इसको क्यों नहीं कुछ बोला? इसी जीव को क्यों नहीं कुछ बोला गया? इस जानवर को क्यों नहीं बोला गया ये चीजें बंद करो? विकी को तो हर रोज बोल देते हो, इसको भी फिर कुछ बोलते? तो करण का मुझे लगा आज उसने जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया सिर्फ बकवास की, इन शॉर्ट ये मुझे आज बोलना था। वंडरफुल जी, वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि अभी हो गए हैं हमारे 440 लाइक्स, अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे 500 लाइक्स कर दें, ताकि जो हमारे अर्नव हैं उनको भी अच्छी तरह से हम सपोर्ट करें, क्योंकि अभी आने वाले हैं अंकिता के जो गुण, जो गाने वाले हैं वो अलग लेवल के होने वाले हैं, और अंकिता के जो फैंस हैं वो इतनी खूबसूरती से उनको नींद आ जाएगी रात को अगर ये भजन जो अंकिता का जो गाने वाले हैं, तो आप उनके लिए जरूर लाइक करना, जरूर लाइक करना, क्योंकि जितना भी आप लाइक करेंगे उतना ही हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड चलो लेट्स डू सम सुपर चैट्स राइट नाउ, लेट्स हैव अ लुक एट द सुपर चैट्स यू गाइस, थैंक यू अगेन एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग द चैनल, सुपर अप्रिशिएटेड। Here we go. Where are we? Okay, so we've got Word Dreamer. We already did this, but I think it's really funny, so I'm doing it again. NSY, thank you again for the super chat. It's ridiculous how people judge on right and left wing criteria. The show is just about who seems real and good. I guess BB has made people's judgments confused. I see people can't differentiate. It's true. I agree. Absolutely, I agree. करता हूँ कि लोग differentiate नहीं कर पाते. They can't tell the difference between good and bad. They can't tell the difference between who's real and who's faking it. There is a lot of problems. And it's really, I mean, people are not good actors. Is ghar ke andar to definitely acting to dur dur tak pata chal jati ki acting kare. Jaise Abhishek, aaj wo poore sama, he was acting. You could see it. He's not a good actor. I'm sorry to say it that way, but it's a fact. I didn't believe him for a second. Rashmi Pandey, thank you for super chat. Fake era holds Munawar's hand to be discussed on Weekend ka Vaar. टन टन टन, देखा जाएगा नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ डिस्कस होता है कि नहीं। सुयश श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, आई एम बीइंग अ मेंबर। अगर मुनव्वर का बेटा भी फैमिली वीक में आ गया और उसके साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे तो उसे भी मनारा को प्रॉब्लम हो जाएगा। इट्स पॉसिबल, आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। वर्ड ड्रीमर, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, आई एम बीइंग अ मेंबर। पीपल प्लीज डोंट इवन कंपेयर रेजीना विद मनारा। Regina was charismatic, intelligent, and a true leader. Unlike Manara, who is dumb, whiny brat, Vicky is somewhere close to Regina, Andy and Julian. Love, love. Word Dreamer, again, aapne bahut beautiful words hame likhe, and thank you for the super chat and being a member. Absolutely enjoy everything you say to us. Thank you again. Okay, so let's take some comments before we go to Arnav's explosive, amazing love sonnet for Ankita Devi. Okay, Aru, bataiye. हाँ जी आंटी, मुझे ये बोलना था कि जो आज ये स्पॉटलाइट का टास्क दिया था उसके अंदर सिर्फ 3 लोगों का ही दिखा मुझे, तो वो टास्क मैंने मिस किया कि उन लोगों ने सबका काट के उतना ही दिखाया? नहीं नहीं, उतना ही था, क्योंकि उन्होंने बाद में बोला भी था ना कि आज किसको नहीं किसी ने बोला, ये लोग टास्क ऐसे भी नहीं देते, और जो ये सड़े टास्क देते भी है ये भी पूरे दिखाते नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे? लड़ाई झगड़े ही देखते रहे क्या? I think so. आप देखते रहो definitely. संजी समृद्धि जल्दी बोलिए, आपको क्या बोलना है? ये जो पूरा घर अरुण को छोड़ के पूरा घर रो रहा था तहलका के जाने पे है, और इतनी अच्छी गेम थी उसकी, क्या गेम थी उसकी, कोई मुझे समझा दो। पूरा घर रहते जो दाड़े मार मार के रो रहा था, कोई गेम नहीं थी उसकी। ठीक है, पर मैं मुझे जहां से मुझे समझ में आया, लोग कह रहे थे कि जहां पे हम सुन सकते हैं उन्होंने एक दूसरे से क्या बोला, वो सबसे ज्यादा मुझे हंसाता था। ये एक एक आप कह सकते हैं एक थीम बन चुका था, सभी ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि आई थिंक शायद ऐसा ही है, उनका रिश्ता सबके साथ वो हंसाने वाला ही था, तो दे'ल मिस दैट। आई थिंक इस वजह से कोई जब जाता है ना वो उसके लिए नहीं रोता है, वो अपने लिए रोता है जो उन्होंने गवाया, एंड दैट्स क्वाइट क्लियर। एंड आज तो अगेन अभिषेक के बारे में बोलूंगा, उसने दो चीजें बोली हैं, मैं ही बुरा लगूंगा, मम्मी मैं इतना बुरा नहीं हूं, तो ये समझ में आ रहा है वो क्यों रो रहा था। He's crying for himself, he's a completely selfish, self-centered ass.
I'm going to call him an ass because he is an ass. It's the truth. Okay, let's go. Sanj, last word before we go to Arnav's review. ओके मुझे इसी पे बोलना है जब वो रो रहे थे एक आंसू नहीं था यार तहलका की आंखों में जबरदस्ती सब रोने लगे हुए थे तो वो ऐसा मतलब क्यों आपको ऐसा माहौल बनाना है और एंडी पता नहीं शायद ना लोगों ने यहाँ पे कमेंट में भी किया है कि तहलका के लिए बुरा फील हुआ यस आई एग्री बुरा फील होगा अगर बिग बॉस की पास्ट की हिस्ट्री देखोगे कि उमर का मतलब बिना धक्का मारे इवन प्रतीक ने तो पूछा भी नहीं था बिग बॉस से जाने के लिए फिर बिग बॉस ने निकाल दिया वो चीजें करने के बाद वहां पे ऑन अदर साइड करण कुंद्रा करता रहा उसको निकाला नहीं गया ऐसी हिस्ट्री रही है इस वजह से लोगों को लग रहा है पर एंडी पर अगर एक चीज देखो जिस वे में तहलका ने अभिषेक को पकड़ा या जिस तरीके से उसने हाथ लगाया मैं कहता हूँ कोई और कंटेस्टेंट होते क्योंकि अभिषेक तो हमें किसी को पसंद ही नहीं है ना अदरवाइज कोई और होता तो वो कितना मतलब बुरा होता उस टाइम पे फिर हम सभी कह रहे होते कि निकालो उसको तो उसी टाइम निकालना चाहिए था पर यहाँ भी एक मेकर्स की एंडी मुझे और गलती नजर आती है आप कह रहे हो कि हमने मल्टीपल वार्निंग्स दी थी कुछ नहीं आपने वार्निंग दी थी वो आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि उसने 12 बार वो चीज की तो आपको वो 13वीं बार पे आके याद आएगी अब हमें निकालना है क्यों क्योंकि अब उसका पागलपन शुरू हो गया आपका अभिषेक का या आपको ये लग रहा है कि हमारी रिंकू जी चले जाएंगी क्योंकि हमारे पास अभी 2 दिन का कंटेंट उसने दिया है अदर देन तो वो इतने दिनों से सोती रही थी तो मुझे ना एंडी ये चीजें इनकी बड़ी फिशिंग लगती हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच अभी आते हैं सुपरस्टार रिव्यूअर अर्णव रेड्डी थैंक यू एंडी सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि मेरे से जिनने पहले रिव्यू दिया था उनका रिव्यू चला था 7 मिनट्स 11 सेकंड्स तो उस हिसाब से मेरा रिव्यू भी चलेगा था एंडी कैन इंटरप्ट मी दैट नन ऑफ द अदर पैनलिस्ट शुड इंटरप्ट मी कि इतना लंबा रिव्यू क्यों जा रहा है देयर शुड बी इक्वालिटी राइट सो आई विल कंटिन्यू विद माय करण जौहर्स फेमिनिज्म का झंडा ही इज सच ए ग्रेट फेमिनिस्ट कि कुछ कुछ होता है मूवी में शाहरुख खान को काजोल तब तक पसंद नहीं आई जब तक काजोल ने साड़ी पहन के बास्केटबॉल खेलना शुरू नहीं किया जब तक काजोल टॉम्बॉय थी तब तक शाहरुख खान डिडंट इवन गिव हर ए सेकंड लुक तो फेमिनिज्म का झंडा से पहले जरा खुद का गिरेबान में झांकना चाहिए और ये वही करण जौहर है जिसके मूवीज में गे कैरेक्टर्स को सबसे ज्यादा मॉक किया जाता था वो कल हो ना हो में व्हाट वाज द डायलॉग सब कुछ नॉर्मल छे एज इफ एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल आर नॉट नॉर्मल तो यहां आके हिपोक्रेसी करने से पहले जरा खुद के चेहरे को आईने में झांक लेना चाहिए तो तुम क्या चाहते हो भाई तुम्हारे फेवरेट मुनावर के साथ अंकिता ने अगर बोला कि मैं फ्रेंडशिप नहीं करूंगी मुझे दूर रहना है क्योंकि मुझे वो ड्रामा नहीं चाहिए कि इसका फोकस क्योंकि वो फोता है मनारा वहां चिल्लाते रहती है कि तू तो अंकिता के पास जाता है उतना क्यों मनारा तो ये भी बोलती है कि क्या बोल रही थी वो अनुराग को तुझे शो से निकल जाना चाहिए क्योंकि तेरी फ्रेंड खानजा भी है ये है उसका लॉजिक शी इज लाइक मेरे दोस्त सिर्फ मेरे मेरे अपने सिर्फ मेरे कोई और नहीं इट्स हर पॉजिटिव नेचर आई विल गिव इट टू हर लेकिन ये क्या बात हुई भाई हाउ डेयर यू मुनावर से दूर जाने का आप सामने क्यों नहीं बोलते अरे वो उसकी मर्जी है वो बोलेगी नहीं बोलेगी तुम कौन होते हो भाई उसको लेक्चर देने वाले सामने से बोलो उसका अगर दोस्ती नहीं करना है मुनावर से तो नहीं करेगी क्या चाहते हो तुम कि वो अपने पति विकी को 100% छोड़ के वो भी मुनावर के जाके हाथ पकड़ ले और बाद में मुनावर के साथ लव एंगल करे ये चाहते हो क्या अपने फेवरेट जमाई बाबू मुनावर का गेम इंप्रेस करने के लिए टू शो हिम एज ए चिक मैग्नेट इन द शो यही चाहते हो ना कि देखो मनारा उसके पीछे भाग रही है देखो सना भी उसको लाइक कर रही है खानजादी भी उसको भाव देती है और अंकिता अपने पति को छोड़ के मुनावर के पीछे लट्टू हुए जा रही है ये नैरेटिव फैलाना चाहते हो क्या हाउ डेयर यू बी डिस्टेंस विद और चाहते क्या हो आई मीन डू यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि अंकिता और विकी का डिवोर्स हो जाए बिकॉज नाउ अंकिता इज नो लॉन्गर गोइंग बिहाइंड विकी अटेंशन दे बोल के ज्यादा नहीं कर रही एक हाथ क्या पकड़ा उसने सना का और सना का उसना 3 हफ्ते से चले जा रहा है हाथ पकड़ लिया और क्या है वो फेमिनिज्म के ऊपर के डायलॉग कांट ए गाय एंड ए गर्ल बी फ्रेंड्स त्रीसम नहीं करना चाहिए त्रीसम सब जगह ठीक नहीं है आई मीन व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ त्रीसम बेबी करण जौहर फॉरगॉट खुद का रोस्ट बनाते बनाते शायद वो भूल गया और यहाँ भी कैसे अंकिता आपके पति को विकी इतना बड़ा क्या विलन बन गया कि उसका ऐसे धज्जिया उड़ाया जाएगा हर वीकेंड के बारे में वो कुछ बात भी बोले तो उससे भी प्रॉब्लम वो किसी को जाके एडवाइस दे तो उससे भी प्रॉब्लम विकी तूने ऐसा कैसे बोल दिया सामने से बोलो स्ट्रेटेजाइज करते हो आपके फेवरेट मुनावर अगर विकी के साथ दोस्ती करे तो आपको प्रॉब्लम है लेकिन विकी अगर सांस भी ले उसमें भी आपको प्रॉब्लम है और झगड़ा यहाँ जब भी होता है तो झगड़ा यहाँ इंटेंशनली करते हैं लोग जैसे अभिषेक कुमार और बाकी लोग यहाँ अंकिता कभी इंटेंशनली जाके झगड़ा नहीं करती उसका
चार्म और बॉस लेडी मैं उसको इसीलिए बोलता हूँ कि आज जब ईशा ड्रामा कर रही थी अरुण के साथ, ये वो अरुण के करियर के ऊपर वो गई थी, तब सबके सामने उसका ढिंडोरा नहीं पीटा अंकिता ने, अलग से लेके जाके ईशा को बोला कि ईशा ऐसा नहीं बोलते, चाहे तो वो ढिंडोरा पीट सकती थी, उसका मुद्दा बना सकती थी। अगर वहां अंकिता एक्सपोज कर देती कि ईशा तू किसके करियर के ऊपर क्यों जा रही है, वो झगड़ा और बड़ा हो जाता, जो कि मनारा कर देती थी, जो कि मुनावर भी बाकी लोग भी कर देते थे, लेकिन अंकिता ने वो नहीं किया। उसी तरीके से अगर मैं और पॉइंट्स बोलूं, जब झगड़ा हो रहा था तहलका और अभिषेक का और इसका, वहां भी अंकिता जाके वेरी कामली रोक रही थी, बाकी लोग मजे लूट रहे थे, और जिसके लिए लड़ रहा था अभिषेक, द ग्रेट ईशा लेडी, द लव ट्रायंगल में स्टक अबला नारी, वो तो अच्छे से किचन में अपना काम किए जा रही थी, उसको तो कुछ नहीं हो रहा था ड्रामा, शी वाज लाइक चलो मुझे अटेंशन मिल गया, वैसे भी मेरा यूजलेस बॉयफ्रेंड जो मेरे लिए आया था उसको तो ज्यादा अट्रैक्शन अब अभिषेक से, मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद जब लगा चलो अब फुटेज का टाइम है, तब महारानी गई वहां बोलने के लिए कि ये ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे एक्स के लिए तुम्हें इतना प्यार है, तुमसे ज्यादा सेंस तो मैं बोलूंगा कि सना राइस खान में है, जो बोल रही थी दिस इज नॉट गोइंग गुड, दिस इज इट, तुम जो कभी अपने बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे सपोर्ट में आया था वो तो एकदम यूजलेस है, वो उसको नहीं, और तुम्हारा स्टैंड क्या है। एंड अनदर पॉइंट आई वांट टू से, इतना क्या बड़ा बुरा कर दिया अगर विकी ने बोला सना को कि डांस एंड सेड्यूस, और ये वही बिग बॉस है रहे जिसमें कई बार पोल डांस भी दिखाए जाते हैं, ये वही बिग बॉस है रहे जिसमें कंटेस्टेंट्स को फैशन वॉक करवाए जाते हैं लड़कियों को, और बोला जाता है लड़कों को कि रेट करो किसका वॉक किसका स्टाइल ज्यादा है, और उस हिसाब से टास्क का विनर करेंगे। तो ऑन द कैरेक्टर दिस दैट व्हाट रबिश इज दिस, तुमको अपने फेवरेट को विनर बनाना है लाइक आई हैव सेड, तो ट्रॉफी दे दो भाई, बिना मुद्दे के फेवरेटिज्म के तुमको उन लोगों को ही जलील करना है जो एटलीस्ट शो में एक्टिव है, जो लोग कुछ नहीं करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुनावर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, आई एम क्रिटिसाइजिंग बिग बॉस, उनको तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। एंड लोग इसमें भी प्रॉब्लम होंगे कि अरे अंकिता को कैसे एकता कपूर ने बोल दिया रिलेटेड टू हर पास्ट रिलेशनशिप, कैसे विकी जैन को एडवाइस दे दिया, तो मैं यही बोल दू कि वही एकता कपूर के शो को मुनावर जीता है, उसने शो में क्या किया है हम सबको याद है, लेकिन वो जीता है, तो यहाँ बायस नहीं है, यहाँ भी मेरा ही फैक्ट प्रूव होता है जो मैं बोलता हूँ दैट अंकिता रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज अंकिता हैज बीन थ्रू अ लॉट इन हर पास्ट रिलेशनशिप, दैट इज हर रियलिटी। अब नेक्स्ट लोग बोलेंगे कि अरे अंकिता भी तो घर जाने को बोल रही है, मैंने कमेंट देखा था, अब वो बॉस लेडी कैसे है, स्टिल शी रिमेन्स ए बॉस लेडी बिकॉज वहां भी वो अपने रियलिस्टिक नेचर दिखा रही है, उसको बुरा लग रहा है तो वो सामने से जाके बोल रही है, अपने पति को बोल रही है, सारे घर वाले को बुला बुला के रोना शुरू नहीं कर दे रही है, राइट। और यहाँ मनारा तो एकदम माइंड रीडर बन गई, उसको अंकिता के फेस देख के पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है, रिडिकुलस। एंड द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से अबाउट अंकिता इज, अगर अंकिता शो में चुप हो जाए ना, अगर वो कुछ ना करे, उसका पति चुप हो गया है तो ऑलरेडी लोग उसको टॉन दे रहे हैं जैसे मनारा की ये तो नहीं दिख रहा है, अगर अंकिता शो में चुप हो जाए ना तो तुम लोग ही हाथ जोड़ के उसके लिए स्पेशल स्पेशल टास्क बनाओगे कि अंकिता जरा काम करना, जरा कंटेंट देना शुरू कर दे, क्योंकि तू अगर बात नहीं करेगी, अपने मुद्दे फेस पे नहीं रखेगी तो बाकी कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी तो हाफ ज़ॉम्बी है, वो फुल ज़ॉम्बी बन जाएंगे। दैट इज इट फॉर द टाइम बीइंग। And yeah, one more point. Abhishek Kumar is an over actor. Mera bhi ek point hai. Is end ya is an? Is an over actor. Okay. An, it is an. Okay, so let's continue with the super chats. We got Somajit Paul in the house. Woo woo! The super Santa, and he is declaring bankruptcy. I'm so happy for him. Arnab, whose your insights are like a breath of fresh air, bring clarity and depth to every discussion. Remarkable wisdom. By the way, I declare bankruptcy. So stop asking him for memberships. So until next month, when he gets paid. Just saying. That's terrible. Here we go. Amit, thank you for super chat. National Trekking Group fully supported Abhishek. Please, sir, Naam, Lelo, Rahul, Alex, Hina, Kasman, Navin, Lelia. There you go. Done. Thank you so much. What National Trek fully support Abhishek? Why do you support them? But don't support him. Yeah, he's the wrong person. And wo kabhi koi trek truck pe nahi jaane wala. He's so unhealthy. He just looks healthy. There's a difference. Okay, mentally. So let's do this. Samriddhi, bataiye kya bolna hai aapko? Pehli baat to main Arnab ke liye taaliyan bajana chahta hu. Maine pehle hand raise kiya tha. Mujhe point hai. Mujhe dikhna nahi hai na aapka hand. अर्णव के लिए तालियां कि अर्णव ने 6 मिनट में खत्म कर दिया, सो अर्णव वेरी गुड। और दूसरी बात, यस, दूसरी बात, देखो मूवी
वो मूवीज है, वो फिक्शन होता है, हमें पता है, और ये रियलिटी है, तो मुझे थोड़ा कंपैरिजन ऑड लगा। हाँ जी, और हमसा ये जो कंपैरिजन की बात की है, टोटली एग्री विद अर्णव, सोच उसी बंदे की है जो यहाँ पर आके भाषण दे रहा है। उसके बाद करण जौहर ने जो आज एक पॉइंट रखा था, मैंने अपना एक पॉइंट मिस कर दिया। ये बंदा बोल रहा था विकी को, तुम ग्रुप बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे ग्रुप बना सकते हो, तुम लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकते हो, तो इसी को तो बच्चा जी गेम कहते हैं। आप किस पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, इसी को गेम कहते हैं। और आपको याद दिला दूं, जोन से यहाँ पे आके अपने डिस्क्लेमर दिए थे ना, मंडली को बैश करते थे, उस मंडली के जरिए ही आपने अंकित को बाहर निकाला था। जब अर्चना जी ने कहा था आओ बांध बैठाते हैं, तो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी विकी कर रहा है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ये मैंने बोलना था। हाँ जी, आरु बोलिए। हाँ जी आंटी, मुझे बस खाली ये चीज क्लैरिफाई करनी थी कि जो विकी बोल रहा था सना को उस टाइम पे, वो मुझे गलत टेस्ट में लगा, गंदे टेस्ट में लगा। एंड जहां तक बात है पोल डांसिंग की और रैंप वॉकिंग की, वो टास्क में वो लड़कियां अपनी तरफ से वो चीजें कर रही होती हैं, तो उसको गलत ट्विस्ट देने का कि वो पोल डांसिंग गलत है, पर आप अरे तू जैकेट उठा देना, उसको मसाज दे देना, इट वाज इन बैड टेस्ट, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ अर्णव जी बोलिए। यहाँ मैं यही पॉइंट बोलना चाहता हूँ, वो भी एक टास्क ही था जिसमें विक्की ने बोला था कि ये कर ले, और उसमें अगर सना रईस खान को प्रॉब्लम होती, दैट इज कॉल्ड ट्रू फेमिनिज्म, क्योंकि वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है सना रईस खान। वो तो बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह नहीं है जो पास में या इस सीजन में सबसे कौन चुप बैठता है, या परहैप्स इट्स मुनावर। मुनावर तो नहीं है कि वो चुप बैठेगी। वो तो अरुण जब धमका रहा था उसे कि अगर चले जाएगा बाहर तहलका तो देख तेरा क्या हाल होगा, उसने उसकी भी बचा दी। व्हेन शी फ्रीकिंग डजंट हैव ए प्रॉब्लम देन हाउ कैन करण जौहर हैव ए प्रॉब्लम इज माई ओनली थिंग, क्योंकि अगर उसको वहां एम्बेरसमेंट होता, कुछ होता, तो सना इमीडिएट वहां फट जाती। दैट वॉज जस्ट ए टास्क लाइक अदर टास्क रिलेटेड टू पोल डांसिंग फैशन शो। वहां भी फीमेल कंटेस्टेंट्स लाइक यू राइटली सेड अपने मर्जी से जाती है, यहाँ भी सना ने एग्री किया, डांस किया, जो भी किया अपनी मर्जी से किया, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। तो यहाँ करण जौहर लेक्चर देने वाले कोई नहीं होते, और यहाँ सना ठीक है जब वो अरुण के ऊपर चिल्लाती है, क्योंकि अरुण अपना लाइन क्रॉस करके जो चाहे वो बकवास किए जाता है, कभी कैरेक्टर के ऊपर चल जाता है, कभी लिपिक के ऊपर चल जाता है, जो चाहे वो बोलता है। सो बैश करना होता तो यहाँ अरुण को करते, लेकिन क्योंकि उसका बिस्तर बॉय इसको तोड़ने वाले हैं, बिस्तर बॉय बनाने वाले हैं, तो इसलिए अरुण का नहीं बोल के उसका पत्ता पूरा कटरा दिया सना के ऊपर। इट इज मोर लाइक सना को इसलिए बैश किया जाता है क्योंकि वो विकी के साथ क्लोज क्यों है, क्योंकि विकी का तो विलन बनाना है ना सीजन का, तो कोई उसके साथ क्लोज कहते हैं। क्लोज कैसे हैं, तो आई फील लाइक यहाँ पे हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये आखिर हो क्या रहा है, व्हाई बिग बॉस विकी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कर रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है कि अंकिता को आज तो मतलब उनको कहीं ना कहीं बैश करा गया, तो और मनारा का क्या प्लान है इस घर के अंदर, व्हाट आर दे डूइंग? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि मनारा कुछ गलत नहीं कर सकती, मुनव्वर को उन्होंने बेचारा दिखाना है, अंकिता को उन्होंने ओवर प्रोसेसिव एंड ओवर थिंकिंग और ओवर एक्टर एक्टिवेटर, और विकी को दिखाया है कि वो मास्टरमाइंड बनने की कोशिश कर रहा है नहीं कोशिश कर रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या है? एंडी सर मैंने बोलना है, एक सेकंड मुझे ना एक कुछ पूछ बताना है यहाँ पे। देखो अमित कह रहे हैं एंडी आपके टाइम कुशाल गलत था तो अभिषेक के टाइम पे तहलका सही कैसे? फर्क बहुत फर्क है इसमें, मैंने जाके उकसाया नहीं था किसी को, मैंने जाके कुशाल के मुंह के ऊपर जाके उसको ऊपर चार्ज नहीं किया था, मैंने बहुत बहुत अलग है सिचुएशन, इनफैक्ट इनका जमीन आसमान का फर्क है। वो बिना उकसाए हुए मेरे ऊपर चार्ज करके मुझे ऐसी जगह पे पकड़ा था जहां पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टरों के जरिए, और उसको पता था वहां पे इंजरी हुआ है मुझे, तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी नास्टी थिंग टू डू व्हेन ही न्यू दैट आई वाज इन पेन। फिर उसके बाद आपको ये भी याद नहीं है, या फिर आपको आपको बाहर नहीं दिखाया होगा, पर कुशाल टंडन ने चाकू लेके मुझे मारने की धमकी दी थी, और वो जो आर्ग्यूमेंट था, वो जो चिल्लम चिल्ली था, वो 5.5 घंटे तक चला था,
और उसके दौरान अरमान जो मुझे तब नहीं पसंद कर रहा था क्योंकि कुशाल ने आके उसके कान में फूंका था कि मैंने के उनके कुशाल ने बोला था कि अरमान के माँ बाप कह रहे हैं बाहर से, क्योंकि कुशाल उनको मिलने गया था जब वो बाहर निष्कासित हुआ था और वापस लेके आए थे उसको, उसने बोला था अरमान को कि उसके माँ बाप ने बोला है कि तुम एंडी से दूर रहो, जब हम बाहर आए हैं और अरमान क्या कहते हैं निष्कासित हुआ था घर से, उसको ये पता चला कि उसके दोनों माँ बाप मुझे इतना पसंद कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं वो मेरे साथ रहे, तो कुशाल आके उसने बहुत सारा गंद फैलाया था घर के अंदर जो बिल्कुल सरासर झूठ था, उसने झूठ भी फैलाया था, बाहर की खबरें झूठ आके बोली थी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी, चाकू मेरे मुंह पे आके लगाया था। सो आपको आधा सच पता है, आपको आधा नहीं पता है, यहाँ पे किसी को मारने की धमकी नहीं दी है, 5.5 घंटे का आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है, और जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है वो चुपचाप वहां बैठा रहा, मैं उठा नहीं, मैं कोने में बैठा रहा, ये बहुत फर्क है सिचुएशन में। तो एवरी टाइम जब भी किसी के ऊपर हाथापाई होती है तो मुझे ये पूछा जाता है ये तुम्हारे ऊपर हुआ था अब ये से तो कैसे अलग है, एंड इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है भाई। Thank you for asking the question. Appreciate it. We've got more questions to just go. Let's go for Lubna Chowdhury. Thank you for the thank you for being a member of 3 months. Super appreciate it. Hi, Andy and Julian. Hello, Lubna. Welcome back. Daljeet Dursan. Thank you for the Jupiter. I'm being a member and being the member of the highest order. Because aapka sabse highest membership hai. So thank you for that. I really appreciate it. I am with Arnav on Sana's point. Well said. Thank you so much. Appreciate it. चलो लेट्स गो। समृद्धि क्या बोलना चाहती है बताइए। एंडी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटेड है कि बिग बॉस चाहते थे कि मुनव्वर और अंकिता टॉप टू हो, सारी लाइमलाइट उन्हीं पे रहे, बाकी सब फिलर्स थे, मनारा को वो फेवर करते करते टॉप 5 तक ले जाते, बस उससे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट नहीं करना था, जैसे पूजा भट्ट को उन्होंने किया था, वो वही सीन था उनका। बट विकी आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो विकी को अंकिता का +1 बना के रखना चाहते थे पूरे टाइम, जैसे रूबीना का अभिनव था कि कॉन्स्टेंटली उसे इमोशनल सपोर्ट दे, यू नो, बस उसको जस्ट अ विंग अंडर हर, वो एयर अंडर हर विंग्स, विंड अंडर हर विंग्स, समथिंग लाइक दैट, है ना। बट विकी ने उसको पूरा टेक ओवर कर लिया, सारी लाइमलाइट विकी ले गया, तो बिग बॉस को इस चीज से प्रॉब्लम है, इसलिए विकी के पीछे ही पड़ चुके हैं, क्योंकि जो विकी कर रहा है वो चाहते थे अंकिता ये करे, वो लीड करे, वो सबको अपने पीछे लेके घूमे, बट वो विकी कर रहा है, तो अब बिग बॉस उसको जल्दी जल्दी निकालना चाहते, मतलब निकालना चाहते, गेम खत्म करके निकालना चाहते हैं, कर ही दिया खत्म। डिफरेंस ये है ये पॉइंट में कि उनको प्रॉब्लम इससे ज्यादा नहीं है कि व्हाई इज नॉट बीइंग अंडर द सपोर्ट ऑफ अंकिता, या अंकिता का जस्ट एक्स्ट्रा हैंड के तरह, जैसे रूबीना के सीजन में अभिनव वाज ग्लोरिफाइड एज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ हिज वाइफ, उससे कम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन लोगों को इनसे ज्यादा है कि ये मुनावर से ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे बना सकता है, ये सबको अपने हाथों में कैसे नचा सकता है। इसका जो झगड़ा हुआ था सना के साथ, सना को भी अपने साइड लेके आया, अभिषेक इसके साथ झगड़ा करके अभिषेक भी इसके साइड चले गया, ये कैसे लोगों को मेरे साइड अपने साइड में लेके आ सकता है इंस्टेड ऑफ मुनावर डूइंग दैट। तो इनको प्रॉब्लम ये है कि मास्टर माइंड का टैग जो मुनावर के लिए रिजर्व करके रखे थे ये लोग, जो उसने भी बोला था वीक 2 में, वो मास्टर माइंड का टैग विकी लेके जा रहा है। अब मास्टरमाइंड तब भी कोई बन सकता है जब उसके स्ट्रेटजीज रिवील ना हो। क्या विकास गुप्ता के स्ट्रेटजीज रिवील किए जाते थे वो शिल्पा शिंदे के सीजन में? नहीं किए जाते थे, वो किया जाता था। ऐसे कई सीजन में बिग बॉस OTT2 में भी जो रनर अप स्ट्रेटजीज बनाता था वो बिग बॉस कभी रिवील नहीं करता था सामने। लेकिन यहाँ अगर विकी किसी से जाके बोले भी कि हाँ तूने अभिषेक को चुप करवा दिया जैसे आज बोला, उससे भी बिग बॉस को प्रॉब्लम हो जाती है। सो विकी इज नॉट ए थ्रेट टू अंकिता'स पॉपुलैरिटी, विकी इज ए थ्रेट टू मुनावर्स मास्टरमाइंड टैगलाइन, इसीलिए उसको उतना टारगेट किया जाता है और उसको शो में विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि मुनावर उसको विलन ही सोच रहा है ना कि बाकी कंटेस्टेंट सोच रहे हैं, सो स्पून फीड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट सो दैट ही बिकम्स द विलन ऑफ द शो। हां जी बोलिए हमजा। टोटली डिसएग्री विद अर्णव, कोई भी ये जो अंकिता का ही खतरा है, अंकिता को हम चाहे माने या ना माने, पहले दिन से एक स्पोर्ट है जो अंकिता के लिए ही है, जो सिर्फ अंकिता को ही दी जाती है, वो पहले दिन से है, वो अभी से नहीं है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी मिलते हैं। तो प्रॉब्लम ही यही थी कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ में अंकिता का तो ब्रेन नजर ही नहीं आता था, जिस तरह लोग कह देते हैं ना कि शी इज अ बॉस लेडी, वो बॉस लेडी तो थी नहीं, उसके पास अपना ब्रेन ही नहीं था।
हालांकि वो खुद बोलती थी ये चीजें, मुझे अपना हस्बैंड चाहिए गेम खेलने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो यहां से बिग बॉस को प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि कैसे विकी अपनी वाइफ से ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो उनको ये नहीं चाहिए मुनव्वर वर्सेस विकी, उनको चाहिए अंकिता। तो विकी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से आगे निकल रहा था, इसलिए बार बार इवन तो अंकिता को भी बोला जाता था, आप क्यों नहीं दिख रही, आपका शोर ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। और उसकी बीवी को भी विकी के खिलाफ भड़काया जाता था, जो भड़कती भी थी, जो हमने पिछले वीकेंड्स में देखा है। ये मैंने बोलना था। मुझे अर्णव का पॉइंट थोड़ा सा सही लग रहा है जब मैं सोच रही हूँ तो, क्योंकि आप देखो लास्ट वीक से पहले तक ना ये था कि अंकिता का गेम इतना अच्छा नहीं था तो अंकिता को के लिए शायद विकी को कर रहे थे। बट अभी तो ऐसा लास्ट वीक तो अंकिता ने पूरा रूल किया, पूरा हफ्ता उसने ही चलाया। अंकिता ने हर जगह लड़ाइयां, कभी नील को कंटेंट देना, कभी मनारा से लड़ना, उसका पूरा फुटेज गया है। अच्छा प्रॉपर उसने रूल किया, तो अभी भी क्यों विकी को बजा रहे? क्योंकि मुनव्वर को तो एक इन्होंने वो दे दिया है एक और चीज की ना, आप तो मतलब एक संत टाइप के इंसान बन गए ना, मतलब उनको तो बहुत अच्छाइयां, बेचारे तरसाए हुए दो दोस्तों के बीच में बहुत बेचारा टाइप दिखा रहे, और उसकी अच्छाइयां भी दिखा रहे कि देखो कितना अच्छा है, मनारा तुम ऐसी ऐसी करती हो फिर भी मुनव्वर तुम्हारे पास आता है, वो कितना अच्छा है। तो उसको तो बहुत अच्छा वाला दिखा रहे, पर उसको ये भी दिखाया था कि मुनव्वर और विक्की इन दोनों लोगों ने ही प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, तो स्ट्रेटेजाइज ये दोनों कर रहे थे। तो बेसिकली मुनव्वर को ऐसा दिखाना चाह रहे कि ही इज द मैन विद ब्रेन्स एंड ऑल्सो विद हार्ट, तो वो सही बंदा है, उसके पास जाओ, उसकी मंडली में घुसो। लेकिन विकी तो पूरा ही गंदा बंदा, वो तो अपने बीवी का भी नहीं, वो तो किसी का नहीं, तो उसकी मंडली में मत जाओ, आप मुनव्वर की मंडली में जाओ, वहां पे आप अच्छे लगोगे, इससे मुनव्वर का गेम स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन मुनव्वर के फैंस को मतलब मैं अपनी बात करूंगी, मुझे पसंद नहीं आ रहा कि मुनव्वर मनारा के चक्करों में और ये जो चुप चुप के खेलने वाली गेम में रह गया, जबकि उसके पास उसका एक कंपटीशन उसको सामने सामने दिख रहा है कि विक्की को अगर ना दबाया जाए वो बहुत आगे कर सकता है। तो वो बन सकता था कि मैं विक्की के साथ ही खेलूंगा और फिर उसको बुरा दिखा दूंगा या मैं अच्छा बन जाऊंगा, वैसे गेम खेलना तो भी अच्छा लगता। बट अभी जो वो कर रहा है ना उससे वो बहुत वीक लग रहा है। एक तो बिग बॉस की सारी स्ट्रेटेजीज में वो है, वो घर वालों को भी ऐसा दिखा रहा है कि विक्की के साथ मैं पिस गया, वरना मैं तो इतना कुछ बोलता भी नहीं था, उसने ये बोला भी है स्टेटमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर को अच्छा दिखाना भी चाहते बिग बॉस, वो तो कर ही रहे, और उसको वो भी दिखाना चाहते कि इसमें ब्रेन्स भी है, तो अगर आपको शो जीतना, अगर आपको आगे तक जाना है तो मुनव्वर की मंडली में घुसिए। थैंक यू। एंडी मैं बस पोलमी से ये बोलना चाहूंगी कि मुनव्वर अच्छा है, दिखाने की उसको जरूरत पड़ नहीं रही है क्योंकि वो अच्छा निकल के आ रहा है। जो लोग उसको पसंद नहीं भी करते थे बिगनिंग ऑफ द सीजन के अंदर, वो लोगों ने स्टिल देख के मुनव्वर का वो बोला है कि नहीं वो बंदा फालतू के लड़ाइयों में नहीं पड़ रहा, तो लोग उसके साथ वैसे भी जाने चाहिए। और विकी के अंदर कोई हार्ट नहीं है, ये भी फैक्ट है। वो किसी से यहाँ पे आप मेरे को एक जन बता दो जिसके साथ उसका एक्चुअली प्योर रिश्ता है विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव या विदाउट एनी कोई उसका फायदा हो जिस चीज के अंदर। वो अगर अभिषेक के पास भी जाएगा तो भी उसका फायदा होगा उस चीज में, अगर वो समर्थ को भड़का भी रहा है ईशा के खिलाफ तो भी उसका फायदा उस चीज के अंदर। तो वो पूरे घर में ऑपरेट ही इस तरीके से कर रहा है जो निकल के आ रहा है, एटलीस्ट मुझे तो दिख रहा है। I'm watching the promo and जहाँ पे अंकिता रो रही है, मुझे घर जाने विकी, वो लड़की cool लगती है, वो लड़की तुम जो सिप सिप कर रही हो ना यहाँ पे, सिप सिप मत करो। Oh, it's wonderful. अच्छा एक दो different reason doesn't get to speak. But I had my hands up before everybody else and you never came. Is it true? Is it true? Yeah. Though? Is it true? Sarmidhi, फिर तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? अगर तुम इतनी ही अच्छी दोस्त थी रमीसा की तो मुझे बोल सकती थी, पर तुमने नहीं किया। ये गलती जो मैंने की तुम्हारी है असलियत। मुझे निकाल दो बाहर। ओके, मैं आप लोगों का टाइम लेके पॉइंट बोल देता हूँ फिर। नहीं बोलना, हमने मेरा भी एक पॉइंट है। अभी बोले समसा, मेरा पॉइंट मेरा भी एक पॉइंट है। काउंटर में दूंगा या और एक काउंटर लूंगा। मेरा हाथ सबसे पहले, समृद्धि से पहले मेरा हाथ को ले ले, पॉइंट बोल ले। मेरा पॉइंट ये है, मैं समृद्ध, मेरे दो तीन पॉइंट है। एक क्योंकि मुझे क्लेरिफाई करने का तो मौका नहीं मिला, एक जो पहले दफा
सांझ तू जो मेरे को वो पॉलिटिक्स लेके बोला आई जस्ट अरे होगी बात खत्म करना आगे बढ़ो आई डोंट लाइक हर cuz शी इज स्टूपिड आई हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग आई कंप्लीटली एग्री विद समृद्धि व्हेन शी सेड कि ये विकी को फिलर की तरह लेके आए थे एंड नाउ ही इज ओवररूलिंग द गेम लेकिन ये बिग बॉस पिछले दो तीन चार सीजन से जो कर रहा है ना इंटरफेयर कर करके वो विशाल कोटियान के साथ भी यही किया था कि एवरी टाइम देयर इज समवन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले द गेम हु इज नॉट देयर फेवरेट हु इज द नॉट द मेकर्स फेवरेट मेकर्स आके उधर उन लोगों का गेम खोल देता है वही ये लोग विकी के साथ इस बारी कर रहा है तो आई थिंक विकी नीड्स टू स्टार्ट playing a sneakier game if he wants to stay on the show. Thank you very much for those points. Let's go to Sanj. मुझे एंडी सिर्फ आरू वाली बात को लेके बोला सॉरी मुझे नहीं लगता अगर मुनव्वर आज इस टाइम तक अगर वो जीत भी जाता है ना तो वो एक अनदर स्टैन विनर होगा जो कि बिना कुछ किए एक विनर बन जाएगा रीजन बिहाइंड एंडी बिकॉज ठीक है आपने अपनी पर्सनैलिटी को बाकियों से अच्छा कैरी किया हुआ अब तक क्योंकि आप किसी मुद्दे में घुस ही नहीं रहे हो जब आप किसी चीज में पढ़ ही नहीं रहे हो आपकी रियल साइड ही नहीं दिख रही है ना अब आप वो कर क्या रहे हो फिर लोग यहाँ पे कहते भी उसने अपनी ग्रोथ दिखाई इम्प्रूवमेंट दिखाई है पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो कह रहा है कि भाई मैंने वहां गेम खेली थी अब मैं वैसा नहीं खेलूंगा मैं यहाँ पे डिफरेंट खेलूंगा पर पर्सनैलिटी तो सेम रहती है ना आपकी तो उसमें थोड़ी ग्रोथ होती है पर आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो करने से अगर कुछ तो पता चले मेरा प्रॉब्लम क्या है अंडी आप क्या कहते हैं सही में नहीं बोल रहे हो ना ठीक है आपका प्रॉब्लम क्या है हाँ ठीक है सही में आप नहीं बोल रहे ओके चल रहा है पर जब आपके सामने गलत हो रहा है तब भी कुछ नहीं बोल रहे फिर तो आपकी पर्सनैलिटी सही नहीं ना लगेगी तो वो बात हो रही है मुनव्वर को लेके कि एंडी वो कुछ कर नहीं रहा है पर हमें उसको शाइन कर रहा है मैंने तो इसलिए बोला था मेरा तो सरकैज़म चल रहा था उसको लेके कि वो कुछ नहीं कर रहा सब पागलों में मुझे वो थोड़ा डंका लग रहा है इस वजह से पसंद है पर एक्चुअल में उसकी कोई गेम नहीं है और वो विनर बनेगा सेकंड स्टैंड होगा इस टाइम पे मेरे लिए थैंक यू एंडी तो मैं यहाँ मेरे फर्स्ट जो रिव्यूअर थे हमसा जी उनसे के पॉइंट से कम्प्लीटली डिसएग्री करते हो आई मीन आई अंडरस्टैंड यू डिसलाइक अंकिता लेकिन फेक नैरेटिव फैलाओगे तो उसका आंसर तो आपको मिलेगा बहुत अच्छे से मिलेगा आपने जो बोला अंकिता में अकल नहीं है वो डम नहीं है मुझे लगता है अंकिता में बहुत ज्यादा अकल है और उसको पता है कि अब मनारा का गेम ही है अंकिता अंकिता करके उसके पास से फुटेज लेना इसीलिए वो नहीं बनना चाहती है शी डजंट वांट टू क्रिएट ए फेक फ्रेंडशिप ट्रायंगल और लव ट्रायंगल विद मुनव्वर इसलिए वो साइड हट जाती है दैट इज कॉल्ड बीइंग ब्रेव एंड बीइंग इंटेलिजेंट अगर वो बेवकूफ होती तो वो मुनव्वर को बोलती मुनव्वर देखना विकी मुझे छोड़ के चले गया मेरा पति नहीं है मेरा दोस्त हुई है तू मुझे सपोर्ट कर तू मनारा को क्यों सपोर्ट कर रहा है वो होती बेवकूफी जो अंकिता ने की नहीं कभी और एक फैक्ट यहाँ ये है जो बाकी सब बोल रहे थे कि विकी को नैस्टी है ये क्या नैस्टीनेस उसने किया भाई किसके साथ दोस्ती नहीं निभाई उसने पूरे दो हफ्ते से खानजादी को इंसल्ट किए जा रहे हैं लोग नील भर से शुरू होकर सब लोग अगर वो इतना ही क्रूयल होता तो वो भी बाकी सबके साथ मंडली बना के विकी के ऊपर सॉरी विकी जैन खानजादी के ऊपर चढ़ सकता था और अगर वो चढ़ता तो जो उसके जो चमचिया है शो में जैसे ईशा वो लोग भी बोलते अरे विकी भाई आप तो ऑसम हो आप सच्चाई का साथ दे रहे हो क्या विकी ने वो किया क्या यूज हुआ उसको अंकिता को सपोर्ट करके वीकेंड में उसको पता भी है वैसे भी इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे बैशिंग भी मिलेगी मुझे इंसल्ट ही करेंगे जो कि फिर से किया उन लोगों ने तो उसमें वो गुर्दा है वो हिम्मत है कि अगर उसको कुछ ठीक लगे वो सपोर्ट करता है और अगर सामने से उसको कोई फेक लगे जैसे अभिषेक फेक लगता है बाकी सब वो करता है स्ट्रेटेजाइजिंग इट्स नॉट रॉन्ग हियर बिग बॉस इज रॉन्ग जिनको दो कंटेस्टेंट्स इस वक्त हजम नहीं हो रहे कंटेस्टेंट नंबर वन इज अंकिता बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग ऑन द फीट ऑफ मुनव्वर कंटेस्टेंट नंबर टू is Ankita's husband Vicky who is again not falling on the feet of Munawar. Munawar ke chamche banao Big Boss ka wahi nara hai Munawar chamche banao. तुम अगर चमचे नहीं बनाओगे तुम मास्टरमाइंड नहीं बनोगे तो कैसे होगा सो हियर आई फील सैड फॉर मुनव्वर की अगर बंदा अपनी अच्छाई दिखाना चाहता है she wants to show that he is not cunning and manipulative. बिग बॉस को वो हजम नहीं होगा इसीलिए तो आज एकता कपूर से भी बुलवा दिया कि मुनव्वर आप लॉकअप के बाद हमें लगा था आपका लेवल राइज होगा लेकिन आप तो बोरिंग बन गए अगर वो चुप है तो उसे चुप रहने दो भाई अगर उसने डिसाइड किया कि इस सीजन में मैं नैस्टी नहीं बनूंगा तो मत बनने दो उसको नैस्टी लेकिन नहीं नैस्टी मुनव्वर को बन के एनिमीज बना के हीरो इमर्ज होके बाकियों को विलन दिखाने जिताना है ऐसा ही है तो
कर दो भाई, उसको ट्रॉफी दे दो. यू डोंट हैव टू शेम अदर कंटेस्टेंट्स सो शेमलेसली टू मेक योर फेवरेट विन व्हेन योर फेवरेट इज एक्चुअली बीइंग काइंड इन दिस सीजन. थैंक यू फॉर दैट. एंड सर मेरा जवाब है इस पे, इसने कब हाथ उठाया? आई डोंट नो, सो आई जस्ट डोंट नो. एंड मुझे लगता है कि सब इसका कैमरा ऑफ है, उसको लास्ट में जाएंगे. एंडी हाउ इज दैट? जवाब देना बहुत जरूरी. जवाब दीजिए. सबसे पहले मैंने सांझ को जवाब देना जो आरू को बोल रहे थे. आरू ने कोई उसकी शाइनिंग गेम की तो बात की ही नहीं थी, उसने सिर्फ बोला था कि जो मनवर हैं वो अच्छे हैं, उसको कोई अच्छा बनाया नहीं जा रहा, वो अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा दिख रहा है. ठीक है, तो उसने कोई उसकी गेम की शाइनिंग की तो बात की ही नहीं थी. उसके बाद मेरे जो साथ जोरदार बैठे हुए हैं, जो मेरे मित्र हैं, अर्णव जी, जब आपकी बॉस लेडी, आपके लफ्जों में आपकी बॉस लेडी को बोला जाता है ये करो ऐसा मत करो, तुम पागल दिख रही हो, तुम सही नहीं दिख रही, तब तो आपने कभी नहीं बोला. जब आपकी बॉस लेडी को बोला जाता है, जब मान खान बोल अंकिता जी अपनी गेम खेले, तब तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. आज मुनव्वो सिर्फ ये बोल दिया गया कि यू आर बोरिंग, ये कोई उसकी तारीफ नहीं थी, उसको सीधा टोंट मारा गया, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम कैसे होगी, मुझे तो ये नहीं समझ आती. वहां पर उसकी को गेम को प्रेज नहीं किया जा रहा, उसको बताया जा रहा था कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, आप जो अच्छी गेम खेल कर रहे हो इस बार तो आपकी कोई गेम ही नहीं है. तो कोई उधर आके एकता जी ने कोई की नहीं तारीफ, अगर की है तो अंकिता जी की है. तो बॉस लेडी की हर गलती आपको सही से लग जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता. बाद आपने बोला कि मुझे अंकिता पसंद नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं, ये आपकी अंकिता खुद बोल चुकी है कि मेरे पास दिमाग नहीं है. नहीं उसने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं तुझे क्यों लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ये गेम ही नहीं खेलनी आती, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं आता, इसलिए मैं लेकर आई ताकि तू मेरी गेम खेले. ठीक है, और तब आप कहते हैं तो वो तो रियल है, उसका दिल सच्चा है. आपका पॉइंट, थैंक यू आपका पॉइंट. अभी समृद्धि के पास चलेंगे क्योंकि मुझे ऑर्डर का कुछ ही पता नहीं है. अर्णव जी, आपकी अंकिता ने ही बोला था, मैं विक्की को इसलिए लाई थी, अपने प्लस वन की तरह लाई थी कि तू मुझे बस यहाँ पे पीछे से सपोर्ट करता रहेगा, ना कि तू मेरे गेम खेलेगा. और दूसरी चीज, आपकी अंकिता जी को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है बिग बॉस से, सबसे ज्यादा अपलिफ्ट उसी को करा जाता है, हर वीक कुछ ना कुछ किया जाता है कि जिससे उसको अपलिफ्ट किया जाए. जो एकता जी आई थी ना, वो अंकिता जी की बहुत अच्छी दोस्त है, वो अंकिता जी के लिए ही, मेरे को फील हुआ कि अंकिता जी को अपलिफ्ट करने के लिए आई थी, उसने अंकिता को कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली आज. तो ये तो बिल्कुल गलत है कि आप कह रहे हो कि मुनव्वर को इससे फेवरेटिज्म हो रहा है. नहीं, सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो अंकिता को हो रहा है, सबको दिख रहा है. थैंक यू. हां जी अर्णव बोलिए. यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स अंकिता ने बोला कि मैं विकी तेरे को लाई हूँ, तू मेरा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि मैं तेरे तरह स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकती, तू स्ट्रेटेजाइज कर 100%, आई नेवर डिनाइड दैट. लेकिन उसके बाद से कई हफ्ते उसने विकी को रिक्वेस्ट किया, विकी ने घंटा भी ज्यादा भाव नहीं दिया, अलग हो गया. अब अलग हो जाने के बाद वो तो अपना गेम खेल रही है, राइट. और आज पूरे एपिसोड में जब बनारा को थोड़ा बहुत बैश किया गया था, बाकी सब कंटेस्टेंट्स भी हंस रहे थे खिकी खिकी, लेकिन वहां अंकिता नहीं हंस रही थी. लेकिन जब अंकिता को बैश किया जा रहा था, मनारा के मुंह से एकदम खुशियों की लड्डू फूट रही थी. सो बॉस लेडी बिहेवियर इज अनदर बिहेवियर इन विच दूसरों की मिजरी के ऊपर या दूसरों को मजाक बनाया जाता है तो खुद से एंजॉयमेंट ना किया जाए. दैट शोज अंकिता एक्चुअली हैज अ ह्यूमन साइड. जवाब सांझ देगा. मुझे तो सिर्फ अर्णव, आपने जवाब ही नहीं दिया यार. हमसे का सिंपल क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म किसको किया जा रहा है, और सभी नंबर को, दैट इज द स्टैंडर्ड जवाब. बस यही जवाब की जरूरत है. मुझे आरू को बोलना था कि आरू आप कह रहे हो कि मुनव्वर को अच्छा दिखाएं, मुनव्वर अच्छा है, मुनव्वर अच्छा होगा अपनी जिंदगी में, बहुत बेचारा होगा अपनी जिंदगी में, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे फर्क पड़ रहा है कि बिग बॉस उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त. बिग बॉस उसको, जैसे अभिषेक इतना वो बंदा है वायलेंट और इतना गुस्से वाला बंदा है, उसको बिग बॉस कैसा बेचारा दिखा देते ईशा के केस में, तो वैसे ही मुनव्वर को अभी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे विक्की को कैरेक्टरलेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही मुनव्वर को तरसाया हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वो देखना नहीं चाहते हम लोग,
वो पॉइंट था। दूसरी बात कि होलियर देन दाव बोला गया ना आज अंकिता को, तो मुनव्वर नहीं लगता आपको होलियर देन दाव? हर जगह छाता लेके पहुंच जाता है मनारा के आंसू पोंछने या किसी के किसी को सॉरिया बोलते हुए, जो कि आज करण जौहर ने भी खुद बोला है कि आप सॉरिया मत बोलो, एक्सप्लेनेशन मत दो, तो वो कर रहा है ना, तो वो नहीं आपको लगता कि वो बड़ा संत बनने की कोशिश कर रहा है? और विक्की की जो बात हो रही है कि वो दोस्तियां नहीं करता, निभाता नहीं, आज आप देख लो वो बंदा पूरे शो में इतनी उसकी बजाएगी, कभी नहीं रोया वो, एक अपनी माँ के आने पे रोया था और एक आज रोया तहलका के जाने पे। तो दोस्ती आज उसने बोला भी था, घर में आप रहते हो पूरा टाइम नहीं हो सकता यार, गेमिंग प्लॉटिंग, बंदा बात करेगा चार बंदों से, बात करते किसी के साथ रिश्ते निभ जाते। अभिषेक के साथ उसने निभाई थी जब तक अभिषेक ने नहीं तोड़ा, अंकिता के साथ वो खड़ा रहता है चाहे लाख लड़ाइयां हो, खानजादी के साथ वो अपनी बीवी के साथ खड़ा रहा है आज तक, यूके के साथ भी खड़ा रहा है वो। जो जिन बंदों की आप बातें करो वो बंदे खुद कह रहे कि हम इस घर में विक्की की वजह से है, उसने हमारा स्टैंड लिया इतने टाइम तक, तो उसकी दोस्तियां आपको दिखानी नहीं है, वो आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन वो दोस्तियां तो निभा रहा है। जो बंदा इतना गेम लॉजिकल रहता है, वो बंदा भी आज आंसू बहा रहा था, और वो आपकी मन्नारा जो कि सबसे घर में रिश्ते बनाती फिर रही है, वो ताने मार रही थी अरुण को, जब अरुण ने उसको जवाब भी दिया उल्टा, वो भी बहुत सही जवाब दिया वहां पे कि तू मत बोल यहाँ पे, तेरा कुछ नहीं बनता बोलने का। मैं जस्ट पॉलेमी को होलियर देन दाउ का मतलब समझाना चाहती हूँ। होलियर देन दाउ वो होता है जब आप ऐसे एक्ट करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है। तो मनारा को अगर वो मनाने जाता है या लोगों को सॉरी बोल देता है, तो वो कहीं से भी होलियर देन दाउ की कैटेगरी में आता नहीं। पॉलेमी तो आपने शायद गलत वर्ड यूज किया है। और दूसरी बात मेरी ये है कि विक्की मुझे गलत इंसान लगता है, उसने अपनी बीवी के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करी है नेशनल टेलीविजन के ऊपर, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज अगर उसकी दो हफ्ते से, मैंने खुद बोला है कि विक्की की गेम एक्सपोज कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं विक्की को बड़ा भाई कोई संत आदमी है, वो उसने बड़े अच्छे से बात करी है और वो किस तरह से लोगों से जाके किस तरह की दोस्ती कर रहा है वो बिल्कुल समझ आता है। जैसे कोई इंसान कहीं से अपने ग्रुप से एलिनेट होता है जहां पे उनकी लड़ाई होती है, वहां पे जाके विक्की और अंकिता प्रेजेंट हो जाते हैं कि अरे भाई हम आ गए तुम्हारा साथ देने के लिए, बहुत ही एविडेंट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। एंड सर मेरा भी छोटा है, बोलेगी तो आपको पसंद नहीं है वो आपका, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं कह रही हूँ बिग बॉस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या दिखाना चाहते, किसको कैसा दिखाना चाहते, मैं उस पर बात कर रही हूँ। मुझे विक्की का दिखता है कि हाँ वो बंदा गेम खेलने की कोशिश करता है, अगर आपको गेम खेलना है इस घर में जबकि आप एक नोन फेस नहीं हो तो आपको एक ग्रुप लेके चलना पड़ेगा, तो वो तो मुनव्वर की भी गेम थी ना लॉकअप में, वो ग्रुप लेके चला था, तो हमने उसको तब भी पसंद किया था क्योंकि उसकी गेम थी एक अपनी, अभी वो कुछ कर ही नहीं रहा है यार, किस बात पे सपोर्ट करे उसको? विक्की गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वो हर बार उसको हर वीकेंड के बार पे बैशिंग मिलती इतनी बुरी वाली, बिग बॉस चलते फिरते ताना मारते लेकिन फिर भी अगले दिन वो खड़ा होता है यार, मैं करूं कैसे बंदे की रिस्पेक्ट? मुझे सही लगता है एक आधी बार अपनी बीवी पे चिल्लाने से बंदा खराब नहीं होता। जी मेरे को ये बात बोलने बोले मैं आपको कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को लॉकअप और इसको कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। लॉकअप का गेम का फॉर्मेट ही ये था कि राइट और लेफ्ट वो पूरी जो साइड थी ब्लू और रेड वाली, उसका साइड का ही गेम था पूरा कि आपको अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना है। तो वहां पे हम बोले कि अरे वहां तो उसने ग्रुप बनाया था, यहाँ पे ग्रुप नहीं बना रहा, यहाँ पे वो सबके साथ अगर सही से रह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस वो बंदा एक बार भी नॉमिनेट नहीं हुआ, उसका सबसे अच्छे तरीके से वो इक्वेशंस बना के चल रहा है, सब लोग उसको एक्चुअली पसंद करते हैं घर के अंदर, तो मुझे समझ नहीं आता ये गलत गेम कैसे कोई खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब राजा के लोग फिर नहीं रहा, मुझे कैंडी पता नहीं, ये मेरा भी एक पॉइंट फॉर्मेट तो याद है अच्छे से, ये कि लोकम में क्या फॉर्मेट था, ये घर का फॉर्मेट आप कब से भूल गए कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखने पड़ेंगे। सलमान खुद कहता है आप बाहर की दुनिया में मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी आर्गुमेंट्स करो, कभी भी लड़ाई करो, पर इस घर में जब आते हो यहाँ पे आपके सामने अच्छी बुरी चीजें हो तो वहां पे आप अपने पीओवी रखो। तो मुनव्वर कहाँ रखता है, वो तो सिर्फ एक बेचारा बन के बैठा हुआ कि ये लड़की मेरे लिए लड़ रही है, ये लड़की मेरे लिए लड़ रही है, और यही उसकी पुरानी गेम थी और यही वो अब कर रहा है, तो गेम में कोई फर्क नहीं आया है, ये मत कहो। अब रही बात ग्रुप बनने की, मुनव्वर अपने मुंह से नहीं कभी भी बोला था, पहले भी नहीं वो एक्सेप्ट करता था, अभी भी नहीं करता, और सो फार अब तक अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी देखनी है ना तो मैडम आप भूल गए होगे, जैसे आपने बोला ना मेरे दिमाग से नहीं जाती विक्की की बातें, तो आपको मुनव्वर की बातें कहाँ से चलेगी? शुरू के दो वीक में तो वो लड़कियों पर चढ़ रहा था, लड़कों पर तो उसने आगे चढ़ा।
लॉकअप और इस गेम को कंपेयर इस सेंस में कर रहे, गेम वाइज नहीं कंपेयर कर रहे, पर्सनालिटी की बात हो रही है, वो बंदा वहां पे क्या पर्सनालिटी थी और यहाँ पे क्या पर्सनालिटी लेकर आया। अगर वो कह ही रहा है कि मुझे नहीं करनी अपनी वो वाली गेम, नहीं दिखानी, तो मतलब आप कुछ और दिखाने की कोशिश करो। आप मेकर्स जैसा आपको दिखाना चाहते हो वैसे ही उसी हिसाब से चलना चाहते हो, तो फिर हम कैसे बोले कि आप मास्टर माइंड हो? जब मेकर्स के हिसाब से मेकर्स की दीवी स्क्रिप्ट लेके अगर आप चल रहे हो तो मैं कैसे बोलूँ कि आप मास्टर माइंड हो? तो उस हिसाब से बोले उसकी पर्सनालिटी कैसे स्विच हो गई है, उस वो वाली पर्सनालिटी हमें पसंद आई थी, ये नहीं आ रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अरु के पास जाएंगे, फिर अर्नब के पास आएंगे। हाँ जी एंडी, ये मतलब मुनावर को मास्टरमाइंड कैसे बोलूं? मुनावर तो बोल नहीं रहा मुझे मास्टरमाइंड बोलो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतने हेलबेंट क्यों हैं उसको मास्टरमाइंड ही सिद्ध करने के लिए। जो इंसान जैसा इस टाइम पे शो पे दिख रहा है मैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज को हम देख क्यों नहीं पा रहे भैया कि वो नहीं है, वो सेम चीज वो नहीं कर रहा, मतलब मास्टरमाइंड वाला गेम वो नहीं खेल रहा है। एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, ये बात मैं 2 हफ्ते पहले तक बोल रही थी कि भैया मुनावर का गेम मुझे नहीं दिख रहा, बट मैंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं गलत देख रही हूँ। जो इंसान जिस टाइम पे वो टीवी पे है वो मुझे तो दिखाना चाह रहा है, मैं वो देख रही हूँ और मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप अगर कर सकते हैं तो नहीं कर लीजिए, वरना तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पॉइंट ये है कि मास्टरमाइंड रिलेटेड वर्ड्स बिग बॉस बार बार बोलता है। वीकेंड के बारे में सलमान खान था जिसने वो बोला था कि मास्टरमाइंड का अगर देखा जाए तो विकी ऊपर आप नीचे, तो बिग बॉस वो नैरेटिव स्प्रेड करना चाह रहा है और यहाँ मुनावर सेफ गेम प्ले कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ वेदर ही हैज रियली चेंज्ड और नॉट दैट वी कैनॉट गेस, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि जैसे उसको ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। इतना क्यों आज होने के बाद जब पूरा अंकिता रिलेटेड हुआ तब जाके जब रिंकू बोल रहा, रिंकू धवन बोल उसके मुंह के ऊपर कि मुझे तुझे चपार मारने का मन कर रहा है क्योंकि तू अंकिता के साथ दोस्त है, ये मुनावर ने वहां भी रिएक्ट नहीं किया। सो हाउ ट्रू कैन दिस बी? पहले तो उसको कुछ भी बोल दो उसका फटना शुरू हो जाता है, अब ही इज प्लेइंग ए सुपर सेफ गेम, दैट्स अ फैक्ट, नो वन कैन डिनाई इट। थैंक यू फॉर दैट। मेरा पॉइंट अनिशा, हम सबसे पहले जस्ट रिमाइंडर टू एवरीबॉडी क्विकली लाइक द स्ट्रीम प्लीज, अगर आपने ऑलरेडी नहीं लाइक किया है प्लीज हेल्प अस आउट एंड प्लीज लाइक द स्ट्रीम। हां हमजा, सबसे पहले जो अर्नब ने अभी बोला कि सलमान खान मास्टरमाइंड बोले, तो सलमान खान तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो जो कुछ बोलता है वो सच तो होता नहीं है। कोई अर्नब के वो क्या कहते हैं मुनव्वर किसी भी एंगल से मास्टरमाइंड तो है ही नहीं है। सिंपल एक सादी सी उसकी गेम है, गेम तो उसकी है ही नहीं है और यहाँ पे कोई गेम बन सकती भी नहीं है। जो बंदा गेम खेलता है उसको बैशिंग मिलती है और उसकी गेम की धज्जियां उड़ा दी जाती है। दूसरा मुझे पोलोमी से डिसएग्रीमेंट रखना था, जो अभिषेक और मुनव्वर को एक कैटेगरी में रख दिया गया। जी अभिषेक को भी तो वो मासूम दिखाते थे, अभिषेक मासूम नहीं था और लगता था। मुनव्वर ने कुछ ऐसा बुरा किया ही नहीं है, उसको मासूम दिखा वो तो है ही, वो सही ना, उसने कुछ गलत बोला ही है। अभिषेक तो गलत करता था, उसको मासूम दिखाते थे, मुनव्वर को कोई मासूम नहीं दिखा रहे, वो खुद ही रियल है, ये मैंने बोलना था। थैंक यू। हां जी पोलोमी, यार मैंने ये बोला है कि बिग बॉस क्या दिखाना चाहते हैं वो देखो, हर एक कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस एक एक इमेज सेट कर रहे हैं कि ये बंदा देखो ऐसा है, वो बंदा वैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मुनव्वर यहाँ पे इतना सावित्री नहीं है, मुनव्वर ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है लेकिन आप देखो वो बीच में से निकल गया ना, उसने सारा बिल विक्की पे फाड़ दिया कि विक्की के साथ वो गेहूं के साथ में अभी पिस गया फालतू में, उसने सारा बिल विक्की पे फाड़ा है क्योंकि बिग वो देख रहा है कि बिग बॉस तो विक्की के पीछे पड़े हुए हैं, सलमान भी पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं भी इसी के ऊपर डाल देता हूं और निकल लेता हूं पतली गली से। वो जो पतली गली से निकलने वाली गेम हो रही है उसकी, जो वो नॉमिनेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस फ्रंट फुट की गेम ही नहीं है उसकी, अंकिता भी आगे फ्रंट फुट पे, भाई तू कब आएगा? थैंक यू। हां जी अरु, एंडी मुझे अब और कुछ नहीं बोलना, मैं ये टॉपिक खत्म कर रही हूँ अपनी तरफ से। मुझे हां जी आप बोलिए फिर मैं हमता। ओके ओके, ये जो फ्रंट अभी तो पहले तो कहा जाता है कि मुनव्वर की गेम ही नहीं है, अभी कहा जा रहा है उसकी बैक फुट की गेम है। तो अगर बैक फुट की गेम है, फ्रंट फुट की गेम है, तो रहने वो सेव और प्रॉफिट मिलना तो मिलेगा, चाहे वो बैक की खेले या फ्रंट की खेले, वो उसकी मर्जी है। विकी फ्रंट पे आके, विकी की कौन सी फ्रंट की गेम है भाई? वो पीछे बैठ के चुगली ही लगाता है, वो भी पीछे बैठ के लड़ाई ही लगाता है, उस फ्रंट फुट की है नहीं है वो, तो बिग बॉस उसको बैश कर करके फ्रंट फुट की उसकी नहीं है, उसकी तो सबसे ज्यादा की गेम थी, ये मुझे बोलना था। एंड मुझे इसका रिप्लाई देना दो प्लीज। अच्छा सांझ दे दो। हाँ प्लीज हमजा, देखो मैं ना तुम्हारे साथ हमेशा हर बात में ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ, पर ना मैं 2 दिन से आपकी एक चीज नोटिस कर रहा हूँ,
आपको ना यूके में हजार खामियां दिखती हैं, वहां पे आप ना उसकी गेम देखते हो ना आपको उसकी पर्सनैलिटी देखते हो, ठीक है। सेम साइड आप खानजादी को लेके उसी टाइम पे बहुत आपको वो बुरा फील हो रहा होता है जब वो सेम शो में जहाँ पे यूके के साथ भी वही कुत्ते खानी हुई है वही खानजादी के साथ हुई है, पर आपको बुरा लगता है सर खानजादी को लेके, यूके को नहीं लेके लगता। अब जब हम मुनव्वर और विक्की की बात करते हैं सेम पेज पे गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक को कहते हैं कि वो गेम क्यों ऐसी खेल रहे हैं, वो वैसी क्यों खेल रहे हैं, पर ऑन अदर साइड आप मुनव्वर को कहते हैं नहीं उसको गेम नहीं खेलने तो वो नहीं ऐसी नहीं तो वो वैसी नहीं, ये आप मत करो, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर गेम के हिसाब से देना फिर सबको गेम के हिसाब से देखो, अगर आपको सबको पर्सनैलिटी के हिसाब से देना फिर पर्सनैलिटी के हिसाब से देखो, आप अपने हिसाब से ये चीज चेंज कर देते हो ना ये सही नहीं है। देखा जाए मेरे सिचुएशन में अगर किसी के साथ लड़ाई थी तो वो गौहर के साथ थी, ये कुशाल के साथ नहीं थी। Rashmi Pandey, thank you for being a member. Problem is Vicky is overshining Munavar. Ankita is anyway playing a very good game. Munna ka support system khud BB hai. Bahar se lane ki jarurat nahi. Thank you for that. I think bahut sare hamare jo yahan pe hain pasand kar rahe hain. Amit again, thank you for that. UK 07 Arun Tahelka fake YouTuber friend and Munavar and Abhishek real friend. I think that's a joke of the century. अभिषेक तो रील ही नहीं है तो किसी का रील फ्रेंड कैसे बनेगा? I mean really. Thank you very much again. Super appreciate it. हाँ जी, let's go back, Hamza. Yes, सबसे पहले सांझ को जवाब देना है। आप मेरी बातों को खुद से ही मोल्ड और ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले यूके राइडर की अगर बात की जाए, यूके राइडर का खुद का तमाशा है, वो खुद तमाशे लगाता है, सारे ड्रामे खुद के होते हैं। मुझे बाहर जाना है, सेना का तो कभी किसी ने नाम ही नहीं लिया था, इस बंदे ने ब्रो सेना के भी कुत्तों खाने खुद करवाई है, किसी ने नहीं करवाई। खान के लिए मैं स्टैंड, मैं खुद जब वो नाटक करती है मैं बोलता हूँ गलत जा रही। यू वो क्या कहते हैं खानजादी का, सिर्फ मैंने तब पॉइंट लिया था कि सलमान खान के सामने उसने झूठ बोला, फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्टें नहीं कराई, लेकिन अब वो बोल रही है और बाहर YouTube पर वीडियो भी है कि उसको सच में बीमारी थी, तो प्लीज इतना सा क्लियर कर दिया जाए कि उसको बीमारी है, ताकि जो लोग घर में उस बीमारी को लेकर मजाक बना रहे हैं वो इस चीज को बंद करें। यूके का और खानजादी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, यूके तो सिर्फ नाटक करता है, ड्रामे करता है, और मुनव्वर मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे किसी भी एंगल से कोई इतना शाइनिंग स्टार लगता नहीं है। लेकिन जब अर्णव बार 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 एक चीज ही बोलते हैं जी मुनव्वर को तो ये मिल गया, मुनव्वर को तो वो मिल गया, तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुनव्वर को ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा, ये मुझे बोलना था। थैंक यू लेकर सांच। हमजा सॉरी, आपने ना शायद ये चीज अपने हिसाब से मोल्ड की होगी, मैंने नहीं की है। कहाँ बोला गया कि नहीं यूके ने अपने हिसाब से नहीं बोला गया उसके ब्रो सेना को लगे, यस सलमान ने वो ड्रैग किया था इशू, मैंने उस दिन भी बात बोली थी कि सलमान ने यहाँ तक भी बोला था तेरा घर कैसे चलता है, बाद में अपनी बात को ट्विस्ट कर दिया, ये तो सामने है ना, ऐसे नहीं है कि उसके साथ ये चीज नहीं हुई। मैं फिर बोल रहा हूँ यूके के साथ भी हुई है, खानजादी के भी साथ हुई है, पर तब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है ना, जब वो उस चीज को खींचते रहते हैं, जैसे आज अभिषेक ने किया। एंडी वो टॉपिक में सब बता देना मुझे, यहाँ पे कितना बुरा लग रहा था जब वो करण जौहर की बात ही नहीं सुन रहा था, बीच में बोली जा रहा था, वो कह रहा चुप कर, फिर बोली जा रहा चुप कर, बोली जा रहा, तो सेम चीज यार खानजादी भी सलमान के साथ यही कर रही थी, तब हमने यही बोला था कि अगर उसको अपना इशू रखना है एक बार रख ले बाद खत्म करें, पर अपने आप को बेचारा बनाने वाली हरकत ना खानजादी ने भी की है और उसने यूके ने भी की हुई है, ये अपने हो गया, तो ये दोनों ने की है, पर आपको सिर्फ एक साइड दिख रही है, क्यों? क्योंकि आपको बस उस टाइम पे ये बोलना था कि खानजादी के साथ कैसे हुआ, यूके के साथ भी यही हुआ, दोनों ने अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ियां मारी है, पर सिर्फ आपको यूके की दिखती है। एंडी सर मुझे जवाब देना इसका। कंटिन्यूस आप बोलेंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा,
फूलों का माला बनाऊंगा और मत करो लेट मी दी। तो यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुनावर का गेम है नहीं है मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक देन दैट इज मुनावर नोस कि मेरा फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। डे वन में उसका हैंड रेस किया। अब बिग बॉस को ये प्रॉब्लम हो गई है कि मुनावर को विनर जस्टिफाई जब करना है क्योंकि ऑब्वियसली वोट्स के ऊपर हो गया और सीजन 16 में एमसी स्टैन वोट्स के ऊपर जीता तो अभी भी लोग धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं कि सोते सोते जीत गया राइट। यहाँ भी चैनल पे कई बार हम लोगों ने बोला है। अब बिग बॉस को ये डर है कि ये मुनावर भी सेकंड स्टैंड ना बन जाए क्योंकि पहले तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये भी बिना कुछ किए सोए सोए साइलेंटली अगर जीत गया उसके ऊपर तो नेक्स्ट सीजन हमारे पास तो और कंटेस्टेंट्स भी नहीं आएंगे कि वैसे जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो जीतेगा। लेकिन पहले के सीजन के विनर लाइक तेजस्वी हो, शिल्पा शिंदे हो, गौहर हो, वो लोग एटलीस्ट एक्टिव तो थे, उनका स्टैंड था हर मुद्दे में। यहाँ मुनावर का स्टैंड ही नहीं है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अपने फेवरेट मुनावर के मुंह में लड्डू ठूसने की तरह ये लोग पॉइंट्स बोल रहे हैं कि तू ये कर वो कर। दैट इज वेयर द बायसनेस प्रॉब्लम इज। जब सामने वाला बंदा साइलेंटली बैठ के जीतना चाहता है तो उसको साइलेंटली बैठने दो, इतना मत दो उसको छूट और ना इसके मुंह के अंदर दिमाग के अंदर बोलो कि तू ये कर वो कर स्पून फीडिंग और वो उसी को फॉलो करे। सामने अगर कोई और है जो गेम खेल रहा है लाइक विकी उसको खेलने दो, उसको इतना बेइज्जती मत करो। एट द एंड ऑफ द डे द विनर विल बी ऑन वोट्स। आज जैसे उन्होंने बोल दिया लीस्ट टू वोट्स वेर विकी एंड रिंकू तो ऐसा हुए तो ही इज स्टिल बिल्डिंग हिज फैन बेस, ही इज नेवर द कॉम्पिटिटर ऑफ मुनावर। बट अपने मुनावर को ग्रेट करने के लिए सामने वाले को जब बेइज्जती करते हो बायस बायस बोल के दैट इज ए प्योर नॉट जस्ट हिपोक्रेसी दैट लुक्स वेरी लेम एंड दैट लुक्स लाइक एन इंसल्ट टू द ऑडियंस। थैंक यू। लेट्स गो टू सैम। अर्णव मेरे को मैं पॉइंट भूल गई सॉरी। हां सॉरी एंडी मैं पॉइंट भूल गई सॉरी। ब्लैक आउट। मुझे हमजा को ही बोलना था कि आपने बोला कि मुनव्वर को खेलने तो जैसा भी वो खेल रहा है उसको फायदा तो हो ही रहा है, तो बस अगर फायदा ही लेना है तो ठीक है फिर खेलते रहो ऐसे पीछे पीछे खेलते रहो, फिर आपको लोग भी एमसी स्टैंड का दोस्तों आप हो ही उसी के जैसा विनर बुलाएंगे, फिर रोना नहीं कल को बैठ के। फिर मुनव्वर की प्रॉब्लम यह है कि मुनव्वर की भी स्ट्रैटेजीज बनाता है, मुनव्वर भी पीछे सभा बिठा के डिस्कशंस करता है लेकिन उन चीजों को खोला नहीं जाता जैसे विकी का खोला जाता है। तो अगर वैसे ही किया जाएगा तो मुनव्वर कभी फ्रंट फुट पे आ ही आएगा ही नहीं। जो आप कह रहे हो ना कि फायदा, वो उसी फायदे के चक्कर में ही रह जाएगा। बिग बॉस उसको ल्योर कर रहे कि हाँ भाई ये ले तेरा फायदा, तू नॉमिनेशन में नहीं आ रहा, उसी चक्कर में रह जाएगा फिर वो। तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर विक्की का इतना बुरा हाल नहीं करते तो मुझे लगता है विक्की अंकिता उससे बहुत बेटर गेम खेल रहे होते आज की डेट में और शायद वो बहुत आगे निकल गए होते मुनव्वर से। बस जस्ट बिकॉज बिग बॉस को पता है कि मुनव्वर किस साइड किस तरफ की गेम खेल रहा है, सेफ गेम खेल रहा है, तो उसका काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन ही काट दिया इन्होंने। विक्की का तो गेम खत्म ही कर दिया, अंकिता को भी डिमोटिवेट कर दिया, जो बंदी इतना सही गई है इस हफ्ते उसको भी डिमोटिवेट कर दिया है। अर्णव आपने मुझे ऐसा जवाब देना था। अर्णव आपने बोला कि अगर मतलब एमसी चैन को जैसे वोट के हिसाब से बनाया गया तो कोई और सेलिब्रिटी नहीं आएगा, अगर अब मुनव्वर को इस बार वोट के हिसाब से बनाया गया तो मुझे समझ नहीं आया। टेक्निकली तो देखो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब एमसी चैन जीता था, हम नहीं चाहते थे वो जीते, बट टेक्निकली वोट के आधार पर बनाया गया तो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी थी ना कि वोट के आधार पर बनाया गया, कोई अपने इंटेंशंस की वजह से नहीं बनाया गया। बट ये वोट के आधार पर ही सारे एलिमिनेशन भी होने चाहिए, वो नहीं होते, वो हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये होता ना तो प्रॉबेबली एमसी मतलब पता नहीं। और दूसरी बात कि मुनव्वर को एक्चुअली वोट आएंगे। अब ये इसमें बिग बॉस की क्या गलती है अगर आप ऐसे सोशल मीडिया वाले लोग ला रहे हो, जैसे एल्विश को आए थे बहुत सारे वोट, चाहे उसने गेम में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत कम किया बट उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से उसको बहुत सारे वोट आए थे, तो ये तो ट्रेड ऑफ है। सबसे पहले मुझे सांझ को जवाब देना था। यूके राइडर के लिए जब ब्रो सेना का कमेंट आया था तब उसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? 3 दिन बाद उठ के स्टैंड ले लेता है, हफ्ते बाद उठ के स्टैंड ले लेता है, नहाते हुए स्टैंड ले लेता है, हगते हुए स्टैंड ले लेता है, तो हमें कब उसके पीछे हम खड़े होंगे? साल बाद जाके तो उसे एहसास होता है मेरी ब्रो सेना की बिस्ती हुई है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इसीलिए तो हम ऐसे हैरान हो जाते हैं कि कब ब्रो सेना को बोला गया, महीने पहले या साल पहले? तो जब वो स्टैंड करेगा, अभी भी इतना जो ब्रो सेना का रोना पीट रहा था तो क्यों अपनी गेम के लिए रुका? क्यों स्टैंड लिया उसने ब्रो सेना के लिए लिया? क्यों आप कहते अब मैंने गेम खेलनी है क्योंकि अब मुझे सेव कर दिया गया, अब मेरे से नॉमिनेशन का वो टैग हट गया, इसीलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अभी मुनव्वर स्पून फीडिंग बात कर रहे थे कि मुन्ना जी को तो बड़ी स्पून फीडिंग मिलती है, उसको तो बड़ा कुछ मिलता है, तो स्पून फीडिंग तो अंकिता को भी मिलती है। जितनी स्पून फीडिंग अंकिता को मिली है पूरे सीजन में किसी ली,
तो आप हमेशा अंकिता की तिक कर देते हो, लेकिन वही स्पून फीडिंग अगर मुनव्वर को मिलती है तो मुनव्वर जीजा बन जाता है, मुनव्वर की गेम खराब होगी, मुनव्वर ये हो गया, तो ऐसा बोला करे, पार्शल ना हुआ करे। हाँ सांज, सॉरी हमजा, पर आपने शायद शो नहीं देखा है, उसने वेरी नेक्स्ट डे ही बता दिया था और आप भूल जाते हो, हमें दो तीन दिन बाद शो का वो दिखाया जाता है, यहाँ पे तो आज ही बता दिया गया है कि सोमवार को वो होती है, नॉमिनेशंस होते हैं और हमें तो दिखाई जाती है वेडनेसडे को, थर्सडे को तो वो शूट हो जाता है, तो आपको उस हिसाब से कंफ्यूजन होगी, पर वो जिस दिन सलमान होके गया था उसके वेरी नेक्स्ट डे ही उसने अपना इशू बना दिया था, हमें दो दिन बाद दिखाएंगे तो वो मेकर्स का अपना चल रहा है, एंड सेम गोज फॉर खान जादी, तो उसने भी तो ये सेम चीजें की है ना, अपने हिसाब से वो जाग जाती है, आज खुद उसके वर्ड्स थे कि बिग बॉस आपकी कोई गलती नहीं है, मेकर्स आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मैं ही अपने आप पे ज्यादा सोचती रहती हूँ, और आज एंडी देखा जब वो एविक्शन से उसको वो अपने आप ठीक भी हो गई है, वो पहले क्यों ऐसे हुई पड़ी थी कि मुझे नहीं खेलना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो गेम नहीं खेलनी है, ड्रामे तो सब कर रहे हैं ना, बस मुझे ये नहीं है, हमसे जिसको मर्जी करो, पर आप एक साइड के ड्रामे देख रहे हो, दूसरे साइड के आप इग्नोर कर रहे हो, दोनों कर रहे हैं ड्रामे, बस मैं ये कहना। हाँ जी, हाँ एंडी सर, मुझे इसका छोटा जवाब देना, क्योंकि आपने खुद ही मेरे पॉइंट को प्रूव किया है, सांझ आपने मेरे पॉइंट को खुद ही प्रूव किया है, यूके राइडर ने अगले दिन स्टैंड लिया, जब सलमान खान था तब लेता ना, जिगरा तो फिर पता चलता ना कि ब्रो सेना के लिए सलमान खान के सामने स्टैंड लेता, जब ब्रो सेना के ऊपर सवाल किया गया था, अगले दिन स्टैंड क्यों लिया, और खानजादी की अगर आप बात कर रहे हो, उसको जो डिसरिस्पेक्ट की थी उसने उसी दिन कर दी थी, तो खानजादी ने सामने की थी, जब बाथरूम में चले गई थी, जब सलमान खान ने कहा था मुझे बात नहीं करनी, उसके अगले हफ्ते की थी, आप अपने हिसाब से जो खानजादी ने पिछले वीक की है, और जब कटरीना के सामने उसने बदतमीजी की थी, हाँ तब से हुआ है, क्या बात कर रहे हो यार, अभी अर्नब का पॉइंट सुनेंगे। थैंक यू। तो यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता को जितने बार मोटिवेट किया गया उससे एटलीस्ट 11 टाइम्स मैंने काउंट किया है ज्यादा मुनव्वर को मोटिवेट किया गया, वीकेंड के बारे में उसको वैलिडेशन भी दिया जाता है, उसको बोला जाता है तुम ऐसे गेम खेलो, तुम बोरिंग दिख रहे हो, ऐसे अंकिता को कितने बार बोला गया, पिछले 3 वीकेंड से बाहर से सिर्फ मुनव्वर को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के नाम पे बोला जा रहा है तू ऐसा कर, ऐसे इंप्रूव कर, तेरा कुछ दिख नहीं रहा है, उसको सामने से हिंट्स दिए जा रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स को वो हिंट नहीं दिए जाते हैं, तो ये तो कोई ना ही बोले कि अंकिता को फेवर किया जा रहा है क्योंकि मुनव्वर इज द फेवरेट of this season. And अभी और एक वो point explain करना चाहता हूँ कि vote के हिसाब से winner हो, season 16 का जो winner हुआ, of course vote के हिसाब से हुआ, other rumors are side, लेकिन वो rapper community, rapper या song community, DHL community बोल के जो बोलते थे, वो लोग जो आए थे, वो viewers अब कहाँ गए? वो अब कैसे गायब हो गए? क्योंकि उनका MC stand winner बना, वो निकल गया शो से, उसके साथ व्यूअर्स गायब हो गए। इसी शो में विकी जैन ने अनुराग को यही पॉइंट समझाया था कि तू जो अनफेयर अनफेयर बोलता है तो इससे सबसे ज्यादा अनफेयर तो हमारे लोगों के साथ होता है, राइट? क्योंकि तेरे इतना बड़ा फैन है, तेरा इतना बड़ा ब्रो सेना है, तू तो बिना कुछ किए वोटों के हिसाब से जीत जाएगा, हम लोग यहाँ कुछ करने आए, हमारे साथ कितना अनफेयर होगा वो। सो एवरीवन नोज दैट, और यही प्रॉब्लम हो जाती है जब विनर बनता है बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कंटेंट दिए, सोए सोए लेटे हुए विनर बन जाता है, तो टीआरपी भी शो का डिक्रीज होता है, इंटरेस्ट भी होता है, और जो पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स होते हैं दे आर लाइक, कल के दिन में कोई सबसे बड़ा यूट्यूबर, आई नॉट टेक द नेम, जो रोस्ट करता है लोगों को और रियल लाइफ में फट्टू है, वो अगर आके शो में ऐसे करके बैठ भी गया तो उसके फैंस उसको जिता देंगे। तो एक बार ऐसे शो में बोला गया था, राइट, जैसे लास्ट सीजन में मनीषा बोली थी कि हम दोनों के वजह से शो चल रहा है, किसी दोनों के वजह से शो नहीं चलता है, हीरो बनने के लिए भी सामने जैसे विलेन बनाने की कोशिश करते हैं वैसे बिग बॉस शो चलता है कंटेस्टेंट के लिए, ऐसा है तो मैं बोलता हूँ 24/7 मुनव्वर का ही फेस दिखाते रहो, उसमें देखेंगे शो का कितना टीआरपी होगा। थैंक यू। हाँ, फॉलो मी, फिर समृद्धि। ओके एंडी, तो इस डिस्कशन का मुझे लगता है कोई कंक्लूजन नहीं, क्योंकि डिस्कशन ऐसे फेज पे पहुंच गया जहां मुनव्वर फैंस है, मुनव्वर फैंस के अगेंस्ट है, तो मैं मुनव्वर को क्रिटिसाइज जरूर कर रही हूँ, बट ये भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वैसे ही ले लो जैसे बिग बॉस की लेते हो। तो मेरे को एक दूसरा पॉइंट बोलना था ईशा के बारे में, कि मुझे मतलब मेरा रिव्यू कम्प्लीट नहीं हुआ था ना, इसलिए वो रह गया था पॉइंट। तो ईशा मुझे लगता है बहुत ज्यादा बदतमीज है, क्योंकि आज जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इन सब में तीली ईशा नहीं लगाई थी, और आप देखो हमें बिग बॉस शायद फर्स्ट हफ्ते से ही दिखाने की कोशिश कर
रहे थे कि अंकिता और विक्की की जब वो पेट प्रोजेक्ट थी तब वो उनके बीच में तीली लगाती थी, तो आज भी वो एक्चुअली वही एट फॉल्ट थी ना, वो सो रही है, एक उठा हुआ बंदा तुम्हें आके जगा रहा है और तुम उसमें चढ़ रही हो कि आप भी पहले सोते थे तो अब मैं सोऊंगी, मतलब वहां पे मुझे ईशा बहुत बदतमीज लगी और मुझे लगा कि जो अरुण ने गुस्से में चाहे जो भी बोला मैं उसकी हर एक लाइन पे ताली बजा रही थी, जैसे उसने अभिषेक और ईशा की बैंड बजाई थी, एक्चुअल बैशिंग करी थी आज अरुण ने, जैसे उसने तहलका तो हाथापाई पे आ गया था पर अरुण ने जो किया था ना वो बैशिंग थी, उसने प्रॉपर बजाई थी, उसने अनुराग को भी बीच में घसीट लिया, उसने उसकी भी बजा दी, तो मुझे लगा अरुण ने आज शाइन किया। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो टू दिस सुपर चैट। अमित जी कह रहे हैं एंडी मुनव्वर ने लाइव फीड में बोला अभिषेक रील है तो क्या मुनव्वर गेम खेल रहा है? यस, सिंपल आंसर, यस ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग अ गेम। थैंक यू कपिल शर्मा, वेलकम बैक, लव टू हैव यू बैक, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर एंड आल्सो द सुपर चैट। एज फॉर मी द होल सीजन इज गोइंग टू बोरिंग, मेन रीजन एज फॉर मी एज मेकर्स बीइंग हिपोक्रेट, इवन माय फेवरेट मुनव्वर इज नॉट प्लेइंग एज पर एक्सपेक्टेशन। I absolutely agree with you on that. Munabbar ko aur khelna chahiye. Agar Ekta Kapoor usko bol rahi hai ki tu boring ho raha hai, there's something in it, right? Samriddhi ji boliye. Arnav ji, please, wo spreadsheet jisme 11 times zyada aaya hai, wo calculate karke aapne jo rakhi hui hai, please hum sabko bhi ek copy forward kar de. I would like to tally it. आंसर ये देता हूं कि मैंने कभी स्प्रेडशीट का नाम लिया ही नहीं, वो आप लोगों ने सोच लिया अपने सपने में कि मैंने स्प्रेडशीट बनाया। मुझे अभी बोलना था कि अभी हमारे जोड़ीदार मेरे पैनलिस्ट साथ में बैठे हुए अर्णव जी बोल रहे थे सोते सोते मुनव्वर जीत जाए, तो मैं इस चीज को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर वो सोते सोते जीत जाएगा, अगर अंकिता ये बोल के मुझे घर जाना है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे घर भेज दो या मेरे गेम के लिए विकी को खेलने दो मेरी गेम, तो इससे बैठ के मुनव्वर जीत जाए, ये मुझे बोलना था। और अंकिता माता की जय। अंकिता इज द बेस्ट, अंकिता इज द बॉस लेडी, मुनव्वर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अंकिता। That's it. I'm glad that we got to that point after all. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. हमारे ढाई घंटे का review हो चुका है. अभी हम after party जा रहे हैं. तो मैं अभी share करने वाला हूँ हमारे members के क्या कहते हैं dashboard पे. Go check it out and see if you want to come and join us. Let's meet you all there. Take care of yourselves. Namaste Yoga. Sahi Baat Chugli Gang. Bye bye.